हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी बस भाई काफी सारे बच्चों का हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा था ईमेल आ रहे थे सर एक कंप्लीट क्वांट रिवीजन की वीडियो बना दो एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए हमें सारे इंपॉर्टेंट भी पता चल जाए सारे फॉर्मुले की लिस्ट बन जाए सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो एग्जाम में काम आ सकते हैं इसके साथ ही हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो ये जो है मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया आयु अराउंड सेवन आवर्स की जिसके बाद आपके जितने भी क्वान्स का सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में चाहे वो कैट एग्जाम हो जेट हो आई एफ टी हो इनमैट हो स्नैप हो सीमैट सी टी एस जीएमटी एसआरसी जीबी किसी भी एग्जाम में जहां पे आपका क्वांट सेक्शन सेक्शन पूछा जाता है उस को आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओगे इस वीडियो में मैं आपको सारे 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 के भी लिखवा दूंगा, सारे लिखवा दूंगा दूंगा इंपॉर्टेंट ताकि आपके पास एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं इसके साथ ही एग्जाम कंडीशन में जो शॉर्टकट्स आपके लिए काफी हैंडी हो सकते हैं भाई हमें पता है बहुत बार ऐसा होता है हमें बेसिक तो आता है कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत लग जाता है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है वो आपको कराऊंगा साथ में आपको प्रैक्टिस करूंगा बहुत बार ऐसा होता है सर हमारे बेसिक तो क्लियर है हमें शॉर्टकट्स भी आते हैं लेकिन जैसे ही हमारे सामने एडवांस प्रॉब्लम कर पाते हैं। हम क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो वो सारी चीजें भी आपको यहां पे सिखाने वाला वालों एक बहुत ही वीडियो है लेकिन जब आप इस वीडियो को फिनिश कर लोगे तो फिनिश करने बाद आपका जो क्वांस में कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड क्वांट सेक्शन को लेकर जो आपका डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो इस वीडियो को भाई अपने सारे फ्रेंड्स के जरूर शेयर करना अपने सारे जितने भी कॉलिग्स है उनके साथ शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट हर एक एक्सपीरियंट इस वीडियो से बेनिफिट ले सो माय नेम इज़ सौरभ कोठारी लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे चैनल पे एम रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी चाहे वो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी हो कैट एग्जाम के ऊपर हो अदर एम एग्जाम्स की वीडियो हो कॉलेज के नोटिफिकेशन हो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो या फिर ऐसी डिटेल्ड रिविजन क्वांट्स एलआर वर्बल जीके हर एक चीज के टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो इसके साथ ही भाई हमारा इंस्टाग्राम चैनल है बस एजुकेशन इसको जाके जरूर फॉलो कर लो यहां पे डेली बेसिस पे क्वान शॉर्टकट वोकैबरी वर्ड जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं जो आपकी प्रेपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का यहां पर लिंक दे दिया है तो आप यहां पे जाके बिल्कुल इसको फॉलो कर लो अब बात करते हैं भाई इस पूरी वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है किस तरह से इस वीडियो को स्ट्रक्चर किया गया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई एक नोट ले लो एंड भाई पेन ले लो क्योंकि एक एक चीज के नोट्स आपको बनाने क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो भाई आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बार आपने इस वीडियो के नोट्स बना लिए तो किसी भी एग्जाम से पहले आप सिर्फ ये नोट्स रिवाइज कर लो आपका पूरा का पूरा क्वार सेक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज यहां पे हो जाएगा तो इस वीडियो में भाई आपको तीन चीजें मिलने वाली है क्या क्या चीजें मिलेंगी सबसे पहला सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके क्वांट्स के कॉन्प्ट होते हैं वो सब आपको यहाँ पे कराने वाला हूं मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगा अरिथमेटिक से जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस परसेंटेज रेशो मिक्सर एंड एलिगेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक टॉपिक आपको कराऊंगा जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है जितने भी उनके फॉर्मुले हैं जितने भी उनके पीछे का आइडिया है सब कुछ आपको सिखाने वालों नंबर टू नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं यूनिट डिजिट लास्ट टू डिजिट रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल हर एक चीज यहाँ पे सीखेंगे देन हम लोग मूव ऑन करेंगे ज्योमेट्री की तरफ ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं सब कुछ आपको कराऊंगा ट्राइंगल्स क्वारडिलेटर्स सर्कल्स पॉलीगॉन्स अदर ज्योमेट्री टॉपिक उसके बाद हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे एलजेब्र की तरफ एलजेबरा हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है लीनियर इक्वेशन क्वारिट इक्वेशन हाई ऑर्डर इक्वेशन मैक्सिमम मिनिम इंटीग्रल सोलूशन लॉग ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे मॉडर्न मैथ्स की तरफ जहां पर हम लोग परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एपी जीपी सिक्वेंसिंग सीरीज ये सारे टॉपिक कवर करेंगे तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक्स आपको कराने वाला हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ देन मैं आपको नंबर टू यहा जो प्रोवाइड करूंगा वो है शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा

कैसा लगा इस वीडियो से कितना वैल्यू एड हुआ है क्योंकि ऐसे जब कॉमेंट्स आते हैं तो हमें भी, भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों की हेल्प हो रही एंड वो इस वीडियो से

इतने भी इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस है चाहे वो आईएम अहमदाबाद बैंगलोर, कलकत्ता हो एफ एम एस हो एक्सलरा हो उसके बाद आपका एसपीजे एमबीआई आई आई अदर आएम हर एक टॉप इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप भी वही अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो स्टडी बस डॉट को डॉट इन विद इन थ्री टू फोर डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव पूरी की पूरी किट आ जाती है ठीक है इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको एडिशनल ना ही कोई कोचिंग चाहिए ना ही कोई बुक चाहिए ना ही कोई टेस्टरी चाहिए क्योंकि फुल फ्लैजेड प्रेपरेशन हम आपकी कराते हैं आप चाहो तो क्वांट्स वर्बल एल जीके की इंडिविजुअल पेन ड्राइव भी ले सकते हो अदरवाइज अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते ले हो तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है डिस्काउंट के साथ आपको जीडीपीआई बैट भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड होता है अगर आपको डेमो लेक्चर देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड करे हुए उनको आप देख लो समझ लो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस कोर्स की फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो इस हेल्पलाइन नंबर पर डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल सेवन जीरो फाइव पर कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो यहाँ पे मेन्ड है इसके साथ आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा जहां पर डेट सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं उन गोल्स को आप डेली अचीव करते हो तो आपकी पूरी प्रेपरेशन बहुत ही सिस्टम तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो नीचे हो तो चलो भाई अब हम लोग पूरा पूरा नोट्स, नोट्स बनाते चलो ताकि ना हो अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मान लो मेरे पास दो लोग है और एक वाई है ठीक है एक्स एक काम को कितने दिन में करता है एक्स एक काम को फॉर एग्जाम्पल दस दिन में करता है ठीक है एंड वाई जो है वो उसी काम को पंद्रह दिन में करता है तो दोनों में से बेटर कौन है दोनों में से एफिशिएंट कौन है दोनों में से जल्दी काम कौन करेगा भाई जिसको कम डेज लगेंगे बात समझ रहे हो अगर जिसको दस दिन लग रहे हैं अगर इसको दस दिन लग रहे हैं तो ये जल्दी काम कर लेगा इसे पंद्रह दिन लग रहे हैं तो इसे ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर डेज कम है तो वो बेटर एफिशियंट है और अगर डेज ज्यादा लग रहे हैं तो वो लेस एफिशियंट है अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज क्या समझनी है कि अगर मान लो ये अलोन है और ये अलोन एक काम को दस दिन में करता है और ठीक है तो अब अगर आपसे एग्जामिनर कहने कि एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं तो कितने टाइम में करेंगे तो आपको ये पता है एक्स जो है वो काम को करता है सर टेन डेज में ठीक है जी अगर एक्स टेन डेज में करता है कितने डेज डेज में में करता है 15 दोनों मिलके काम करेंगे तो या तो ऐसा होता है मान लो थर्टी का तो का, का, तो यूनिट। तो यूनिट्स काम है तो अब क्वेश्चन क्या हो गया एक्स जो है वो टेन डेज में थर्टी यूनिट काम करता है तो अगर टेन डेज में थर्टी यूनिट काम करता है तो इन वन डे कितना करेगा वन डे में तो आप कहोगे सर अगर मैं 10 दिन में 30 चॉकलेट्स खाता हूं तो 1 डे में कितनी खाऊंगा 1 डे में x खाएगा 30 upon 10 दैट मींस 3 चॉकलेट्स इसी तरह से अगर मैं आपसे बोल दूं y जो है वो 15 डेज में बेचता 30 चॉकलेट खाता है तो 1 डे में कितनी खाएगा तो 1 डे में आप बोलोगे 30 डिवाइड बाय 15 दैट मींस 2 चॉकलेट्स तो इसका मतलब अगर मैं दोनों का मिला दूं कि x plus y दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खाते हैं तो तीन चॉकलेट एक्स खाता है दो चॉकलेट वाई खाते हैं तो टोटल हो गई फाइव चॉकलेट तो पांच यूनिट काम जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो रहा है करना कितना है करना है थर्टी यूनिट तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम कितना टाइम लगेगा आप बोलोगे सर थर्टी चॉकलेट्स खानी है फाइव चॉकलेट की रेट से खाते हैं तो सिक्स डेज में सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा सारी की सारी चॉकलेट फिनिश हो जाएगी तो टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है अब इसमें क्या होता है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे एलसीएम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेट बनता है वो बनता है जहां पे आपको कंपैरिजन करना होता है कंपैरिजन का क्या मतलब हो गया कंपैरिजन का मतलब हो गया कि ट्वेल्व मैन है ठीक है एंड सिक्सटीन बॉयज है ट्वेल्व मैन है सिक्सटीन बॉयज है एंड ये एक काम को फाइव डेज में कर लेते हैं कितने डेज में कर लेते हैं फाइव डेज में एंड इतना ही काम थर्टीन मैन एंड ट्वेंटी फोर बॉयज कितने दिन में कर लेते हैं फोर डेज में कर लेते हैं तो आप बताओ आप बताओ क्या रेशो है कि के काम का। तो के काम का रेशो पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे करना होता है भाई इस टाइप के में एक चीज को समझने की कोशिश करो ना अगर मैं आपको तो बहुत सिंपल तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं ट्वेल्व मैन प्लस सिक्सटीन बॉय जितना काम पांच दिन में करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व मैन और सिक्सटीन बॉय जितना काम पांच दिन में करते हैं उतना ही काम थर्टीन मैन एंड ट्वेंटी फोर बॉय कितने दिन में करते हैं फोर डेज में करते हैं बात समझो तो इक्वेट कर देंगे क्योंकि क्योंकि तो तो क्या करेंगे बात अब यहां से ये कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा एट मैन और ये इधर कितना हो जाएगा सिक्सटीन बॉयज तो मैन के नीचे बॉय आ जाएगा एंड यहाँ पे सिक्सटीन बाई एट हो जाएगा तो रेशियो क्या आ गया रेशियो आ गया मैन और बॉय का कितना टू इज टू वन तो आप क्या बोलोगे मैन इज टू बॉय इज इक्वल टू टू इज वन दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर क्लियर है बात यहां तक चीज समझ में आ रही है ठीक है तो टाइम एंड वर्क का आपने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जहां पे हमने ये देखा कि कितने टाइम में अगर आपको एफिशिएंसी दे रखी है इतने लोग ये काम को इतने दिन में करते हैं और इतने लोग इस काम को इतने दिन में करते हैं तो हमारी अप्रोच यहां पे क्या रहनी है वो मैंने आपको यहां पे सिखा दी है ठीक है इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या बनती है नेक्स्ट चीज इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको दे रखा होता है कि एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को आपको 50 डेज में खत्म करना है लेकिन 25 डेज बाद जब करते हो तो 25 डेज करने के बाद आपको पता चलता है काम भी वन ही हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आप टाइम पे काम को खत्म करना चाहते हो तो कितने एडिशनल लोग आपको हायर करने पड़ेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन में बहुत एक सिंपल सी अप्रोच लेके चलो कि एम वन इंटू डी वन इंटू टी वन अपॉन डब्ल्यू वन ज ऑलवेज इक्वल टू एम टू इन टू डी टू इंटू टी टू अपॉन डब्लू टू तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ यहां पर एम रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ मैन है ठीक है डी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज टाइम है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं आठ घंटे काम कर रहे हैं हो सकता है क्वेश्चन कहते अब वो नौ घंटे काम करेंगे तो वो टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन टू कितने डेज में रिमेनिंग काम फिनिश करना है एंड एम टू शायद आपको निकालना होता है क्वेश्चन में या फिर आपसे पूछा जाता है डे टू निकालना है तो एक वेरिएबल आपका मिसिंग होता है बाकी सब आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वन थर्ड काम हुआ है तो आपकी डब्लू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन थर्ड डब्लू टू क्या हो जाएगा जितना बचा हुआ है तो बचा हुआ काम कितना हो गया अगर वन थर्ड कंप्लीट हुआ है तो टू थर्ड बचा हुआ है यहां पे वो वैल्यू आ जाएगी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके एम टू की वैल्यू आ जाएगी एंड इस तरह के आपका आंसर निकल जाएगा तो ये तीन टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में तो थोड़ा सा आपका रिविजन हो गया होगा अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले वो है मेरा पाइप एंड सिस्टम पाइप एंड सिस्टम टॉपिक क्या कहता है पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है ना वो आपका टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एक्सटेंडेड वर्जन मतलब Time and work में हमारा काम पॉजिटिव रहता है वो पाइप ट्वेंटी लीटर पानी डालता है पर आर ठीक है फिर आपके पास एक और पाइप है वो पाइप है बी वो, वो आपका क्या करता है ट्वेंटी फाइव लीटर पानी डालता है पर आर लेकिन भाई आपके टैंक में ना एक होल है और इस होल की वजह से क्या हो रहा है इस होल की वजह से पानी आपका काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है काफी ज्यादा पानी बाहर जा रहा है तो उस वजह से आप क्या करते हो आप कहते हो कि भाई ये जो लीकेज हो रहा है ये लीकेज आपका हो रहा है फाइव लीटर पर आर की स्पीड से तो अगर मैं आपसे बोलूं इफेक्टिवली इफेक्टिवली अगर ए पाइप और बी पाइप और सी पाइप का आप काम काउंट करोगे तो कितना हुआ भाई सी को नेगेटिव इसलिए लिखा है बिकॉज वो काम कर नहीं रहा है जो काम हो रखा है उसे भी वेस्ट कर रहा है तो आप बोलोगे तो ट्वेंटी लीटर ए जाता है ट्वेंटी फाइव लीटर बिलता है लेकिन सी जो है माइनस फाइव लीटर कर देता है तो इफेक्टिव जो काम है वो आपका काम कितना रहेगा भाई ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव कर दिया फोर्टी तो फोर्टी लीटर पर आर की स्पीड से आपका पानी फिल हो रहा है टैंक के अंदर तो इस तरह से आपको अप्रोच बिल्ड करनी है और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं अब जिस पाइप से पानी आ रहा है एग्जामिनर उस पाइप को इनलेट पाइप भी बोल देता है ठीक है जिस पाइप से पानी जा रहा है उसको वो आउटलेट पाइप बोल देता है उसको वो लीकेज बोल देता है उसको वो ड्रेनेज बोल देता है ठीक है तो ये अलग अलग टर्म्स है जो यूज वो यहाँ पे कर सकता है अब अगर आप इसका एग्जाम्पल लेके देखो तो मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो पाइप है ठीक है दो पाइप है एक पाइप आपका ए जो काम को फिल टैंक को फिल कर देता है फिफ्टीन आवर्स में ठीक है एक पाइप आपका बी जो टैंक को फिल कर देता है ट्वेंटी आवर्स में एंड एक पाइप आपका सी जो टैंक को पूरा का पूरा खाली कर देता है कितने आवर्स में

And अगर मैं सी की बात करूं जो नेगेटिव काम कर रहा है तो बाय 30 क्योंकि 30 तो तो माइनस टू लीटर का टू तो इफेक्टिवली का का तो का तो जो काम हो रहा है वो हो रहा है फाइव लीटर तो फाइव लीटर काम हो रहा है कितनी देर में वन आर में आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपको टैंक भरना सिक्सटी लीटर का तो समय कितना लगेगा टाइम कितना लगेगा तो आप बोलोगे सर रिक्वायर्ड टाइम

होंगी तो क्या करना है किस तरह से अपने आपको बेटर करना है परसेंटेज को इसको समझने के लिए मैं आपको भाई कुछ चीजें समझा रहा हूं जिसकी हेल्प से आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी एंड उसके बाद आप देखोगे अपने क्वेश्चन जो है वो आप जल्दी जल्दी भी सॉल्व यहां पे कर पा रहे हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये समझो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो आगे जितने भी चैप्टर है चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड हो मिक्सर एलिगेशन हो रेशो प्रपोर्सन हो प्रॉफिट लॉस हो सब में परसेंटेज का यूज तो होना ही है तो बहुत ध्यान से यहां चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आपको परसेंटेज और रेशो एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए तो अगर मैं आपसे बोलू कि मुझे बताओ वन बाय टू ये कितना परसेंटेज है आप बोलोगे फिफ्टी परसेंटेज है क्योंकि हाफ है वन बाय थ्री कितना होता है वन बाय थ्री होता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट

उसका वन बाय सेवन की वैल्यू कितनी होती है by की वैल्यू होती है इसको लर्न करने का तरीका क्या है सेवन का डबल फोर्टीन फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट तो ऐसे लर्न कर लो फोर्टीन पॉइंट टू एट फिर मैंने कहा वन बाई एट की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे वन बाई एट की वैल्यू होती है सर हाफ ऑफ वन बाई फोर विच मीन कितना विच मीन ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो आप कह दोगे यहाँ पे सर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट अब अगर मैं बात करूं वन बाय नाइन की और वन बाय टेन की टेन परसेंट और वन 11 अब मैंने वन 9 और में क्या सिमिलैरिटी सर्च करी मैंने कहा वन बाय नाइन की जो वैल्यू होती है वो की में होती है एंड वन बाई इलेवन की वैल्यू नाइन की टर्म्स में होती है तो वन बाय नाइन कितना होता है इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट वन बाई इलेवन कितना होता है नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट इसके बाद अगर मैं बोलूं वन बाय ट्वेल्व बाय ट्वेल्व की वैल्यू कितनी होती नथिंग बट हाफ ऑफ वन बाय

कर पाओगे ठीक है इसके बाद भी एक परसेंटेज का गोल्डन रूल होता है जो कभी कभी आपको भाई जल्दी कैलकुलेशन करने में हेल्प कर सकता है वो गोल्डन रूल कहता है ए ए परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ बी बी इज ऑलवेज इक्वल टू इसका क्या मतलब हुआ अगर मान लो आप कभी पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि बताओ फोर परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव कितना होता है अब आप फोरसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव निकालोगे तो आपको शायद टाइम ज्यादा लगेगा बट आप इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फोर शुड बी इक्वल कितना होगा भाई वन बाई थ्री कितना तो कितना वैल्यू आ जाएगा? जाएगी थ्री आप चाहे निकाल के देख लो फोर परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव भी आपका थ्री ही होता है या फिर मान लो आप एक ऐसी में आ जहां पे आपको बोला भाई, 18 50 बताओ अब 18% ऑफ 50 निकालोगे दैट इज डिफिकल्ट

एंड आपको बोला कि ये आपकी चीज जो है थर्टी परसेंट से क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो अगर थर्टी परसेंट से इंक्रीज हो गई तो जो भी परसेंटेज चेंज होता है चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो वो हमेशा निकलता है बेस वैल्यू पे तो बेस वैल्यू पे निकलता है तो आपने कहा थर्टी पहले मुझे निकालना पड़ेगा किसका 300 का तो 30 अपॉन थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय करोगे इंटू थ्री थर्टी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड करोगे तो कितना आ गया दिस कम्स टू बी 90 आपको इंक्रीज करना है तो प्लस करोगे 90 तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 390

परसेंटेज चेंज पता होता है एंड फाइनल वैल्यू हमें निकालनी होती है दूसरा जो हमारे टाइप बनता है टाइप टू होता है अगर मान लो आपको दे रखा है कि भाई आपकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपकी टू थी और ये वैल्यू अब जो हो गई है ये वैल्यू हो गई है, अब आपकी टू तो बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ये हमें निकालना है तो भाई अब आप ये देखो टर्म्स में कितना चेंज हुआ है टर्म्स में चेंज हुआ कितना 60 का चेंज हुआ भाई पहले टू हंड्रेड 60 तो 60 का चेंज हो गया किस पे हमेशा पूछा करो किस पे तो बेस वैल्यू पे तो 200 अपॉन में आ गया एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हंड्रेड से तो अब हमारा क्या आ जाएगा भाई ये वनजा है ये टू ज गया एंड दिस इज इक्वल टू थर्टी तो अगर मैं परसेंटेज की टर्म में देखूंगा तो थर्टी से क्या हो गई मेरी वैल्यू इंक्रीज हो गई है ठीक है या फिर इसी में जो क्वेश्चन बनता है डिक्रीज का क्वेश्चन बनता है कैसे देखो आपको दे रखा है भाई जो आपकी बेस वैल्यू है वो है आपकी थ्री हंड्रेड एंड आपकी जो फाइनल वैल्यू रह गई वो रहेगी टू हंड्रेड टेन तो बताओ कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप देखो एप्सुलूट टर्म डिफरेंस कितना है आप बोलोगे सर नाइन्टी का डिफरेंस है किस पे बेस वैल्यू पे बेस वैल्यू आपकी थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दोगे हंड्रेड से तो कितना आ गया भाई आपको सॉल्व करके पता चल गया हंड्रेड 100 वन 100 30% और वैल्यू क्या हुई है, जो हमारा टाइप थ्री बनता है जिसमें लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है उसमें आपके पास बेस वैल्यू नहीं होती आपके पास परसेंटेज चेंज होता है आपके पास फाइनल वैल्यू होती है जैसे कि मान लो परसेंटेज चेंज करने के बाद आपको दे दिया कि फाइनल वैल्यू आपकी सेवन हंड्रेड हो गई सेवन हंड्रेड आपकी फाइनल वैल्यू हो गई एंड आपने फोर्टी परसेंट से इंक्रीज करा है तो बताओ आपकी बेस वैल्यू कितनी थी अब काफी लोग गलती क्या करते हैं सेवन हंड्रेड में से डायरेक्ट फोर्टी परसेंट माइनस कर दिया नहीं आप जो परसेंटेज चेंज करोगे हमेशा बेस वैल्यू पे करोगे एक बात को समझो अगर आप हंड्रेड में टेन परसेंट प्लस करोगे दैट इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन राइट लेकिन अगर आप वन हंड्रेड टेन में से 10% माइनस करोगे तो क्या 100 होगा नहीं दैट विल बी 99 तो इसका मतलब आप इससे यहां पे वापस माइनस करके नहीं पहुंच सकते तो क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझो आप बेस वैल्यू को हमेशा कितना मानोगे हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट इन परसेंटेज होता है बेस वैल्यू फोर्टी परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी वन फोर्टी परसेंट भाई क्योंकि हंड्रेड परसेंट प्लस फोर्टी परसेंट वन फोर्टी परसेंट परसेंटेज में वन फोर्टी है एब्सोलूट टर्म से हंड्रेड है तो आप क्या बोलोगे वन फोर्टी परसेंटेज इक्वल टू सेवन हंड्रेड अब यहां से आपको क्या निकालना हंड्रेड परसेंटेज तो विली सेवन हंड्रेड

तो अब बताओ आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी तो भाई आपको पता है इनिशियल वैल्यू हमेशा हंड्रेड परसेंट होती है 100 में थर्टी परसेंट माइनस हुआ तो फाइनल वैल्यू 70%. तो 70 हो गया है तो सेवेंटी परसेंट इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी तो अगर 70 420 हो गया तो हंड्रेड परसेंट तो विल इक्वल टू तो कितना दिस इक्वल टू फोर ट्वेंटी अपन सेवेंटी मल्टीप्लाई वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना The value comes out to be 600. So these are the three kinds of percentage questions, जिसके ऊपर generally questions बनते हैं and आप आराम से इन questions को solve कर सकते हो. अब यहाँ पे word problem कैसे बनती है? मान ले एक word problem है. वो word problem क्या कह रहा है? Word problem कह रहा है एक student है राम and राम ने जो score करा वो कितना score करा? राम scored for example 20% marks है. राम के 20% marks है and he failed by he failed by 35 marks. 35 marks से fail हो गया. एंड जो इसका दोस्त था श्याम उसने कितना स्कोर करा ही स्कोर्ड फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट मार्क्स फिफ्टी परसेंट मार्क्स आए एंड ये जो है पास हो गया एंड ही ऑप्टेंड ही ऑप्टेंड फिफ्टी फाइव 55 फिफ्टी फाइव मार्क्स मोर देन दो रिक्वायर्ड टू पास अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि टोटल मार्क्स कितने थे फाइंड द टोटल मार्क्स अब क्या करूंगा भाई यहां पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो मैंने कहा आपके पास ए है आपके पास पहला बंदा है राम राम का स्कोर कितना आया अगर हम यहां पे एक लाइन बना के देखें लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो राम का परसेंटेज कितना है ट्वेंटी परसेंट शाम का परसेंटेज कितना है फिफ्टी परसेंट अब एक बात को समझो मान लो ये पासिंग मार्क्स है भाई ये आपके पासिंग मार्क्स है तो राम के पासिंग से कितने कम है थर्टी फाइव कम है तो आप बोलोगे राम के थर्टी फाइव मार्क्स कम है

भाई आपने कहा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई हाउ मच परसेंटेज बाय हाउ मच परसेंटेज अ हाउसवाइफ अ हाउसवाइफ शुड डिक्रीज क्वांटिटी शुड डिक्रीज क्वांटिटी सो डैट सो डैट टोटल एक्सपेंडिचर सो डेट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम क्वेश्चन में हमने देखने को मिला है. तो भाई अब इस का मतलब मतलब क्या? पहले मतलब समझो. आपको एक traditional approach बताता हूं, फिर आपको बता exam में आपको में कैसे सॉल्व करना है भाई सबसे पहले ये समझो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस इन क्वांटिटी भाई आपने कहा प्राइस का अगर मल्टीप्लिकेशन आप क्वांटिटी के साथ कर दोगे तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, ये आपका निकल के आ जाएगा

अब आप इसको सोल्व करोगे फिर देखोगे वाई की वैल्यू क्या आई फिर इस वाई से परसेंटेज चेंज निकालोगे इतने सारे वेरिएबल में समय हमारा ज्यादा लगेगा एग्जाम में हमें क्या अप्रोच लगानी आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप शायद जल्दी इन क्वेश्चन को कर लोगे आपको हमेशा क्या, क्या करना है आप यहां प्राइस लिखोगे यहां क्वांटिटी लिखोगे आप प्राइस बेस हंड्रेड मानो अगर प्राइस बेस हंड्रेड था तो नया प्राइस कितना हो गया भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ है तो नया प्राइस हो गया वन ट्वेंटी फाइव गोल्डन रूल क्या कहता है मेरा गोल्डन रूल ये कहता है जो प्राइस के साथ हुआ उसका रिवर्स क्वांटिटी के साथ करेंगे क्या बोला मैंने जो प्राइस के साथ हुआ उसका रिवर्स हम क्वांटिटी के साथ करेंगे तो आपने कहा सर 100 आपका बेस प्राइस था 125 हो गया इसका रिवर्स क्वांटिटी में लिख दो 125 और यहां पे आ जाएगा 100 तो अब आप देखो कितने का चेंज हुआ है क्वांटिटी में 25 का चेंज हुआ है 25 का चेंज हुआ है, अब आपको कुछ नहीं करना बस परसेंटेज निकालना है बेस वैल्यू 125 है फाइव तो 25 वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दिया 20 परसेंट से क्या हो गया डिक्रीज हो गया क्योंकि 125 है यहां पे 100 है तो 20 परसेंट से डिक्रीज हो गया आपका आंसर आ गया इस शॉर्टकट की हेल्प से ठीक है तो मेथड क्या था प्राइस को लिखेंगे हंड्रेड

भाई प्रॉफिट लॉस समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जैसे आपकी मार्क प्राइस होती है जिसको आप एम भी बोल देते हो आपका सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है ठीक है जी अब देखो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस प्राइस में प्रॉफिट या लॉस ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है और सेलिंग प्राइस निकलता है और मार्क प्राइस में से हमेशा डिस्काउंट माइनस होता है तो अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे अब जो मैंने आपको मेथड बताया था कौन सा मैंने आपको मेथड बताया था अभी पांच मिनट पहले टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री वही चीज आपको यहां पे लिखनी है मान लो अगर आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस आपकी किसी प्रोडक्ट की है थ्री हंड्रेड रुपीज आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो फाइंड द सेलिंग प्राइस तो आप हमेशा उसी अप्रोच से करो आपका कॉस्ट प्राइस थ्री हंड्रेड तो कॉस्ट प्राइस हमेशा यहां द बेस क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे चीजें कैलकुलेट होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हो गया आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस तो ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर आप थ्री हंड्रेड का निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू कितना दैट विल बी इक्वल टू 25% 25/100 300 300 कितना 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 तो 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 इसको आप solve करोगे तो कितना आ जाएगा That will be 75 तो 75 का आपने हाँ पे क्या कर दिया? Increment कर दिया दिया तो आपका selling price कितना हो गया 375 इसी तरह से मान लो अगर आपसे कह रहा है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस आपकी टू हंड्रेड रुपीज है ठीक है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस आपका फॉर एग्जांपल टू फिफ्टी रुपीज है तो बताओ भाई आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ तो आप बोलोगे भाई वैल्यू में चेंज कितने का हुआ है 50 का चेंज हुआ है. किस पे पे कॉस्ट प्राइस तो अपॉन टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दोगे तो कितना आ जाएगा वन बाय फोर विच मीन ट्वेंटी फाइव परसेंट का यहां पे क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया है इसी में आपका टाइप थ्री बनता है वो टाइप थ्री आपका क्या कहता है वो टाइप थ्री आपका ये कहता है बॉस कि अगर मान लो आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है कितना था तो आप ये गलती मत करना कि थ्री सिक्सटी में से ट्वेंटी परसेंट माइनस कर दिया नहीं बेटा ये नहीं करना है तो क्या करना है सर आपने मुझे सिखाया था कॉस्ट प्राइस हमेशा हंड्रेड परसेंट मान के चलो हंड्रेड परसेंट मान लिया ट्वेंटी परसेंट का क्या हुआ है

कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट जो था उसमें आपका ट्वेंटी परसेंट का क्या हुआ है लॉस हुआ है ट्वेंटी लॉस हुआ, है? हुआ है, और आपने वो बेचा कितने में है आपने वो प्रोडक्ट बेचा है फॉर एग्जाम्पल लेट से फाइव सिक्सटी रुपीज में ठीक है तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना था तो भाई अब मैं क्या करूंगा मुझे पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट कॉस्ट प्राइस होता है ट्वेंटी परसेंट का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया एट्टी परसेंट के बराबर हो गया तो एट्टी परसेंट को इक्वेट कर देंगे किससे फाइव सिक्सेंट हंड्रेड परसेंट सिक्स अपॉन एट्टी मल्टीप्लाई बाय कितना हंड्रेड तो, तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी सेवन सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड तो अब आपको भाई तीनों टाइप समझ में आ गए हैं जो आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में काम आते हैं अब इसमें एक और फर्दर कॉन्सेप्ट होता है वो फर्दर कॉन्सेप्ट क्या होता है वो फर्दर कॉन्सेप्ट होता है शॉपकीपर कि भाई मैं क्या कहता हूं मैं बहुत ही एक अच्छा शॉपकीपर हूं शॉपकीपर कहता है मैं बहुत अच्छा शॉपकीपर हूं और वो कहता है कि भाई मैं ना जितने प्राइस में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं भाई आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है अ शॉपकीपर सेल्स His goods at cost price. वो कहता है मैं भाई कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहा हूं मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं बट बट वो चलाकी क्या करता है बट ही यूज इज बट ही एट हंड्रेड ग्राम्स इंस्टेड ऑफ ए के जी इंस्टेड ऑफ वन के जी तो आपसे पूछा फाइंड हिज फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये आपसे पूछा है भाई आपने वो मूवी देखी होगी नायक भाई नायक में यही तो होता है भाई वो उनका वेइंग बैलेंस होता है उसके नीचे वो मैग्नेट लगा देता है तो इसी तरह से वो यहां पे शॉपकीपर करता है शॉपकीपर दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए बोलता है कि भाई मैं तो आपको तो कॉस्ट वैसे बेच रहा हूं लेकिन वो चलाकी ये करता है एक के जिस जगह एट हंड्रेड ग्राम देता है तो अब बताना है हमें उसको प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ ऐसे क्वेश्चन को करने की सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है आप सीपी ऑफ वन ग्राम आप सीपी ऑफ वन ग्राम हमेशा मानो रूपी वन तो सीपी ऑफ वन ग्राम कितना हो गया रूपी वन हो गया तो अब सीपीओ ऑफ वन ग्राम अगर रुपी वन हो गया तो एसपी ऑफ थाउजेंड ग्राम कितना होगा सेलिंग प्राइस भाई क्योंकि ये कह रहा है मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेचता हूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया वन ग्राम का वन ग्राम का सेलिंग प्राइस भी वन रुप होगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ थाउजेंड ग्राम विल बी इक्वल टू थाउजेंड रुपीज सीपी ऑफ थाउजेंड ग्राम कितना होगा सीपी ऑफ थाउजेंड ग्राम सीपी ऑफ थाउजेंड ग्राम भी हजार रुपए ही होता लेकिन इसके लिए एक्चुअल सीपी क्या पड़ा एक्चुअल सीपी भाई इसने दिया तो सिर्फ एट हंड्रेड ग्राम है ना तो इसका सीपी कितना पड़ा इस शॉपकीपर को दैट इज एट हंड्रेड रुपीज रुपए की चीज ली और लोगों को हजार रुपए में बेच दी तो एट हंड्रेड की चीज ली और लोगों को हजार रुपए में बेच दी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का टू हंड्रेड का किस पे एट हंड्रेड पे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना टू हंड्रेड अपॉन एट हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड दैट इज इक्वल टू कितना दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी 25 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया किसको प्रॉफिट हो गया आपके शॉपकीपर को रेशो एंड रेशो क्या होता है रेशो का आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि रेशो इज ऑलवेज द सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म अगर जो होती है किसी भी चीज की उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम रेशो बोलते हैं ठीक है अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास 200 लीटर का एक सॉल्यूशन है एक मिक्सचर है और इसमें वॉटर है ये मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि सबसे पहले तो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो आपको पता है सिक्सू फोर को हम थ्री टू टू लिख सकते हैं डिवाइड हो गया तो थ्री टू टू की फॉर्म में अगर है तो बताओ भाई वाइन कितना होगा तो वाइन का रेशो निकालना है तो वाइन का रेशो कितना है एंड टोटल ऑफ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई सोल्यूशन टू हंड्रेड लीटर तो अब आप यहां से निकालोगे दिस दिस इज इज तो फोर्टी इंटू थर्टी कितना वन ट्वेंटी लीटर का वाइन है वॉटर कितना हो जाएगा वॉटर आपको पता है टू के रेशो में प्रेजेंट है टोटल कितना होगा सम ऑफ इज समाइव

हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी ठीक है जी कैसे करेंगे देखो भाई इनको करने का अप्रोच क्या है भाई एक अप्रोच तो ये होता है टू एक्वल टू थ्री बी इक्वल टू फोर सी इक्वल टू के रखो लेकिन भाई उसमें टाइम लगता है मैं आपको सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ क्या अप्रोच बता रहा हूं मैंने कहा भाई एक काम करो इन तीनों का एल्सियम ले लो तो टू थ्री फोर का एल्सियम कितना आएगा भाई ट्वेल्व आएगा एल्सियम तो अब आपको वैल्यू को इक्वेट करना टू ए इक्वल टू ट्वेल्व हो गया थ्री बी इक्वल टू ट्वेल्व हो गया एंड फोर सी इक्वल टू ट्वेल्व हो गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया ए का वैल्यू यहाँ से आ गया सिक्स का वैल्यू कितना आ गया बी का वैल्यू आ गया फोर और सी का वैल्यू क्या आ गया सी का वैल्यू आ गया थ्री तो आपका फॉर्म हो में, में होता तो मान लो यही क्वेश्चन होता ए अपॉन थ्री इक्वल टू बी अपॉन फोर एंड सी अपॉन फाइव ये आपको चीज दे रखी है और आपसे बोला हुआ फाइन ए इज टू बीस टू सी तो क्या करता मैं इस केस में भाई आप एक चीज को समझो जब भी जब भी आपका डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो आप क्या करते हो डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है तो एक बड़ा सिंपल डिविजन वाले मैंने कहा डायरेक्ट आपके सामने आंसर प्रेजेंट होता है एंड तो तो उसी से आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो ठीक है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं प्रोपोर्शन की व्हाट डू मीन बाय प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है समझो अगर इफ ए बी सी तीन नंबर एंड देर थ्री नंबर एंड क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दीज नंबर आर इन प्रपोशन सो दिस मीन्स वॉट दिस मीन्स दैट ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी सिमिलरली अगर देर आर फोर नंबर इफ ए बी सी डी आर फोर नंबर्स एंड दे आर इन प्रपोशन तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू सी अपॉन डी तो यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका रेशियो एंड

जहां पे आपका पी जो होता है प्रिंसिपल होता है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है टी इज द टाइम एंड इट इज पी इज द द प्रिंसिपल आर इज रेट एन इज द नंबर ऑफ इयर्स लेकिन यार ये करने से पहले ना मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी सिखाना चाहता हूँ और साथ में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना चाहता हूँ मान लो आपने प्रिंसिपल हजार रुपए लिया आपने प्रिंसिपल हजार रुपए बैंक में दिया और बैंक ने कहा मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दूंगा किस हिसाब से दस परसेंट के हिसाब से तो दो साल तक अगर आप अपना बैंक में पैसा रखोगे तो आपका फाइनल अमाउंट कितना होगा या क्वेश्चन पूछेगा फाइनल प्रिंसिपल फाइनल इंटरेस्ट कितना बनेगा तो टाइम आपने का टू ईयर है अगर आप बैंक में हजार रुपए रख रहे हो तो हजार रुपये रख रहे हो फर्स्ट ईयर आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा टेन परसेंट मिलेगा टेन परसेंट हजार का कितना हो जाएगा सौ रुपए सेकंड ईयर भी आपको टेन परसेंट मिलेगा दैट इज हंड्रेड रुपीज तो आपका फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो कभी चेंज नहीं होता जो आपका बेस प्रिंसिपल है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है समझो मान लो आपने प्रिंसिपल हजार रुपए दिया बिल्कुल सेम चीजें लिख रहे हैं बस इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट टेन परसेंट है एंड टाइम जो है वो टू ईयर है तो अगर मैं आपसे बोलूं अब आप बताओ दो साल बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा तो आपने कहा सर आपने बैंक में हजार रुपए रखा है बैंक में आपने हजार रुपये रखा है तो फर्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा That will be equal to 100 10 के हिसाब से। आपको क्या मिलेगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो अब जो आपको टेन परसेंट मिलेगा वो इलेवन हंड्रेड का मिलेगा दैट इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा वो मिलेगा वन टू वन जीरो तो बेसिकली ये जो दस रुपए एक्स्ट्रा आए हैं ये दस रुपए एक्स्ट्रा हैं जो आपको फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था तो सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो आपको दस परसेंट सौ रुपए पर दस रुपए मिल गया तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अब मैं कहूं फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जैसे मैंने आपको फॉर्मुला बताया पी आर टी अपर हंड्रेड होता है एंड अगर आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट एड कर दोगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा

ठीक है तो अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मुले से सॉल्व करोगे तो कैसे होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज ब्रैकेट में वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर टू इसको जब आप सॉल्व हो जाएगा थाउजेंड मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा दिस विल बिकम वन हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड की पावर टू जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय इलेवन बाई टेन मल्टीप्लाई तो जीरो से ये वाला जीरो, जीरो सेन 11 11 एक दस परसेंट सी आई है, है कितने दो साल के लिए तो यहां पे 10 और यहां 10 क्योंकि दो बार है तो दो बार लिख लिया अब आप क्या करोगे इन दोनों को सोल्व कर लो इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे टेन प्लस टेन प्लस टेन इंटू टेन अपॉन हंड्रेड ये तरीका है जो आपका रेट रखा है वो रेट को आप प्लस करोगे प्लस उन दोनों रेट को मल्टीप्लाई करके अपॉन हंड्रेड कर दोगे कितना ट्वेंटी वन परसेंट आ गया तो एक बार में ट्वेंटी निकाल दो तो आपका डायरेक्ट यहां पे सीआई निकल जाएगा तो अगर आप ट्वेंटी वन परसेंट निकालोगे हजार का तो सी आई कितना ट्वेंटी वन परसेंट होगा टू हंड्रेड टेन तो टू हंड्रेड टेन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार में निकल गया और यहाँ पे क्या करा यहाँ पे आपने अमाउंट निकाला वन टू वन जीरो का यहाँ से आप सीआई निकालोगे वन टू वन जीरो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे थाउजेंड तो आपका सीआई आएगा टू हंड्रेड टेन यहां भी अप्लाई कर सकते हो 4 में भी कर सकते हो अगर तो 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 रुपए है और हजार रुपए आपने सीआई पे दिए फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से तो ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से दिए तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा थ्री इयर्स तो आप बोलोगे ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी लिख लो पहले इन दोनों ट्वेंटी को सोल्व करो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो ये कितना और ट्वेंटी को सोल्व कर लो तो फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी फोर इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड दिसवल टू कितनाट परसेंट से एक बार में इसके ऊपर निकाल दो इंटरेस्ट होगा तीन साल का सेवेंटी टू पॉइंट एट परसेंट ऑफ थाउजेंड रुपीज क्वल टू सेवन ट्वेंटी है ठीक है मिक्सर एंड एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है समझो इस बात को अगर कोई भी mixture का क्वेश्चन आता है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को मिक्स क्यों करता है भाई मिक्स करने का रीजन होता है ताकि वो एक हायर क्वालिटी में लोअर क्वालिटी एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आए वो फाइनल प्रोडक्ट चीपर हो एंड शॉपकीपर का प्रॉफिट ज़्यादा हो है ठीक है? है, है? है।, है वो वीट बेचता है उसके पास दो क्वालिटी के वीट है एक वीट है मान लो उसके पास ट्वेंटी फाइव रुपीज का और एक वीट उसके पास है फॉर एग्जांपल से एटीन रुपीज का दो वीट उसके पास है अब आपसे ये बोला है कि अगर वो अपना फाइनल प्रोडक्ट चाहता है कि रुपीजी का बन जाए तो किस रेशो में दोनों को मिक्स भाई उसके 25 है, उसके पास वाला वीट वीट है का है उसने कहा मैं किस रेशो में इन दोनों को मिक्स करूं कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाए वो ट्वेंटी रुपीज का बन जाए तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे समझो आपने कहा ट्वेंटी फाइव सर आप यहां लिखो एटीन आप यहां लिखो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो कितने का हो गया वो ट्वेंटी का हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी को माइनस कर देना है कितना आ गया फाइव आ गया एंड ट्वेंटी को एटीन में से माइनस कर दो भाई माइनस करके एप्सोलूट वैल्यू लिखनी है माइनस नेगेटिव नहीं लिखना है तो ये कितना हो जाएगा दैट विल बी टू तो इसका मतलब आप बोलोगे टू इस टू फाइव के रेशो में सारा मिक्स कर दो आपकी रिक्वायर्ड चीज आ जाएगी मतलब ट्वेंटी फाइव रुपीज वाला जो वीट है उसके टू केजी एंड एटीन रुपीज वाला वीट जो है उसका पांच केजी आप मिक्स करोगे तो आपका जो फाइनल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा वो आपका ट्वेंटी रुपीज का आ जाएगा चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो ट्वेंटी वाला टू के प्लस एटीन वाला 5 kg कितने रुपए का सामान ले लिया 50 प्लस नाइन वन आ गया एंड टोटल आपने कितना के ले लिया 2 के ये और 5 के ये तो 7 के ले लिया तो इसका मतलब आपका कॉस्ट कितना रह गया रुपीस 20 पर जी और वही चीज तो अभी हमने यहाँ पे निकाली है बात को समझे कॉन्सेप्ट फिट हो तो रहा है माइंड में बहुत बढ़िया अब मिक्सर एंड एलिगेशन में और क्या चीज बनती है मिक्सर एंड एलिगेशन में कभी कभी आपके सामने रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बनता है रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो

ठीक है अब इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट मिल्क का गया होगा एंड थोड़ा सा वाटर का गया होगा क्योंकि भाई वॉटर एडेड है पांच लीटर और फिर क्या करता है ये लीटर इसमें वापस पानी ऐड कर देता तो वापस का का सॉल्यूशन लीटर हो गया फिर आपसे पूछा दो के बाद जब ये थर्ड घर में जाएगा तो बताओ इसके पास प्योर मिल्क कितना होगा ये आपसे पूछा है तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है आपने देखो फिफ्टी लीटर का मिल्क था आपके पास ठीक है आपने फाइव लीटर तो दे दिया तो आपके पास मिल्क बचा कितना मिल्क बचा 45 लीटर इसमें आपने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया तो अब पानी और मिल्क का रेशो क्या हो गया नाइन इस टू वन का हो गया अब आप अगले घर में जाओगे और उनको जब पांच लीटर दोगे तो उसमें टेक्निकली आप फोर पॉइंट फाइव लीटर मिल्क दोगे एंड जीरो पॉइंट फाइव लीटर आप पानी दोगे क्योंकि जिस रेशो में ये प्रेजेंट है उसी रेशो में ये आगे भी जाएगा तो अगर ये रेशियो बन गया फोर पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव फिर ये सब ट्रैक्ट करोगे फिर आप देखोगे थर्ड घर के लिए कितना मिल्क बचा कितना वॉटर बचा तो अगर आप मैनुअली करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं हम यहां पे एक फॉर्मुले का यूज करते हैं जिस फॉर्मूले का नाम है क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट तो दैट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट में वन माइनस क्वांटिटी टेकन आउट वन माइनस क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर एन जहां पे एन क्या है जितनी बार वो प्रोसेस रिपीट किया है तो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल के हिसाब से आप क्या बोलोगे उस एग्जांपल के हिसाब से आप बोलोगे सर जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज 50 लीटर वन माइनस क्वांटिटी टेकन आउट हर बार आप कितना क्वांटिटी निकाल रहे हो फाइव लीटर निकाल रहे हो अपॉन टोटल क्वांटिटी दैट इज फिफ्टी और कितनी बार करा आपने फॉर एग्जाम्पल आपने दो बार ये करा और आपको निकालना जब वो घर में जाएगा तो कितना प्योर मिल्क होगा? तो अब अगर आप इसको 50, इसको आप तो 50, 40, इसको 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 करोगे करोगे कितना और जब जब हम फर्दर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये चला गया नाइन एंड टेन तो नाइन बाई टेन नाइन बाई टेन हो गया एंड जीरो से आपका फाइनल क्या गया

अगर मान लो मैं आपसे बोलू कि मुझे बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे सर एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सबमिशन टोटल सम अपॉन टोटल नंबर तो इसको अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या है ये एवरेज है अब यहां पे मान लो मुझे कुछ रैंडम नंबर्स दे रखे मुझे देखा टेन है मुझे दे रखा है ट्वेंटी है मुझे दे रखा है सिक्सटी है मुझे दे रखा है सेवेंटी है बताओ इनका एवरेज क्या होगा तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा अप्रोच है आपने कहा टेन प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्सटी प्लस सेवेंटी करेंगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं टोटल नंबर तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू बाई टेन प्लस ट्वेंटी कितना होता है टेन प्लस ट्वेंटी हो गया आपका थर्टी थर्टी प्लस सिक्सटी आपका हो गया नाइनटी एंड नाइन्टी प्लस सेवेंटी हो गया वन सिक्सटी तो वन सिक्स आपको डिवाइड करना है किससे फोर से करना है तो आपका एवरेज कितना आ गया

Odd terms होती होती ठीक है है तो 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 तक अगर अगर तो हम क्या कहते अगर मुझे average निकालना सर पहला तरीका तो ये ये कि आप first term plus last term कर दो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हंड्रेड दैट इज द एवरेज एंड सेकेंड आपको एक अप्रोच और पता है कि middle term. तो क्योंकि यहां पे नौ टर्म्स हैं आपको पता है मिडिल टर्म जो है that is the

हंड्रेड एंड वन डिवाइड बाई टू कर दोगे दैट इज इक्वल टू कितना दैट इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट फाइव एवरेज क्लैरिटी आ रही है बात में ठीक है अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं फॉर एग्जाम्पल द एवरेज द एवरेज ऑफ फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर द एवरेज ऑफ सेवन कॉन्जीक्यूटिव नंबर Find the, find the greatest number. ठीक नंबर इस क्वेश्चन में हम पे लिखो का जो है है है. वो क्या है? वो क्या तो अब आप देखो आपसे पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर तो किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले खुद ट्राई करना अब आप देखो एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन डैश है ठीक है एवरेज है कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर्स हैं तो Numbers भी सेवन में है तो इसका मतलब जो मिडिल वैल्यू होगी वो एवरेज होगा तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी इनमें से ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब ट्वेंटी आपको नंबर निकालने हैं तो भाई इसके इसके पीछे और इसके आगे एक एक कम होता रहेगा और एक एक बढ़ता रहेगा मतलब यहाँ पे ट्वेंटी सेवन हो जाएगा यहाँ पे थर्टी वन हो जाएगा इसके पहले ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये थर्टी थ्री हो जाएगा एंड इसके पहले ये ट्वेंटी थ्री हो जाएगा एंड दिस नंबर विल बी थर्टी फाइव तो आपका आंसर क्या हो जाएगा द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी थर्टी फाइव तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है ठीक है अब देखते हैं एवरेज के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड जो भाई सबको डर लगता है जिस टॉपिक से कि सर टीएसडी टीएसडी कैसे करें TSD में क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है क्या चीजें हमें नहीं ध्यान रखनी तो भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर आप देखोगे दिस इज गोइंग टू अ वेरी लॉजिकल टॉपिक काफी ज्यादा लॉजिक इस टॉपिक में लगते हैं एंड लॉजिक के ऊपर ही बेस होता है अब इस टॉपिक को समझने से पहले आप कुछ कुछ चीजों को समझो कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है

किसी क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ टू बॉडीज इज इज ए ए टू 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 बी 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 तो आप आप क्या बोल बोल सकते सकते हो हो उन्हें जो टाइम लगेगा दैट विल इक्वल या फिर ठीक है दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां समझना है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है वो है किलोमीटर पर आर से हम मीटर पर सेकंड में डाटा को चेंज करते हैं तो अगर आप किलोमीटर पर आर से चेंज करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो फाइव बाई एटीन से And अगर आप मीटर पर सेकेंड से, से चेंज करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर में तो आप क्या बोलोगे इस चीज को समझो जैसे आपसे तो आप बोला हुआ है कि भाई आप एक डिस्टेंस कवर करते हो फ वो मीटर्स में दिया हुआ है कि 2400 मीटर्स आप डिस्टेंस कवर करते हो तो बताओ कितना टाइम लगेगा आपको सेकंड्स में अब आपको यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आर में दे रखी है डिस्टेंस आपको दे रखा है कि ये मीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 72 टू मल्टीप्लाई बाई फाइव बाईटीन करोगे दैट इज इक्वल टू इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकंड आ गया ठीक है क्योंकि अभी मैंने सिखाया किलोमीटर पर आज से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या होता है फाइव बाईटीन तो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आ गया तो अब मुझे टाइम कितना लगेगा 2400 चलने में तो डिवाइड so so तो बहुत सारी चीजें बनती है क्या क्या चीजें बनती है देखो आपका सबसे पहले इसमें कॉन्सेट बनता है एवरेज स्पीड का ठीक है अब एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मान लो भाई आप यहां दिल्ली में हो ठीक है आपने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं मुंबई गाड़ी से तो आप गाड़ी लेके अपनी निकल गए और आपने कहा गाड़ी लेके चलते हैं तो गाड़ी लेके आप दिल्ली से निकले और आप पहुंच गए मुंबई अब आपने कहा सर दिल्ली से जो आपका डिस्टेंस मुंबई का वो फॉर एग्जाम्पल सिक्स किलोमीटर है ठीक है तो सिक्स किलोमीटर है और आपको मैंने बोला आपने जो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा वो आधा डिस्टेंस आपने फॉर ट्रेवल करा फोर्टी पर आर की स्पीड पे एंड जो आपका नेक्स्ट आधा डिस्टेंस था वो आपने ने करा फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी किलोमीटर पर आर पे तो बताओ एवरेज क्या रहा तो एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप 40 प्लस फिफ्टी डिवाइड बाय 2 कर दोगे नहीं एवरेज की क्लास में हमने क्या सीखा एवरेज की क्लास में हमने सीखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड ठीक है जी तो अब इस केस में क्या करोगे इस केस में जब आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे दैट इज इक्वल टू कितना निकालोगेड टोटल टाइम कितना लगा मैंने कहा आधा डिस्टेंस वो चला किलोमीटर की स्पीड से तो टाइम का क्या होता होता है होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस आधा कितना होगा थ्री हंड्रेड किलोमीटर स्पीड कितनी है फोर्टी तो थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी करोगे दैट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव आर सेवन पॉइंट फाइव आर तो यहां लगे प्लस बाकी जो आधा डिस्टेंस था वो आपने चला 50 की स्पीड पेट मीन थ्री हंड्रेड अपॉन टोटल डिस्टेंस टोटल जो कर देंगे थर्टीन से तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई फोर्टी फोर पॉइंट फोर किलोमीटर पर आस इज गोइंग टू बी योर एवरेज स्पीड तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका एवरेज स्पीड का दूसरी चीज आपको एवरेज स्पीड में ये समझनी है कि अगर अगर आपका डिस्टेंस बराबर है जैसे इस केस में मैंने कहा हाफ हाफ डिस्टेंस है या फिर किसी क्वेश्चन में देख वन थर्ड या किसी क्वेश्चन में देखी से जाना और वापस आना तो डिस्टेंस बराबर है तो जब भी डिस्टेंस बराबर हो तो आप एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो दैट इज टू इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें क्या करना है टू इंटू एस वन टू इंटू फोर्टी इंटू फिफ्टी करा आपने अपॉन फोर्टी फिफ्टी तो अगर आप यहां से भी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा तो आप करके देखो टू इन टू फोर्टी दोगे एंडेटी से तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी बट दिस एवरे इज ओनली एप्लीकेबल वेन वॉट वेन द डिस्टेंस इज इक्वल ठीक है तो यह आपका एवरेज स्पीड का concept है एवरेज स्पीड के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है समझो भाई रिलेटिव स्पीड में मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कि एक एक तरह की है, एक तरह की की स्पीड स्पीड है है इन रिस्पेक्ट टू ये तो इसका इसका मतलब मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया आप दिल्ली से निकले आप दिल्ली से निकले और आप गए मुंबई ठीक है एंड अगर भाई आपको लेक्चर में मजा आ रहा है कुछ चीजें एड ऑन कर रहे हो तो ध्यान रखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना एक काम आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो एंड उसके बाद जब आप ये फिनिश कर लोगे इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आप और प्रैक्टिस कर लेना कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आपका बिल्डअप हो जाएगा तो दिल्ली से आप मुंबई गए आपको मैंने कहा आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो तो आप ये रहे एंड आप ऐसे जा रहे हो एंड आपका जो दोस्त है वो ये रहा वो ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा जल्दी कवर होगा बिकॉज आप भी कवर करो और वो भी कवर कर रहा है मान लो 600 600 किलोमीटर पर, पर आर में तो अगर आप देखोगे एक घंटे में आपने फोर्टी कवर करा और आपके दोस्त ने कितना कवर करा सिक्स करा तो मैं क्या बोलूंगा रिलेटिव स्पीड कितना हो गया भाई फोर्टी ये कवर कर रहा है 60 ये कवर कर रहा है तो आप बोलोगे प्लस सिक्सटी विच मीन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा सिक्स हंड्रेड का टोटल डिस्टेंस है हंड्रेड किलोमीटर रिलेटिव स्पीड है 6 आर्च में आप दोनों कहीं मिल जाओगे इस पॉइंट पे बीच में कहीं बात समझ रहे हो तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है अगर दो बॉडीज दो लोग दो ट्रेन दो गाड़ियां दो बसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है प्लस होती है अगर आप देखोगे कि आप भैया डेली हो और आपका एक दोस्त है वो मुंबई में है और वो आपसे उधार लेके चला गया तो वो आपके पैसे नहीं देख रहा आपने दिल्ली से उसे देख लिया कि वो मुंबई में है आप इसके पीछे भागे आप इसके पीछे भागे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड किलोमीटर की अब आप इसने आपसे उधार लेकर तो आपकी डायरेक्शन में आएगा नहीं ये और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा फॉर एग्जाम्पल फोर्टी किलोमीटर की स्पीड से ठीक है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सिक्स हंड्रेड किलोमीटर का तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपने दोस्त को कितनी देर में पकड़ लोगे तो भाई अगर आप देखोगे आप तो हंड्रेड किलोमीटर भाग रहे हो हर घंटे बट आपका जो तो दोस्त है वो भी तो फोर्टी किलोमीटर से आगे जा रहा है तो जब भी आप सेम डायरेक्शन जाते हो तो रिलेटिव स्पीड का कहता है अगर अगर दो 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 लोग दो बॉडी दो ट्रेन बसेस गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस हो जाती है तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हंड माइनस फोर्टी द रिलेटिव स्पीड विल बी स्पीडी किलोमीटर पर आर तो इफेक्टिवली एक तरह से आप सिक्सटी किलोमीटर तो चल रहे हो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ आप हंड्रेड किलोमीटर भाग रहे हो वो चालीस किलोमीटर आगे भाग गया तो एक तरह से आपने 60 किलोमीटर कवर कर लिया तो आपको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा डिस्टेंस तो 600 600 किलोमीटर स्पीड थी 60 तो अपॉन आवर्स में दोस्त को पकड़ लोगे और बोलोगे भाई मेरा उधार का पैसा वापस कर तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेंट बन जाता है किस चीज का काट बन जाता है आपका रिलेटिव स्पीड का ठीक है अब रिलेटिव स्पीड के बाद जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है ट्रेन के क्वेश्चन ठीक है अब ट्रेन में क्या चीज बनती है देखो ट्रेन में मेजरली आपके थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ठीक है थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन है थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है पहला होता है ट्रेन एंड मैन मैन बोल दो पोल बोल दो कुछ भी बोल दो अब एक चीज को समझो अगर मान लो यहां पे एक मैन खड़ा हुआ है ये एक मैन है ठीक है एक ट्रेन आ रही है यहां से आपको अगर मैंने बोला कि इस ट्रेन ने दस सेकंड में इस मैन को क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ ट्रेन अब यहां पहुंच गई तो अगर आप टेक्निकली देखोगे क्योंकि मैन की जो लेंथ है वो बहुत नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ ट्रेन तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा ट्रेन ने जब मैन को क्रॉस किया तो उसने कुछ नहीं क्रॉस करा उसने अपना डिस्टेंस क्रॉस करा भाई ट्रेन ने अपना डिस्टेंस क्रॉस करा ना ट्रेन यहां से यहां पहुंची तो एक तरह से ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर किया तो मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कि एक मैन है और इस मैन को ट्रेन ने टेन सेकंड में क्रॉस कर दिया और ट्रेन की स्पीड है फिफ्टी मीटर पर सेकंड तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या होगी तो आप बोलोगे सर ट्रेन ने कुछ और कवर नहीं करा ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर करा है तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी फिफ्टी मीटर और कितनी देर में कवर करा है टेन सेकंड में तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 500 मीटर तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे मैन दे रखा होगा पोल दे रखा होगा ठीक है सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बोल दो या आप बोल दो टनल के क्वेश्चन तो इस केस में क्या होता है ध्यान से समझो मान लो ये आपका प्लेटफॉर्म है यह आपका प्लेटफॉर्म और यह आपकी ट्रेन जा रही है तो यह आपकी ट्रेन जा रही है और ट्रेन ने अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया तो एक तरह से ट्रेन कहां पहुंच गई यहां पहुंच गई ट्रेन 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 यहां पहुंच गई तो ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा वो अपनी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो यहां पे आपका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दैट टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल ठीक है दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट थर्ड जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट आपका होता है ट्रेन एंड ट्रेन का ट्रेन एंड ट्रेन का तो ट्रेन एंड ट्रेन के का क्या मतलब हुआ अगर मान लो एक ट्रेन है है वो ऐसे चल रही है, और दूसरी ट्रेन ऐसे चल रही है ये ट्रेन इधर जा रही है ये ट्रेन जा रही है अगर मैंने कहा इस ए ट्रेन ने बी ट्रेन को क्रॉस कर दिया तो मतलब एक तरह से बी ट्रेन यहां पे है और ए ट्रेन आपकी कहां पहुंच गई ए ट्रेन यहां पर पहुंच गई तो जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना करा लेंथ ऑफ बोथ द लेंथ ऑफ

आप अपने क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर पाओगे ठीक है टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो आपका बनता है बोट एंड स्ट्रीम का बोट एंड स्ट्रीम को अलग से हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहां पे ना कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है चेंज हो जाता है मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मान लो ये पानी है ये बोट है अब एक बात बताओ अगर बोट की डायरेक्शन इधर है और पानी की डायरेक्शन भी इधर है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है आपने कभी स्विमिंग करी होगी कभी आपने बोर्ड चलाई होगी तो आपको पता है अगर पानी का फ्लो आपके फ्लो में है तो आप जल्दी पहुंच जाते हो यस और नो एंड अगर मान लो मैं आपसे बोलू कि पानी का फ्लो अगेंस्ट में है और आपकी बोर्ड जो है वो ऐसे जा रही है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा आप खुद देखो कभी आपने स्विमिंग करी होगी पानी अगेंस्ट से आ रहा हो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्विम इसी तरह से अगर आप कभी बोट चला रहे हो तो आपने देखा अगर पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसका फ्लो आपके ऑपोजिट में है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स हो जाता है इतनी देर से हम जो रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे थे वो क्या था कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में तो माइनस होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो जल्दी पहुंच रहा है एक तरह से रिलेटिव स्पीड प्लस हो रही है और अगर अगेंस्ट में है तो हमने क्या पूछा था हमने देखा था जब रिलेटिव स्पीड है दो गाड़ियां दो बसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो रही थी प्लस हो रही थी लेकिन यहां पे क्या लग रहा है आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक तरह से आपकी स्पीड माइनस हो रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया बोट एंड स्ट्रीम में हमें थोड़ा सा अलग से यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है तो जब आपका पानी ऐसे जा रहा है और बोट की स्पीड भी ऐसी इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम एंड जब पानी आपके अगेंस्ट में आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम ठीक है तो अब आप देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखो ये फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड अगर मैं आपसे बोलू अप स्ट्रीम स्पीड तो अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब अगर हम यहां से स्पीड ऑफ बोट निकालें स्पीड ऑफ बोट किसके बराबर होती है स्ट्रीम ऑफ बोट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन टू एंड अगर आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालना है स्पीड ऑफ वाटर बोल दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दो स्ट्रीम स्पीड ऑफ रिवर बोल दो ठीक है इट इज वन एंड द सेम थिंग तो दैट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड दैट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन टू एंड अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वॉट ट्वाइस इन टू अपस्ट्रीम ब्रैकेट में लिखो ट्वाइस इन टू अप्रीम इंटू डाउन स्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम तो ये क्या बन जाएगा ये आपको बन जाएगा एवरेज स्पीड ठीक है तो भाई ये आपके बोट एंड स्ट्रीम के फॉर्मुले हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हो ठीक है चलो जी नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड भाई अब यहां पे हमने अरिथमेटिक पूरा का पूरा सीख लिया है

दो बॉडीज को तो इसी को अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो वो हमेशा क्या होता है ठीक है आपके पास है टी वाई और आपके पास है हिंदुस्तान टाइम्स आपको मैंने बोल दिया कि टी वाई पढ़ने वाले लोग हैं हंड्रेड और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले लोग हैं वन ट्वेंटी फाइव एंड जो दोनों न्यूज पढ़ते हैं बोथ न्यूज वो है फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिफ्टी तो बताओ टोटल न्यूज रीडर्स कितने हैं तो अगर आप इसको फॉर्मुले से करना चाहते हो तो फॉर्मुले से भी कर सकते हो डायग्राम से भी कर सकते हो तो देख लेते हैं अगर मैंने कहा दोनों पढ़ने वाले 50 हैं तो मैंने अपने डायग्राम में पुट करा मैंने कहा ये वाई वाला वैन है मेरा और ये वाला मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का सर्कल है मैंने कहा 50 और मुझे हंड्रेड है फिफ्टी तो कॉमन है तो फिफ्टी और यहाँ पे आ जाएंगे और हिंदुस्तान टाइम्स वाले टोटल वन ट्वेंटी फिफ्टी आपके यहां पे आ गए तो टोटल 75 हो गए। तो आपके टोटल रीडर्स कितने हो गए 50 प्लस 50, 100 प्लस 75, 175. तो ये तरीका कर लो या फिर आप यहां क्या यहाँ पेल्यू तो डालो एन एनियन बी इज इक्वल टू एन ए विच इज हंड्रेड एन बी विच इज वन ट्वेंटी एंड एन ए इंटरसेक्शन b, b, b. मतलब जो दोनों है कॉमन है वो हमने माइनस दो माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यहां पे भी काउंट हो गया यहां पे भी काउंट हो गया तो अगर आप देखोगे तो द आंसर That is all अगर मेरा तीन का वैन डायग्राम होता है तो वैन डायग्राम कुछ इस तरह का आपको दिखेगा ठीक है इस तरह का वैन डायग्राम दिखेगा जिसमें आपका ए बी और सी अगर आप यहां पर दे देते हो तो दिस इज ऑल थ्री दिस एरिया इज एक्सटली ए एंड बी दिस एरिया इज एक्टली ए एंड सी एंड दिस एरिया इज एक्सैक्टली बी एंड सी एंड ये वाला क्या होता है ओनली एनली बी एंड ओनली सी अगर मैं एं� इसी को फॉर्मुले में रिप्रेजेंट कर दू तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी एंड दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज माई फॉर्मूला ठीक है तो फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो और वेन डायग्राम में वैल्यू पुट करके भी आप यहां पे सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने टू में करा वैसे ही आप थ्री में कर सकते हो और तो अगर मैं आपसे बात करूं फोर वैन डायग्राम की अब तो डायग्राम का भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता बट फिर भी अगर आ जाए तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा जो आपको इस तरह का दिखेगा इस तरह का डायग्राम दिखता है जिसमें अगर आपके पास चार वेरियो बने तो वे ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा एंड डी हो जाएगा जिसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस एरिया इज ऑल फोर फिर इसमें कुछ एरिया है जो ऑल थ्री होंगे कुछ एरिया होंगे जो ऑल टू होंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एरिया देखोगे दिस इज एग्जैक्टली एंड बी अगर आप ये वाला एरिया देखोगे एग्जैक्टली सी एंड डी ठीक है ऐसे करके आप देखोगे ये वाला एरिया ओनली ये हो जाएगा ये वाला एरिया ओनली बी ये ओनली सी ओनली डी एंड जो मिडल वाली वैल्यूज हैं जैसे ये वाली वैल्यू है ये एक्जैक्टली exactly थ्री ये वाली वैल्यू एक्जैक्टली टू एंड इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो तो, तो चार का अगर वैन डायग्राम आता है तो आपको वैन डायग्राम की हेल्प से ही करना है फॉर्मुले से नहीं करना है इसी की हेल्प से आपको अपने क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व आउट करना है ठीक है तो अब आपको तीनों टाइप के वैन डायग्राम पता चल गए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यू शुड बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है इसके बाद देखें तो एक टॉपिक आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर पीएनसी कैसे करें पीएनसी में आपको कुछ कुछ चीजें समझनी है जो आपको हेल्प कर सकती है ठीक है जिसकी हेल्प से आप कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट निकाल सकते हो कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या क्या चीजें समझो जब भी हम पीएनसी पढ़ते हैं हमारे सामने तीन चीजें होती है एक होता है अरेंजमेंट एक होता है मेरे सामने सिलेक्शन और एक होता है मेरे पास सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ठीक है तो अगर मुझे सेलेक्ट करना है इसको मैं क्या बोलता हूं इसको बोलता हूं, इसको बोलता हूं मैं कॉम्बिनेशन यहां पे मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर मैं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं परमोटेशन ठीक है और सिर्फ अरेंजमेंट क्या होता है कि आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है ठीक है तो अगर मान लो मैं अरेंजमेंट पूछू तो अरेंजमेंट का मेरा फॉर्मुला क्या होता है अरेंजमेंट अगर मुझे करना है दैट इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल जो भी वैल्यू है वो रख दो एन फैक्टोरियल मतलब पांच लोग हैं उनको अरेंज करना है फाइव फैक्टोरियल दस लोग हैं उनको अरेंज करना है दस फैक्टोरियल दैट इज गोइंग टू मे आंसर अगर मान लो मुझे सेलेक्ट करना है मान लो मेरे पास तीन लोग हैं ए बी और सी ठीक है मुझे दो लोगों को सेलेक्ट करना है तो दो लोगों को सेलेक्ट करना है तो मैं ए बी को सेलेक्ट कर सकता हूं मैं बी सी को सेलेक्ट कर सकता हूं और ए सी को सेलेक्ट कर सकता हूं यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता आप ए बी सेलेक्ट करो चाहे बी ए सेलेक्ट करो दैट इज वन एंड द सेम थिंग आप बी सी सेलेक्ट करो चाहे सी बी सेलेक्ट करो दैट इज वन एंड द सेम थिंग तो उसको मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एनसीआर एनसीआर फैक्टोरियल इज द फॉर्मूला

आप बोलोगे सर दिस इज नोन एज परमोटेशन जहां पे सिलेक्शन भी मैटर कर रहा है और जहां पे अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एनपीआर तो एनपीआर का फॉर्मुला क्या होता है एन एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन माइनस आर सो दिस इज गोइंग टू अब अगर यहां पे आपको कुछ एग्जामिनेशन में हेल्प चाहिए तो यहां से आप कुछ डेरिवेशन सीख सकते हो क्या डेरिवेशन सीख सकते हो भाई अगर आप एनपीआर और एनसीआर में डिफरेंस देखो तो वन बाय आर का ही तो डिफरेंस है बाकी फॉर्मूला तो सेम है तो इसी से हम कुछ कुछ आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी वो क्या है एनसीआर मल्टीप्लाईक्वल टू एन पी आर ठीक है सेकेंड चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज ऑलवेज इक्वल टू

ज इक्वल टू कितनाज ऑलवेज इक्वल टू थर्टीन सी ठीक है तो ये चीजें आपको याद रखनी है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसी के साथ आप ये भी देख सकते हो एक और डेरिवेशन एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन सी आर माइनस वन ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो अगर आप देखोगे अगर हम यही वाले एग्जांपल लें ट्वेल्व सी फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय इलेवन सी फोर

प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस ठीक है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस है एंड अब आपको यहां पे कुछ कुछ चीजें समझनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया इसके साथ ही हमें एक चीज पता होनी चाहिए जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है इन 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 फेवर 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 क्या होता है? होता है है फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस एंड अगर आपसे बोले ऑड्स अगेंस्ट फेवर ऑड्स अगेंस्ट फेवर अगर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है सो दैट इज इक्वल टू अनफेवरेबल केसेस दैट इज इक्वल टू अनफेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस ठीक है तो अगर आपको टोटल केसेस निकालना है तो टोटल केसेस इज ऑलवेज इक्वल टू फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस तो ये आपका प्रॉबिलिटी का बेसिक बेसिक जो है वो फॉर्मूला बन जाता है ठीक है तो अगर आपको कभी भी दे रखा है कि भाई आपको कहीं प्रोबेबिलिटी दे रखी है और प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कि प्रोबोबिलिटी आपकी फॉर एक्साम्पल किसी क्वेश्चन में टू बाबल केसेज टू है तो अनफेवरेबल कितने हो गए थ्री हो गए फाइव माइनस टू तो आप बोलोगे ऑर्ड्स इन फेवर कितना हो जाएगा टू अपॉन थ्री एंड ऑर्ड्स अगेंस्ट फेवर कितना हो जाएगा अगेंस्ट फेवर सर हो थ्री बाई टू तो दैट इज वॉट दैट इज योर

या फिर हेड टेल टेल ये आपके मैक्सिमम केसेस बन सकते हैं एट केसेस लेकिन यार अगर मान लो अगर आप कॉइन्स को टॉस करो टू कॉइंस टॉस करे तो चार केसेस थ्री कॉइंस टॉस करे तो आठ केसेस फोर कॉइंस टॉस करोगे तो सिक्सटीन केसेस लेकिन बात ये समझनी है कि अगर मान लो हंड्रेड क्वाइंस हुए तो अगर मान लो सिक्सटी कॉइन्स हुए तो क्या उस केस में भी मैं यही चीज करता रहूंगा नहीं तो उस केस में मैं क्या यूज करता हूं उस केस में मैं यूज करता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि द इवेंट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू वन तो उस केस में फॉर्मूला होता है हमारा एन सी आर पी आर ब्रैकेट में वन माइनस पी एन माइनस आर वे एन इज इक्वल टू टोटल कॉइंस आर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम एंड पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम तो ये मुझे हेल्प करता है किसमें जो मेरी लॉन्गर कैल्कुलेशन होती है जिसमें ज्यादा चीजें होती है उस चीज को ठीक है अब इसमें फिर प्रोबेबिलिटी का आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है जिस कॉन्सेप्ट में बोलता हूं कार्ड्स का कॉन्सेप्ट तो मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं हमेशा ध्यान रखो आपके पास टोटल होते हैं कितने कार्ड्स 52 कार्ड्स ठीक है इन 52 में से आपके पास रेड कार्ड्स होते हैं 26 एंड आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं कितने 26 और ये जो रेड कार्ड्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं चार मेजरली दो में दैट इज डायमंड के होते हैं थर्टीन कार्ड्स एंड हार्ट के होते हैं थर्टीन कार्ड्स ठीक है इसी तरह से ब्लैक कार्ड भी थर्टीन थर्टीन होते हैं तो इसको मैं बोलूंगा क्लब क्लब के कितने कार्ड थर्टीन कार्ड्स और मेरे स्पेड्स के कितने कार्ड होते, है? होते हैं स्पेड्स के मेरे कार्ड होते हैं तो अगर आपने कभी देखे तो इस तरह like का like तो ये इस तरह के मेरे सामने सारे के सारे कार्ड हो जाते हैं तो अगर मैं देखूं पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स 26, 26 ब्लैक 13 डायमंड 13 हार्ट जो रेड होते हैं एंड 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड जो ब्लैक होते हैं इसके बाद मेरे पास होता है फेस कार्ड यहां पे ना लोगों को कंफ्यूजन रहता है जो फेस कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड्स क्या होते हैं दे आर के क्यू एंड एंड जे ठीक है किंग क्वीन जैक तो टोटल तो मेरे पास कितने कार्ड्स होते हैं टोटल मेरे पास ट्वेल्व फेस कार्ड्स होते हैं तो एस जो होता है जो इक्का होता है वो काउंट आपका फेस कार्ड में नहीं होता है तो दिस इज द कार्ड थिंग जो आपको याद रखनी है एंड जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है ठीक है इसके बाद एक चीज ध्यान रखना आपको कि कुछ एडवांस प्रोबेबिलिटी के मैंने आपको भाई में कराया हुआ है, तो एक बार वो देख लेना जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया इनका भी लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है डाइसिस का देखो एक डाइस रोल होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या है सिक्स आउटकम है या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा दो डाइसिस अगर करेंगे तो सिक्स इंटू सिक्स मतलब थर्टी सिक्स पॉसिबल आउटकम्स है तीन डाइसिस करोगे तो पहले पे सिक्स ऑप्शन दूसरे पे सिक्स ऑप्शन तीसरे पे सिक्स ऑप्शन टू हंड्रेड सिक्सटीन आउटकम्स है तो जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो प्रोबेबिलिटी का बनता है टू डाइसिस के ऊपर कि अगर मान लो टू डाइसिस थ्रो करे तो बताओ जो सम ऑफ डाइसिस है वो एट आ रहा है तो इसको करने की एक अप्रोच तो यह है कि आप सारे पॉसिबल केस लिखो वन वन आ सकता है दूसरे वाले डायस वन टू आ सकता है तीसरा केस बन सकता है कि पहले डाइस वन आ गया दूसरे पे थ्री आ गया या वन फोर आ गया या वन फाइव आ गया या वन सिक्स आ गया या फिर आपका क्वेश्चन बनता है टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू फाइव एंड टू सिक्स इसी तरह से आप सारे के सारे केसेस बनाओगे लास्ट में सिक्स कॉमा वन एंड यहाँ पे बनेगा सिक्स कॉमा सिक्स तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फिर आप काउंट करोगे कौन कौन से ऐसी वैल्यूज है जहां पे सम जो है वो 8 बन रहा है फिर आप अपना रिक्वायर्ड आंसर दोगे मान लो अगर एग्जाम मुझसे कह रहा है फाइंड द प्रोबिलिटी वेन टू डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द डाइसिस इज इक्वल टू एट तो मुझे रिक्वायर्ड प्रोबिलिटी निकालनी है तो अगर मैं केसेज नहीं बनाना चाहता तो मेरे पास एक शॉर्टकट है वो शॉर्टकट क्या है ट्राइंगल रूल ट्राइंगल रूल देखो किस तरह से होता है भाई मिनिमम टू मिनिमम सम दो डाइस पे कितना हो सकता है मिनिमम टू मिनिमम आप बोले सर मिनिमम टू मिनिमम टू हो सकता है क्योंकि पहले डाइस पे वन आ जाए दूसरे पे आ जाए जीरो तो नहीं आ सकता ना किसी डाइस पे ठीक है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सम कितना हो सकता है आप सर मैक्सिमम मैक्सिमम टू सम हो सकता है 12. भाई, आप तो पहले पे सिक्स आ जाए दूसरे पर सिक्स आ जाए टोटल ट्वेल हो गया अब कोई ऐसा डाइस तो नहीं होता ना जिसमें सेवन हो या एट हो दैट इज नॉट पॉसिबल तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम सम ट्वेल्व हो सकता है अब आपको क्या करना है टू से लेकर ट्वेल्व तक सारे पॉसिबल केसेस लिख दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब जो इनके फेवरेबल आउटकम है वो फेवरेबल आउटकम अंदर से लिखना स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं करना बस लिखना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर वापस रिवर्स फाइव फोर थ्री टू वन जो आपने लिखा है दीज आर योर फेवरेबल आउटकम्स तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ डाइसिस

क्वाटरीलेटर्स एंड पॉलीगोन्स ठीक है तो अगर आप यहां पे आप ध्यान से समझ लोगे तो चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ज्योमेट्री भी आपका बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा जैसा आपको कभी भी डाउट ही नहीं रहेगा इस टॉपिक में ठीक है तो अब यहां से देखते हैं तो देखो ट्राइंगल में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझनी है मान लो ये ट्राइंगल है ठीक है अब इस ट्राइंगल में अगर ये ए है ये बी है ये सी है तो भाई इसके ऑपोजिट जो तो साइड हो जाएगी ये ए हो जाएगी इसके ऑपोजिट ये बी हो जाएगी एंड सी के अपोजिट ये सी हो जाएगी किसी भी ट्राइंगल को बनाने की सबसे पहली कंडीशन होती है दैट साइड ऑफ टू साइड्स द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ठीक है एंड अगर एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल 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 का सम कितना होगा ए प्लस प्लस बी बी सी दैट विल इक्वल टू डिग्री ऑलवेज ठीक है अब अगर आप ट्राइंगल को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करोगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा भाई जो ट्राइंगल है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसमें भाई जो ये वाली लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है दूसरी साइड पे दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर जो एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें उस लाइन को हम क्या बोलते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन एंड अगर मैं देखूंगा इनको क्या बोलते हैं आर नोन एज वर्टेक्स एंड अगर इसको बीच में से कट कर दूं तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट ठीक है तो ये बेसिक चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल्स होते हैं वो तीन टाइप के मेजरली होते हैं एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं जैसे ये एक है। so, है? अगर है, तो वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन नाइनटी है तो मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें देखो ये वाला एंगल ग्रेटर ऑप्ट एंगल ट्राइंगल और एक आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है थी। तो राइट तो एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है है हाइट का 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 स्क्वायर 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 प्लस बेस इज इक्वल टू ठीक तो अब अगर आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव होता है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है समझो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे पता है अगर मैं थ्री का स्क्वायर में का स्क्वायर करूंगा दैट इज इक्वल का स्क्वायर सो दिस इज़ अ ट्रिपलेट ठीक है तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट जो अगर आपको याद है तो एग्जाम में राइट एंगल ट्राइंगल है कहीं आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे लेकिन अगर आपको तो आप ये कर सकते कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा तो जैसे थ्री फोर फाइव इज ट्रिपलेट मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर विल इक्वल टू फाइव का स्क्वायर जैसे 5, 12 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल 13 का स्क्वायर सिमिलरली 8 15 17 दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इसी तरह से अगर आप देखोगे 6 8 10 दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट देन आप देखो 7 24 25 दिस इज अ ट्रिपलेट देन 20 21 29 दिस इज अ ट्रिपलेट 12 35 37 दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट देन 9 40 41 दिस इज अ ट्रिपलेट 28 फोर्टी फाइव फिफ्टी थ्री सो दीज आर ट्रिपलेट्स जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प आपको कर सकते हैं ठीक है अगर हम राइट right एंगल को थोड़ा सा राइट right ट्राइंगल को और स्टडी करें तो राइट right ट्राइंगल को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें दो चीजें और समझनी है कि ये मेरा ट्राइंगल है इन इस में ये सर्कल बना दिया या फिर एक सर्कल है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया इसके अंदर मैंने एक राइट right एंगल बना दिया तो ये जो होता है इसका जो सेंटर है इसको मैं क्या बोलता हूं दिस इज नोन एज इन रेडियस क्या बोलता हूं इन रेडियस और जो ये वाला सेंटर है इससे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा दिस विल बी नोन एज सरकम रेडियस क्या होगा ये सरकम रेडियस तो इन रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इन रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनस अपॉन टू एंड अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है सर्कम तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कम रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेनिसॉन ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है अब राइट एंगल ट्राइंगल के बाद अगर मैं नेक्स्ट ट्राइंगल की आपसे बात करूं सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वी लेटरल ट्राइंगल क्या होता है इक्वी लेटरल ट्राइंगल तो इक्वी लेटरल ट्राइंगल जो होता है वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं एंड जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे और मुझे पता है हर एक एंगल तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया तो इक्विलेटर ट्राइंगल में अगर आपको एरिया निकालना है 4, है दैट इज ठीक अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल में इन रेडियस निकालना है इन रेडियस तो इन रेडियस का फॉर्मुला होता है ए अपॉन टू रूट थ्री अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल में सर्कम रेडियस निकालना है तो इक्विलेटर ट्राइंगल में सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री एंड अगर आपको हाइट निकालनी है तो दैट हाइट इज इक्वल टू रूट थ्री ए अपॉन टू ठीक है सो दीज आर द फॉर्मुलाज विच आर यूजफुल इन वॉट दीज आर यूजफुल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद हमारे सामने जो ट्राइंगल आता है वो आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं एंड उनके रिस्पेक्ट में जो दो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं जैसे ये ए है और ये भी ए साइड है ए बी सी हमारा ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा तो टू एंगल्स एंड टू साइड आर इक्वल इन आईसोसेलिस तो अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो दैट विल बी बी बाई फोर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला है जो काम में लग सकता है ठीक है इसके बाद आइसोसेल्स ट्राइंगल के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ नॉर्मल ट्राइंगल्स है एनी ट्राइंगल कोई भी अगर ट्राइंगल है तो उसमें कुछ कुछ जनरल फॉर्मूला से जो हम यूज कर सकते हैं तो अगर हम एनी ट्राइंगल का देखें तो मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है कोई भी एक ट्राइंगल है ये ए है ये बी है और ये सी है ठीक है तो ये इसके अपोजिट वाली साइड ए जिसकी अपोजिट साइड बी एंड सी के अपोजिट साइड सी हो गई तो एनी ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं अगर हमें इसमें एरिया निकालना है एरिया तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इन टू हाइट ठीक है नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है एक और तरीका होता है जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं दैट इज नोन एज हिरोस फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हिरोस फार्मूला हिरोस फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू ठीक है तो एस इज नथिंग बट सेमी पैरिमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है एंड अगर आपको किसी भी ट्राएंगल का इन रेडियस निकालना है किसी भी ट्राइंगल का अगर मुझे इन रेडियस निकालना है दैट इज इक्वल टू टवाइस इन टू एरिया अपॉन सम ऑफ ऑल साइड दैट इज अ फॉर्मुला विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर ठीक है इसी तरह से अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का सरकम रेडियस निकालना है तो सरकम रेडियस निकालना है तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन फोर इंटू एरिया फॉर्मुला विच कैन बी हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग सम ट्राइंगल्स क्वेश्चन ठीक है अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या होते हैं ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Centroid क्या होता है सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड क्या होता है centroid अगर आप देखोगे जहाँ पे सारी की सारी की मीडियंस मिलती ठीक है, उस को हम बोलते है. तो मान जो एम ड्रॉ हुई यहां पर गई मान लो इसने एफ e बनाया एंड ए से जो सेंट्रॉइड आई मीडियम जो आई उसने डी पॉइंट पे यहाँ पे टच किया तो ये जो पॉइंट होगा जी दैट इज द पॉइंट ऑफ ठीक है? अब आपको सेंट्रॉइड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए दुनिया को कोई भी ट्राइंगल हो अगर तीन मीडियन मिल रही है तो वो हमेशा जो सेंट्रॉइड है वो टू इज वन के रेशो में डिवाइड करेगा जैसे अगर आप देखोगे ए जी इज टू जी डी इस पर्टिकुलर डायग्राम में दैट विल बी टू इज

ड्रॉ करोगे सामने वाली साइड पर नाइंटी डिग्री तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे इस पॉइंट को आप बोलोगे ऑर्थो सेंटर ठीक है नेक्स्ट आपका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर क्या बोलते हैं सरकम सेंटर सरकम सेंटर का क्या मतलब होता है सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जरूरी नहीं है कि भाई वो वर्टेक्स से ही क्रॉस हो बट द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नोन एज सरकम सेंटर तो मान लो ये सर्कल है और एक ट्राइंगल हमने बनाया है ठीक है ये ट्राइंगल है ठीक है और आपने कहा परपेंडिकुलर बाई तो परपेंडिकुलर बाई है वो हो सकता है यहां से जा रही हो एक यहां से जा रही हो और एक इसकी जो परपेंडिकुलर बाई है वो हो सकता है यहां से ऐसे जा रही हो तो so, ये जो पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे इस पॉइंट को आप बोलोगे सरकम सेंटर और इसी तरह से एक पॉइंट होता है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर जिसे हम बोलते हैं इन सेंटर होता है क्या मतलब हुआ? का मतलब हुआ कि को दो इस एंगल को डिवाइड करने वाली जो लाइन है ठीक है इस एंगल को जो डिवाइड करने वाली लाइन है एंड इस एंगल को जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी वोट दैट इन सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है तो ये आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आइडिया लग गया इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे से देखने में सिमिलर हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो सिमिलर ट्राइंगल कांग्रेट में क्या होता है इज अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड सिमिलैरिटी कांग्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सेम उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए एंगल भी सेम होना चाहिए लेकिन सिमिलैरिटी में वो सिमिलर दिखने चाहिए जरूरी नहीं है कि उनकी लेंथ भी सेम हो यहां पर ए बी और पी क्यू क्या है सेम तो नहीं है बट दीज ट्राइंगल कैन भी सिमिलर अगर इनके एंगल सेम है या फिर दूसरी से वो सिमिलर हो तो अगर अगर दो ट्राइंगल आपके ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर तो अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो वॉट यू विल से ए बी अपॉन पी क्यू विल ऑलवेज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विच इज ऑलवेज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत बार यूज होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये इसी तरह से अगर अगर मैं आपसे चोलू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड तो ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होगा या आप बोल सकते हो ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा या फिर बीसी अपॉन क्यू आर के होल दैट इज गोइंग टू बी द यूजफुल प्रॉपर्टी जो हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा काम आ सकती है ठीक है अब एक चीज ये समझो कि अगर आपको साइन से एंगल एरिया निकालना है भाई अगर मान लो मुझे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के और क्या क्या तरीके हैं मुझे किसी भी में में जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं तो अगर आपको मीडियम गिवन है आपको एक ट्राइंगल और आपको दे रखा है एम वन एम टू एंड एम थ्री तीन मीडियम आपको गिवन है तो अगर आपको तीन मीडियम्स गिवन है तो उस केस में आपका जो एरिया होता है एरिया इन केस ऑफ मीडियम्स यहां लिख लेते हैं ब्रैकेट में

बी अपोजिट ये वाली जो इज ऑर बी एंड ये जो एंगल है आप अपना एरिया निकाल सकते हो अब ट्राइंगल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो काफी ज्यादा पेपरों में पूछी जाती है यूज होती है उसको कहते हैं अपोलोनियस थोरम क्या कहते हैं यूजफुल थियोरम जो काफी सारे एग्जाम्स में एंट्रेंसिस में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है मान लो आपका एक ट्राइंगल है ये आपका ट्राइंगल है ठीक है अब ये ट्राइंगल की एक ये मीडियन है ए बी सी आपका ट्राइंगल है एंड डी इज द मीडियम ए डी जो है तो आपने बोला इफ डी इज द मीडियन अगर ए डी आपका मीडियन है उस केस में देन ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस तो क्या कहती है कि अगर एडी मीडियन है तो ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस ए सी का स्क्वायर होगा मतलब इसका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर या ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर एंड बी डी एंड डी सी पैनल है

ये है है तो तो अगर अगर आपको longest बनानी है, तो diameter is known as the longest अगर आप सेंटर से circumference में line draw कर देते हो this is known as radius. And अगर सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन बाहर से निकल जाती है इस लाइन को आप क्या बोलते हो इस लाइन को आप बोलते हो टेंजेंट एंड अगर कोई लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में कट करके चली जाती है ये तो ये लाइन को क्या बोलते हैं हम हम बोलते हैं सीके ठीक है तो ये हमारी मेजर मेजर चीजें हैं इसी के साथ सर्कल का अगर मैं दूसरी तरह से रिप्रेजेंटेशन करूं तो दूसरी तरह से रिप्रेजेंटेशन करने पे मुझे पता चलता है कि सर्कल को अगर मैं दो रेडियस बना दूं तो दिस इज नोन एज सेक्टर तो अगर मैं देखूंगा ये मेरा सेक्टर है माइनर सेक्टर और ये बाहर वाला मेरा क्या है मेजर सेक्टर और अगर मैं एक सर्कल को एक कॉर्ड से डिवाइड कर दू तो ये वाला जो हो जाता है इसको मैं बोलता हूं माइनर सेगमेंट एंड इसको बोलता हूं मेजर सेगमेंट तो यहां से मेरी क्या लर्निंग है यहां से मेरी लर्निंग है कि जो कॉर्ड होता है वो आपके सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है एंड जो रेडियस होता है वो आपके सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करता है ठीक है अब अगर यहां से अगर मैं कुछ फॉर्मुलेस डिराइव करूं तो मान लो ये मेरा सर्कल है ठीक है ये मेरा एंगल है थीटा ठीक है तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हम सबको पता है पाईआर स्क्वायर होता है सर्कम क्या होता है सर्कमफ्रेंस हम सबको पता है टू पाईआर होता है अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ये वाला जो एरिया है इसका मुझे एरिया निकालना है तो दैट एरिया इज वॉट भाई मुझे पता है पूरे सर्कल का जो एरिया होता है जो एंगल होता है वो थ्री सिक्सटी होता है तो मुझे पता है पूरे सर्कल का एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर होता है तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर तो जो थीटा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे थ्री सिक्सटी सिक्स बिकॉज पूरा सर्कल थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो ये हो जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये जो लेंथ है एल लेंथ ऑफ दिस आर्क ये निकालो

और जो एंगल सर्कल सबटेंड करता है फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेंटर ऑफ सर्कल है एंड ये आपके कॉर्ड है तो ये कॉर्ड जितना एंगल वन पे बनाएगी मतलब सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वो एंगल ट्वाइस होगा किसका अगर वो सरकम पे एंगल बनाएगी तो मतलब आप ये समझो कि ये जो एंगल वन है दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल टू ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है एंड काफी ज्यादा एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो अगर एक कॉर्ड

Will be equal to 180 degree. है? अब आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट चीज समझनी है वो है प्रॉपर्टी विद टू सीक्वेंस अगर टू सीकेंट्स है या टू टेंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगी ये देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी अगर मान लो एक आपका सर्कल है ठीक है दो सीक्वेंस आपने ड्रॉ कर दी ठीक है यह आपका सेंटर हो गया यह आपका पॉइंट पी है ये ए है ये बी है, ये B है.

ड्रॉ है तो मैंने बाहर से पॉइंट से ड्रॉ करी और अंदर के पॉइंट p से ड्रॉ करी तो दोनों के दोनों केस में एक प्रॉपर्टी लगती है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है दैट इज pa into pb is equal to pc into pd काफी ज्यादा यूजफुल ये प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी ठीक है तो ये प्रॉपर्टीज आप काफी सारे क्वेश्चन सर्कल्स के फटाफट से सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे ठीक है जी उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे सर्कल्स के बाद जो मेरे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मेरे बनते हैं कौन से एरिया से वो मेरे क्वेश्चंस बनते हैं क्वारिलेटर एरिया से तो क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में मुझे क्या पता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको समझना है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें भाई जो चार एंगल होते हैं एंगल बी एंगल ए एंगल सी एंड एंगल डी उन चारों एंगल को जो सम होता है दैट इज इक्वल टू कितना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी

जो पेरीमीटर होता है पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड तो दैट इज इक्वल टू फोर ए अगर एक साइड इसकी ए है इसके बाद अगर आप डायगेल देखोगे तो डायगनल जो होती है दैट डायगनल इज इक्वल टू रूट टू ए डायगनल क्या होती है डायगनल आपकी ये होती है ठीक है इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा नेक्स्ट जो इमेज है वो क्या है जो नेक्स्ट क्वारेटर है वो है रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंगल्स 90 डिग्री होते हैं

रोम्बस तो रोमबस क्या होता है ए बी सी डी अगर आप देखोगे रोमबस तो भाई रोमबस में इस तरह से कुछ रोमबस दिखेगा ये दोनों मैंने इसकी डायग्राम बना दी दिस वन एंड दिस इज डी टू तो रोमबस में अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू या फिर देर इज अनदर फॉर्मूला दैट इज बेस इंटू हाइट या फिर एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर इन टू साइन है या फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो नेक्स्ट आपका होता है फॉर्मूला डी वन बाई टू का होल स्क्वायर एंड इससे आप क्या निकालोगे इससे आप साइड का स्क्वायर निकालोगे तो एरिया निकालने के तीन तरीके हैं एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है एंड तीसरा तरीका ये है एंड अगर आपको साइड निकालना है साइड का स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का स्कोय ठीक है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मेरे मेरे सामने सामने क्या है सामने? तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा ठीक है तो जो पेलोग्राम है अगर ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है तो ये इसका बेस हो जाएगा एंड इसकी जो हाइट होगी वो क्या आएगी तो यहां से जो नाइनटी डिग्री का एंगल बनाएगा ये आपकी हाइट होगी ठीक है तो अगर आपको एरिया निकालना है तो दैट एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट या फिर दूसरा तरीका क्या होता है एरिया निकालने का पैलोग्राम का एरिया निकालने का दूसरा तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई बाय साइन तो इससे क्या होगा इससे आपका एरिया ऑफ पैलोग्राम निकल जाएगा ठीक है पैलोग्राम के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है जो एक इंपॉर्टेंट क्वार है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो होता है आपका ट्रेपेजियम क्या होता है ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम में ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ठीक है एंड ये जो बीच में से जो मिड पॉइंट से लाइन जाती है इसको मैं क्या बोलता हूँ इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन एंड जो इसकी हाइट होती है वो क्या होती है दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम ठीक है तो अगर मैं यहां पे अब एरिया निकालना चाहता हूं तो एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या चीज होगी एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ़ साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ठीक है एंड अगर मुझे मीडियम निकालना है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ़ पैरेलल साइड्स ठीक है तो यहां से आप देखोगे कि अगर आपको मीडियम निकालने का तरीका पता चल गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है एंड एरिया का तरीका होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट तो आप एक तरह से एरिया का एक और फॉर्मूला बना सकते हो दैट इज मीडियन इनटू हाइट ठीक है ये चीज इंपॉर्टेंट है दूसरी जो आपको ट्रेपेजियम में चीज समझनी है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है वो है डाइगनस का क्या इनका फंडा रहता है तो अगर आप एक ट्रेपेजियम लेते हो और इस ट्रेपेजियम में फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये प्रॉपर्टी समझ लेना काफी ज्यादा काम आएगी और अगर मैं बोलूं इसकी डायगोनल्स है ये दो डायगोनल्स है ठीक है ये डायगोनल और ये जीरो पे गई तो जो डायगनल होती है दे ऑलवेज कट ईच अदर इन म्यूचुअली द सेम रेशो जो रेशो इनकी पैनल साइड का होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये साइड है आपकी वन और ये साइड है आपकी टू तो इफ ए इक्वल टू वन एंड सी डी इक्वल टू टू दे

नेक्स्ट चीज आपको ये समझनी है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है जैसे कि मैंने आपको बताया तो एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल फॉर एग्जांपल और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से

अगर मैं बोलूँ फाइव साइड तो उसे क्या बोलूँगा उसे बोलूंगा पेंटागन अगर मैं बोलूंगा सिक्स साइड तो सिक्स साइड वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन अगर मैं सेवन साइड कर दूंगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे हेप्टागन अगर मैं एट साइड कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ऑक्टागन अगर मैं नाइन साइड कर दूंगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे नोनागन फिर मैं टेन साइड कर दूंगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे डेकागन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन के बनते हैं किसके बनते हैं रेगुलर पॉलीगॉन आपके लिखा होगा रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम एंड ऑल साइड्स आर सेम तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके रेगुलर पॉलीगॉन के ऊपर बनेंगे तो ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है तो रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है फटाफट से लिखो जो आपको काफी ज्यादा काम आने वाले हैं भाई सबसे पहले किसी भी पॉलीगॉन का कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई एन वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना है इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू वन डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल ठीक है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पता है ना भाई अगर ये ट्राइंगल है तो ये वाला जो अंदर एंगल है, interior, जो है exterior, 180 होगा, तो इंटीरियर तो तो आएगा ठीक है अब इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है तो थर्ड फॉर्मूला आपका क्या है जो आपको पॉलीगॉन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा दैट इज सम सम ऑफ ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स करोगे दैट इज इक्वल टू कितनावल टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एट्टी डिग्री तो इसको जब आप ओपन कर दोगे दैट विल बिकम वन एट्टी माइनस वन एट्टी एन माइनस थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है इसके बाद जो फोर्थ फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है दैट इज ऑलवेज 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 इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है इसके बाद अगर मैं पॉलीगॉन में अपना फिफ्थ फॉर्मूला देखूं तो वो फॉर्मूला मेरा क्या है नंबर ऑफ डायगनल्स ठीक है नंबर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू एन एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है इसके बाद सिक्स देखूं तो वो है एरिया ऑफ पॉलीगॉन तो एरिया ऑफ पॉलीगोन कैसे निकलता है एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालने का तरीका होता है इक्वल टू एन ए का मल्टीप्लाई बाय कॉट अपॉन एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स एंड ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ठीक है सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन एंड नेक्स्ट चीज जो रेशो होता है रेशो ऑफ वॉट रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एन बाई टू माइनस वन तो इस रेशो की हेल्प से आप कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हो ठीक है अगर आपको कभी निकालना हो अगर अब आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एक पॉलीगॉन में कितने होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ पॉलीगॉन तो अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने इन पॉलीगॉन तो अगर आपका जो एन है इफ योर एन इज ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन इक्वल लेस देन सिक्स तो उस केस में आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे एक पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे आपके एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स ठीक है एंड इफ योर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स तो उस केस में आपके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो कितने होंगे एन एन माइनस फोर एन माइनस फाइव डिवाइड इस तरह से आप नंबर ऑफ पॉलीगॉन से निकाल सकते हो तो ये मेजर मेजर रिवीजन था ज्योमेट्री सेक्शन का जहां पे भाई आपने सारी की सारी मेजर प्रॉपर्टीज देखी सारी आइडेंटिटीज देखी जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो अब हम ज्योमेट्री को अगर एक्सटेंड कर दें तो हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है उसके बाद हमें और भी चीजें पढ़नी है अगर आपको भाई अभी तक चीजें अच्छी लग रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड शेयर कर देना भाई फ्रेंड्स के साथ ताकि सब लोगों का डिटेल्ड रिवीजन यहां पे पूरा का पूरा हो जाए ठीक है ज्योमेट्री से तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक डायरेक्ट टॉपिक है फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है एंड अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर है तो ईजिली आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो तो जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं वैसे वैसे नोट्स बनाते रहना सबसे पहले यह समझो अगर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है ए प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन एंड अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू अब यहां पे अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो कैसे कंपेरिजन होगा अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब जब मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये एक सिंगल पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे अगर मैं दूसरी बात करूं a1 वन अपॉन क्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो मैं क्या बोलूंगा ये दोनों की दोनों लाइन जो है देर विल बी नो सोलूशन मतलब जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो दोनों की दोनों क्या होंगी पैल होंगी एंड थर्ड अगर बात करूं ए वन अपॉन ए टू अगर आपका इक्वल आ गया बी वन अपॉन बी टू के एंड आपका इक्वल है सीवन अपॉन सी टू के तो इस केस में देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब यह हुआ कि जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी मतलब हर पॉइंट पे आप दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लाइन से ठीक है तो ये आपको भाई बेसिक एक फंडा क्लियर हो गया अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की तो हमें पता है भाई जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई तो जो आपका एक्स होता है इसे मैं क्या बोलता हूं इसे मैं बोलता हूं एपसीसा और वाई को मैं क्या बोलता हूं वाई को मैं बोलता हूं ऑर्डिनेट एंड अगर मैं दोनों को मिला दूं तो वो क्या होता है हम बोलते हैं कॉर्डिनेट अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होता है डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो पॉइंट के बीच में तो मान लो आपको दो पॉइंट दे रखे ये दे रखा है ए ये दे रखा है बी और आपको बोला ए के जो है वो है एक्स वन वाई वन और बी के जो है वो एक्स टू वाई टू एंड आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे आप भाई एक्स टू माइनस एक्स वन का रूट का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो ये आपका डिस्टेंस का तरीका है तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने यहां पे लिखा है अब इसके बाद क्या होता है मान लो आपको थ्री पॉइंट गिवन है ठीक है आपको थ्री पॉइंट गिवन है आपको ए पॉइंट गिवन है जिसके जिसकेट है एक्स वन बाई वन आपको बी पॉइंट गिवन है जिसका एंड देन सी आपका वाई थ्री। अब जब भी आपको तीन पॉइंट गिवन है तो कॉमन सेंस लगाओ तीन पॉइंट से क्या क्या चीज हो सकती है देर आर टू केसेस एक तो केस होगा कि ट्राइंगल बनेगा तीनों पॉइंट से ठीक है और ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स और ट्राइंगल हो जाएगी एक होगा कि लाइन कोलिनियर पॉइंट है मतलब तीनों एक ही लाइन में है तो अब मुझे कैसे पता चले कि भाई ये कोलिनियर है कि नहीं है तो आप क्या करोगे अगर आपको तीन पॉइंट दिए हुए हैं तो आप ए बी प्लस बी सी निकालोगे अगर ये इक्वल आ गया ए सी के तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है ये कोलिनियर है ए बी निकालो कैसे जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा अब अगर बात करोगे वो ट्राइंगल है ठीक है अगर मान लो ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या है वो एक ट्राइंगल है अब ट्राइंगल कौन सा वाला है तीन तरह के ट्राइंगल हो सकता है इक्विलेटर ट्राइंगल हो सकता है ठीक है या फिर आपका आईसोसेलिस ट्राइंगल हो सकता है या फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है तो इसमें अगर मैं चेक करूं कि कैसे पता चलेगा तो अगर इक्विलेटर ट्राइंगल होगा तो कॉमन सेंस लगाओ क्या होना चाहिए भाई तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विच विल बी इक्वल टू ए सी अगर मैं आईसोसेलिस ट्राइंगल की बात करूं तो दो साइड इक्वल होंगी तो मतलब ए बी विल बी इक्वल टू बी सी बट दैट वोंट बी इक्वल टू ए सी एंड अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर शुड भी इक्वल टू वॉट शुड भी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर तो अगर ये कंडीशन हो गई तो मुझे पता चल जाएगा किस टाइप का वो ट्राइंगल है ठीक है अब ट्राइंगल के हमने ये तो पता चल गया कि क्या क्या होता है अब अगर मुझे निकालना हो ट्राइंगल का एरिया क्या है तो वो कैसे निकलेगा अगर मान लो ये मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल का मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है ए मान लो एक्स वन वाई वन बी मुझे गिवन है एक्स टू वाई टू एंड सी मुझे गिवन है एक्स थ्री वाई थ्री तो ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं और मुझसे बोला कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा तो एरिया लर्न करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं आपको हाफ लिखना है प्लस का साइन लगाओ थोड़ी सी जगह छोड़ो फिर वाई थ्री माइनस वाई वन लिखा अब आपको क्या करना है जो x प्रेजेंट नहीं है उस x को मेंशन कर दो मतलब यहां वाई y2 टू है तो यहां आ जाएगा x3

ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो ये आपका क्या हो गया वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल गया तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली यहां पे अच्छा एक बात और समझो कि अगर आप कभी एरिया निकाल रहे हो ठीक है और ये एरिया जीरो आ गया इफ एरिया इक्वल टू जीरो तो आपको यहां से क्या चीज पता चलती है अगर एरिया जीरो आ गया इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है तीनों पॉइंट कोलिनियर है भाई एरिया जीरो है इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है मतलब लाइन क्या है कोलिनियर है तो हमें पता चल गया कि सर अगर मुझे कभी कोलिनियर निकालना हो मैं दो तरह से निकाल सकता हूं जैसे अभी मैंने पहले सीखा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए या फिर मैं एरिया निकाल देता हूं एरिया अगर जीरो आ गया तो भी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉर्डिनियर ज्योमेट्री का है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूलाज सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है जब लाइन डिवाइड होती है तो क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मिड पॉइंट की तो अगर मुझे कभी मिड पॉइंट निकालना मतलब मुझे एक लाइन दे रखी लाइन है और मुझसे बोला है ये B है और सी जो है इसका है तो मुझे बताओ इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर सी के कॉर्डिनेट्स तो क्या होंगे सी के कॉर्डिनेट होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ठीक है ये आपके क्या हो गए सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके बाद जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मिडिल पॉइंट पे होगा तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इंटरनल डिवीजन हो इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि एक लाइन आपको गिवन है ए बी ठीक है इसके कॉर्डिनेटन है एक्स वन वाई वन और बी के कॉर्डिनेट एक्स टू वाई टू एंड आपको किसी और पॉइंट डिवाइडेड है मान लो यहां सी पे डिवाइडेड है और एम इस टू एन के रेशो में डिवाइडेड है और हमें सी के कॉर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहां पर सी के कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सी के कॉर्डिनेट्स होम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन ठीक है और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन ठीक है इसमें थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है वो आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है वो इस लाइन पे नहीं है एक्सटर्नली लाई करता है मतलब ये ए बी है और पॉइंट जो है सी वो यहाँ पे कहीं है ठीक है तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू एंड ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये है एम टू एन ठीक है इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जब एक्सटर्नल हो तो तो डिवीजन होगा तो कैलकुलेट करोगे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको तीन टाइप के डिविजन यहां पर बताए हैं इसको समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ठीक है अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है सो so, स्लोप का मतलब ये हो गया ये अगर आपका ग्राफ है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये जो एंगल बन रहा है ये हम कहलाता है स्लोप ठीक है तो स्लोप को हम डिफाइन कैसे करते हैं स्लोप को हम मेंशन करते हैं एम से एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा ठीक है अब यहां पे देखो स्लोप निकालने का क्या क्या तरीका है तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि एंगल से मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे थीटा गिवन है तो मैं निकाल सकता हूँ एम इक्वल टू टेन थीटा अगर मान लो मुझे थीटा नहीं गिवन और मुझे दो पॉइंट्स गिवन है मतलब मुझे ए पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन और मुझे बी पॉइंट गिवन है एक्स टू वाई टू और मुझसे बोला स्लोप ऑफ लाइन निकालो तो स्लोप कैसे निकालूंगा स्लोप निकालने का तरीका होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अगर आपको दो लाइन्स दो पॉइंट्स नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे आपको दे रख के इक्वेशन मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और इस केस में आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होगा माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई तो ये आपका स्लोप निकालने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए अब इन स्लोप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है समझने की कोशिश करो इफ टू लाइन्स आर पैरल इफ टू लाइन्स आर पैरल पैरल का मतलब क्या हो गया दोनों लाइन्स आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह से लाइन होंगी तो अगर पैरेलल लाइंस है दो तो इसका मतलब यह हो गया जो दोनों लाइन का स्लोप है वो क्या होगा वो हमेशा इक्वल होगा तो एम वन विल भी इक्वल टू एम टू एंड अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अब आपको यह समझना है कि स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप का यूज करके इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो उसके एक दो तरीके समझते है क्या हैं? अगर आपको आपको एक एक पॉइंट गिवन गिवन है, है, है x1 y1 और आपको एक है, वो है m. और स्लोप वो m आपसे बोला कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी तो आप क्या लिखोगे आप बोलोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन लेकिन मान लो आपको स्लोप नहीं गिवन आपको टू पॉइंट गिवन है आपको टू पॉइंट और एक पॉइंट इक्वेशन तो क्या बनेगी भाई इक्वेशन तो यही है लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था दो मिनट पहले कि स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है वो सेम तो अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तो पहले आप स्लोप निकालोगे स्लोप निकालने के बाद सॉल्व कर दोगे ठीक है अब इसके बाद जो हमारा ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कुछ कुछ चीजों को फाइंड करने का फाइंड करने का मतलब सबसे पहला हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू lines? ठीक है दो lines के बीच में आपको एंगल निकालना है तो दो lines ये है इस लाइन का स्लोप है m2 टू और इस लाइन का स्लोप है एम टू वन और आपसे बोला स्लोप निकालो तो दोनों लाइन का हमें एंगल निकालना है और स्लोप हमें पता है एम वन एम टू तो उस केस में टेन थीटा क्या होगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू और किस में होगा ये मॉड में होगा ठीक है तो अगर मुझे किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का सिंपल था मैंने आपको तरीका बता दिया है थीटा इक्वल टू अब जो इसमें दूसरा केस आता है कुछ और फाइंड करने का वो है हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हुआ आपको एक पॉइंट दिया हुआ है पी इसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वन वाई वन ठीक है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी यहां पर

ठीक है आपको है आपको गिवन मतलब एक लाइन आपको ये गिवन है एक लाइन आपको ये गिवन है ठीक है इस लाइन के आपको इक्वेशन गिवन है बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो आपसे मैंने बोला कि मुझे ये डिस्टेंस बताओ तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है वो क्या है वो है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये में आएगा ये आएगा मोड में ठीक है तो ये हमने कॉर्डिनेट आपको लास्ट चीज समझनी है सर्कल है का क्या है, मान लो आपको एक ग्राफ बना रखा है, है? तो इक्वेशन क्या होगी इसका सेंटर क्या होगा इसकी रेडियस क्या होगी ये समझते हैं तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम लिखते हैं h है कौमा के ठीक है और रेडियस जो है वो क्या है वो है r अब सर्कल की मेजरली आपकी दो इक्वेशन होती है एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होती है जनरल इक्वेशन आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन की तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ये आपकी क्या है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है अब एक बात कॉमन सेंस लगाओ अगर मान लो सर्कल का ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो है फॉर एग्जाम्पल तो अगर इफ सेंटर ऑफ सर्कल इस 0, 0, तो उस केस में H और और की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरोक्र प्लस टू आर स्क्वायर तो, तो इक्वेशन मतलब कि तो आपको क्या चीज समझ जानी है आपको यह समझ जाना है जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो क्या है जीरो तो बात करी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की अब मैं बात करता हूँ सर्कल की जनरल इक्वेशन की तो जनरल इक्वेशन की अगर सर्कल की बात करूं तो वो क्या होती है वो होती है है ठीक और इस केस में आपका सेंटर क्या होता है सर्कल का सेंटर आपका होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड अगर आपको रेडियस निकालना हो वो, वो क्या होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हो तो सेंटर है आपका एच कॉमक है और रेडियस आर है जब, जब जनरल इक्वेशन लेते हो तो सेंटर है माइनस जी कॉमी एफ और आर निकालने का तरीका हमने यहाँ पे सीख लिया है ठीक है तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पूरे, पूरे पूरे नोट्स बना लिए हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा नंबर सिस्टम देखो नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना क्लियर करते रहना ठीक है तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स ठीक है अब ऑफ़ फैक्टर्स क्या है नंबर सिस्टम ये देखो मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है वो नंबर है आपका 120 ठीक है? है, है, है सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे सेकेंड क्वेश्चन जो आपका यहां पर निकल सकता है वो निकल सकता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना होगा देन फोर्थ आ सकता है कितने फैक्टर्स इसमें से ऐसे होंगे विच आर ऑड फैक्टर्स आर ऑड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स आर इवन ठीक है अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक तरीका तो यह है कि सर यह वन ट्वेंटी है इस 120 को आप पूरा का पूरा ओपन कर लो एंड सारे के सारे आंसर आप काउंट करके लिख दो लेकिन भाई एग्जाम में अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ़ नंबर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया तो कोई भी नंबर हो उसे आप प्राइम क्यू मल्टीप्लाई बाई सी की पावर वन मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर वन अब देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स निकालने हो तो आपका सिंपल सा फंडा होता है सबको मल्टीप्लाई कर दो मतलब टू की जो पावर है क्या है थ्री है, है, में प्लस वन कर दो फोर मल्टीप्लाई थ्री की पावर वन है इसमें प्लस वन कर दो टू फाइव की पावर वन है इसमें प्लस वन कर दो टू हो गया तीनों को मल्टीप्लाई कर दो टोटल तो 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 जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने होंगे फैक्टर्स होंगे ठीक है? अब अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की 120 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, उनका सम क्या होगा तो सम कैसे टू की पावर थ्री है ना तो ये लिखो टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन क्योंकि थ्री की पावर वन तक है मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर वन तक है तो फाइव की पावर वन तक ओपन कर दो फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया थ्री सिक्सटी इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ठीक है अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना बड़ा सिंपल सा तरीका जो नंबर है उसकी पावर क्या लिख दो पावर लिख दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड उसको डिवाइड कर दो किससे टू से तो मतलब अगर आप देखोगे वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी यहां पर आ गया टोटल फैक्टर्स कितने इतनेटीन डिवाइड बाई टू तो मेरा आंसर क्या हो गया वन ट्वेंटी एट जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ठीक है अब बात करते हैं ऑड 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 फैक्टर्स 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 की कैसे निकालेंगे का मतलब क्या हुआ कि जिसमें टू नहीं आ रहा मतलब जो इवन नहीं है तो 120 को अगर आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइज तो 2 की पावर 3 इंटू थ्री पावर 1 इंटू फाइव की पावर 1 आपने कहा मुझे ऑड नंबर निकालने हैं तो ऑड निकालने तो आप 2 को इग्नोर कर दो भाई मैं कहूंगा मुझे ऑर्ड वाले चाहिए सिर्फ मैं टू को नहीं लूंगा टू को नहीं लूंगा तो मैं थ्री और फाइव को सॉल्व कर देता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेता हूं जैसे मैंने यहां निकाला था तो थ्री की पावर वन है तो वन में वन प्लस कर दोगे तो टू प्लस फाइव की पावर वन है तो वन में वन प्लस कर दोगे तो टू टू इंटू टू कितना हो गया फोर ठीक है तो फोर फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ऑर्ड फैक्टर्स होंगे इवन निकालने के लिए क्या करोगे टोटल तो में से माइनस कर दोगे ऑर्ड फैक्टर्स को तो टोटल कितने हैं टोटल आपके सिक्सटीन ऑर्ड फैक्टर थे फोर तो क्या आ गया आंसर ट्वेल्व ट्वेल्व इज द इवन फैक्टर्स ऑफ वन ट्वेंटी ये आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का है ठीक है उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में आता है हाइएस्ट पावर ठीक है हाइएस्ट पावर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है हाइएस्ट पावर निकालने का कॉन्सेप्ट यह है कि मान लो आपको दे रखा है एक नंबर हंड्रेड फैक्टोरियल और आपको बोला हुआ है इस हंड्रेड फैक्टोरियल में व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ टू टू की मैक्सिमम पावर इसमें क्या होगी तो कैसे निकालेंगे आपको जब भी किसी के हाइस्ट पावर निकालनेता सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी है मतलब ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व से तो थ्री थ्री को डिवाइड करो टू से तो आया। तो तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक लास्ट में यह नॉन डिविजिबल हो जाए इन सबको प्लस कर दो

क्वेश्चन क्या है 33, 33 को आपने 3 से डिवाइड करा इलेवन आ गया इलेवन को थ्री से डिवाइड करा तो थ्री आ गया थ्री को थ्री से डिवाइड करा तो वन आ गया आपको इन वैल्यूज को प्लस कर देना है तो थर्टी थ्री प्लस इलेवन प्लस थ्री प्लस वन कितना हो गया या आपका हो गया फोर्टी एट तो थ्री की पावर फोर्टी एट इज द हाइस्ट पावर इन हंड्रेड फैक्टोरियल ठीक है अब इसी से आपका जो अगला क्वेश्चन निकलता है वो निकलता है ट्रेलिंग जीरोज का ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग, जीरो ट्रेलिंग जीरो का मतलब अब अगर आपको जीरो लगाने का मतलब टेन होना फिर कितने पेयर बन रहे हैं लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं आप एक चीज ध्यान रखना किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी एंड फैक्टोरियल में द पावर ऑफ फाइव विल बी लेस देन पावर ऑफ टू भाई टू जो है छोटा नंबर है तो ज्यादा बार आएगा फाइव आपका बड़ा नंबर है तो कम बार आएगा और जो कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेंगे तो कहने का मतलब यह हुआ अगर आपको दे रखा है हंड्रेड फैक्टोर आपसे बोला है ट्रेलिंग जीरो बताओ ये आप बताओ कितने जीरो एंड में होंगे तो आपको कुछ नहीं करना इसको बस डिवाइड करना है फाइव से एंड फर्दर सॉल्व कर देना है जैसे फाइव की हाईएस्ट पावर निकालते हैं वैसे ही ट्रेलिंग जीरो भी निकलेगा तो हंड्रेड को फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा फोर फाइव से डिवाइड हो नहीं सकता तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी ट्वेंटी फोर आपसे बोला है फैक्टोरियल बताओ कितनी ट्रेलिंग जीरोस होंगी तो से डिवाइड करा तो, आया? आया, तो, आया? आया, तो, आया? आया, तो आपको तो ट्रेलिंग जीरो के कॉन्सेप्ट को समझना है एंड इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है इसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल का ठीक है डिविजिबिलिटी रूल का क्या कहता है समझते हैं करके तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई नंबर इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है मुझे कैसे पता चलेगा एक तरीका तो यह डिवाइड करके देख लो लेकिन भाई एग्जाम में पूरा डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है ना तो पूरा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैंने कहा सबसे पहले सर आप बताओ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या होता है भाई का डिविजिबिलिटी रूल जब मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है हमें यह पता है सर टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आप लास्ट डिजिट देख लो लास्ट डिजिट अगर टू से डिवाइड होती है तो नंबर टू से डिवाइड होगा अब अगर आप बात करो फोर की तो फोर का क्या होता है की देख लो, अगर की बात करूं, तो नंबर की तीन डिजिट सर अगर आपकी हो रही है, तो नंबर पूरा एट से डिवाइड होगा तो यहां से टू की पावर वन का अगर आपको डिजिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट डिजिट टू की पावर टू का चेक करना है मतलब फोर का चेक करना है तो लास्ट की टू डिजिट टू की पावर थ्री का चेक करना है तो लास्ट की तीन डिजिट इसका मतलब टू की पावर फोर का चेक करना होगा मतलब 16 का चेक करना होगा तो लास्ट की फोर डिजिट अगर आपको टू की पावर फाइव का चेक करना होगा तो लास्ट की फाइव डिजिट मतलब 32 का रूल आपको पता चल गया है तो इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टू की जो भी पावर होगी तो जितनी पावर टू की है उतनी लास्ट की डिजिट आप चेक कर लो अगर वो डिवाइड होती है तो नंबर आपका डिवाइड होगा ठीक है इसके बाद मैं बात करता हूं थ्री की

इन एक एक का प्लस करोगे तो नाइन प्लस एट प्लस सिक्स प्लस प्लस तो हूं? हूं।, हूं जब मैंने नाइन का डिविजिल रूल चेक किया था तो मैंने क्या कहा था मैंने एक एक को प्लस किया था अब मुझे यहां पर दो नाइन है तो दो दो को प्लस कर दो मतलब अगर मेरे पास यही नंबर है बिल्कुल सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन हमेशा स्टार्ट करेंगे लास्ट से तो इन दो को प्लस कर दो एट्टी नाइन प्लस सिक्सटी सेवन प्लस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री एंड इसको आप जीरो वन मान लो एंड इनको प्लस कर दो अगर ये प्लस करके नाइनटी नाइन से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी नाइनटी नाइन से डिवाइड होगा अगर मान लो आपको नाइन नाइनटी नाइन का चेक करना है तो कितने नाइन है यहाँ पे तीन नाइन है ना तो अब आप तीन तीन के पेड़ ले लो तो मतलब सेवन एट नाइन प्लस फोर फाइव सिक्स प्लस वन टू थ्री अगर इनका सम नाइन नाइनटी नाइन से डिवाइड हो गया तो नंबर भी नाइन 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 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब आपको यहां तक यह बात समझ में आ गई नेक्स्ट बात समझते हैं कि ऑफ एंड अगर मुझे देखना हो तो कैसे देखूंगा तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं वो सिंपल सा तरीका क्या है अगर मैं बात करूं इलेवन की तो इलेवन का अगर आपको डिविजिबल रूल चेक करना है तो कोई भी नंबर हो जैसे मान लो नंबर आपको दिया हुआ है कुछ भी सेवन एट टू फाइव वन सेवन एट नाइन तो अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है एंड आपको चेक करना है ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो आपको क्या करना है ऑल्टरनेटिव डिजिट का सम करना है एंड उसको माइनस कर देना है बाकी जो डिजिट्स है मतलब आप 9 प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस एट इनको प्लस करोगे 9 प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस एट एंड इसको माइनस कर दोगे जो ये वाले डिजिट्स है मतलब एट प्लस वन प्लस ठीक है तो कहने का मतलब जितनी भी डिजिट्स डिजिट प्लेसिस पे है वन थ्री फाइव सेवन उसमें से आप माइनस कर दोगे जो भी इवन प्लेसिस पे है, टू फोर सिक्स एट तो अगर यह माइनस करके जीरो आ गया या मल्टीपल ऑफ इलेवन आ गया तो ये नंबर आपका इलेवन से डिवाइड होता है जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन प्लस एट ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी वन से हमने माइनस करा क्या एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस टू इलेवन प्लस सेवन एटीन हमने ये माइनस करा तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया इलेवन तो इलेवन आ गया और इलेवन आपका मल्टीपल ऑफ इलेवन है इसका मतलब ये नंबर जो है आपका डिवाइड होगा किससे इलेवन से ठीक है अब इसी तरह से अगर मुझे चेक करना है सेवन और 13 का रूल तो आपको सेम अप्रोच लगानी है लेकिन यहां पे पेड़ लेना है तीन तीन का मतलब अगर आपको नंबर दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल सेवन एट टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टू तो अगर आपको यहां पे चेक करना है कि सेवन से डिवाइड हो रहा है या थर्टीन से डिवाइड हो रहा है तो आपको तीन तीन का पेड़ लेना है ये तीन का पेड़ फिर ये तीन का पेयर और ये तीन का पेयर तो आपको कैसे चेक करना है एट नाइनटी टू प्लस सेवन एट्टी टू माइनस कर दोगे कि किस को फाइव सिक्सटी सिक्स को तो ऑड वाले पेयर्स माइनस इवन वाले पेयर्स आपको कर देने हैं सेम रूल है अगर ये नंबर सब करने के बाद सेवन से या थर्टीन से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी सेवन या थर्टीन से डिवाइड होगा ठीक है यहां तक बात क्लियर हो गई ठीक है इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप साइक्लिसिटी को यूज करो लेकिन मैं ना बता, देख के बता सकते जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये मेरे पास सारी की सारी डिजिट है मैंने कहा कि इनकी यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा तो एक चीज ध्यान रखो जीरो वन फाइव और सिक्स इस नंबर की पावर कुछ भी हो इनकी यूनिटिटिटी हमेशा सेम रहेगी मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो नंबर है ट्वेंटी वन इसकी पावर है वन ट्वेंटी थ्री तो वन की भाई हमें तो सिर्फ यूनिटिटी चेक करनी है ना अगर कोई नंबर वन से एंड हो रहा है उसकी पावर कुछ भी हो हमेशा डिजिट वन ही होगी मान लो नंबर है फाइव फाइव की पावर मैंने बोल दिया बताओ हंड्रेड क्या होगा आंसर तो फाइव ही होगा अगर मान लो नंबर है थर्टी सिक्स और इसकी पावर है वन ट्वेंटी थ्री तो आंसर क्या होगा सिक्स ही होगा तो अगर कोई भी नंबर जीरो हो रहा है और उसकी दुनिया की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट वही डिजिट होगी बाकी डिजिट में क्या करेंगे सर बाकी में आपको जो पावर दे रखी है उसे आप डिवाइड करोगे से एंड अपना आंसर सॉल्व कर दोगे कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो टू की पावर एट्टी थ्री है मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट बताओ तो टू आ गया तो आपको क्या करना पावर को फोर से डिवाइड कर देना है तो टू की पावर एट्टी थ्री को आप फोर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा थ्री बचेगा तो टू की पावर थ्री क्या होता 8. तो 8 है एट तो एट विल बी द यूनिट डिजिट मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है है की की पावर पावर या फिर मान लो आपसे मैंने बोला बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तो आपने कहा पावर को किससे डिवाइड करेंगे पावर को डिवाइड करेंगे फोर से तो ट्वेंटी थ्री की पावर वन ट्वेंटी थ्री है इसको अगर हम फोर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा थ्री का तो ट्वेंटी थ्री की पावर थ्री मतलब थ्री की पावर थ्री क्या होता है ट्वेंटी सेवन तो सेवन विल बी द यूनिट डिजिट

फोर तो थ्री के बाद फोर क्या होता है एट्टी वन तो वन तो क्वेश्चन की को दो मिनट में निकाल सकते हो क्लियर हो गई अब प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए वो दो चीजें क्या पता होनी चाहिए एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विन प्राइम का और एक कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम का तो ट्विन प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है समझो ट्विन प्राइम क्या होता, होता सेवेंटीन और नाइनटीन जैसे कि फोर्टी वन फोर्टी थ्री या फिर सेवनटी वन सेवन थ्री ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस अगर टू का आ गया तो उन दोनों प्राइम नंबर को एक साथ में क्या बोलता हूं ट्विन प्राइम अब मैं बात कर रहा हूं को प्राइम क्या होता है को प्राइम ऐसा होता है दो ऐसे नंबर जिन दोनों का एच सी एफ वन है मतलब दो ऐसे नंबर जिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है जरूरी नहीं है वो दोनों नंबर प्राइम हो उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए मतलब आप फोर और नाइन देखो फोर और नाइन देखोगे तो फोर भी कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन नाइन भी कंपोजिट नंबर है बट फोर और नाइन में कुछ कॉमन नहीं है तो फोर और नाइन आपस में क्या हो गए को प्राइम हो गए है 9 10. 9 10 दोनों हैं बट इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं समझते हैं। अगर प्राइम की बात करनी है तो कुछ समझो, जब भी हम नंबर को एज्यूम करते हैं तो वो हम एज्यूम करते हैं सिक्स के प्लस माइनस वन की फॉर्म में ठीक है कोई भी प्राइम नंबर जो है वो आप सिक्स के प्लस माइनस वन की फॉर्म में लिख सकते हो तो अगर मैं बात करूं वन से लेके फिफ्टी तक तो वन से लेके फिफ्टी तक कितने प्राइम नंबर है देर आर फिफ्टीन प्राइम नंबर्स अगर मैं बोलू वन से हंड्रेड तक कितने प्राइम नंबर हैं देर आर ट्वेंटी अगर मैं बात करूं वन से लेकर टू हंड्रेड तक कितने प्राइम नंबर हैं देर आर फोर्टी अगर मैं बोलूँ वन से लेकर थाउजेंड तक कितने प्राइम देर आर वन सिक्सटी एट प्राइम नंबर्स तो ये आप एक नंबर याद कर लेना आपको इससे हेल्प मिलेगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है सर मैं चेक कैसे करूं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है तो मान लो आपको एक नंबर मैंने दे दिया वन नाइनटी वन मैंने कहा बताओ ये नंबर प्राइम है कि नहीं है तो आप कैसे बताओगे आपको सबसे पहले क्या करना है अप्रोक्सिमेट स्क्वायर रूट लेना है तो आपने लिया किसका? 191 का, तो का क्या करना है, तो 14, 14 है? है जो आपने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लिया है उसके पहले के सारे प्राइम नंबर लिख लो तो फोर्टीन के पहले कितने प्राइम नंबर है टू है थ्री है फाइव है सेवन है इलेवन है थर्टीन है अगर ये नंबर 191 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो तो ये प्राइम नहीं है अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम है मतलब 191 क्या 2 से डिवाइड होता है नहीं होता क्या थ्री से होता है नहीं होता फाइव से होता है नहीं होता सेवन से भी नहीं होता एंड इलेवन और थर्टीन से भी डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब वन इज ए प्राइम नंबर तो अगर आप ये चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है अप्रोक्सीमेट उसके पहले के सारे प्राइम नंबर लिख लेने अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नंबर क्या है वो नंबर प्राइम नंबर आपका नहीं है यहां तक बात क्लियर हो गई ठीक है इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो है सर रिमाइंडर थ्योरम का रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे क्या क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम की तो सबसे पहले आपको उसमें पता होना चाहिए क्या फर्मेट थ्योरम क्या कहती है ठीक है देखो रिमाइंडर थ्योरम पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी लेकिन आपको मैं मेन मेन कुछ थ्योरम बता रहा हूं जिसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे ठीक है अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो फर्मेट थ्योरम की अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्मेट थ्योरम क्या कहता है फर्मेट थ्योरम कहता है ए की पावर पी माइनस वन अपॉन पी अगर आप करोगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा वो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा वन होगा प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड पी जो है वो क्या है पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए एंड पी आर को प्राइम इन को प्राइम मतलब ए और पी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए ठीक है इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि थर्टी वन की पावर सिक्सटी थ्री है और आपको इसे डिवाइड करना है किससे सिक्सटी थ्री से, 63 से. तो 63 से डिवाइड करना है आपको मैंने कहा इसको सोल्व करो तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या पी मेरा प्राइम नंबर है क्या सिक्सटी थ्री प्राइम नंबर है नहीं है तो यहां पर अप्रोच नहीं लग सकती ठीक है मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि 32 की पावर 42 है एंड आपको डिवाइड करना है 43 से तो क्या 43 प्राइम है? हाँ एबसोलूटली प्राइम है क्या 32 और 43 आपस में को प्राइम है बिल्कुल को प्राइम है तो अब आपको ये पता चल गया अगर ए की पावर पी माइनस वन अपऑन पी है तो रिमाइंडर क्या बचेगा वन बचेगा तो आपका आंसर क्या आ गया डायरेक्ट वन आ गया मान लो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि टू की पावर एट्टी है डिवाइड करो इसे 83 से और रिमाइंडर बताओ भाई मुझे साथ में ये भी पता है कि 83 से एक नंबर कम अगर होता है तो उनका रिमाइंडर क्या होता है होता। तो मैंने कहा इसको लिख दो पावर एट्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू की पावर थ्री अपॉन एट्टी थ्री अब आपको यह पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम टू की पावर एट्टी टू डिड बाई इसका रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा

अब अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लो मान लो मैंने आपसे कहा कि 16 16 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन अपॉन करो तो आपने कहा है अगर मुझे फैक्टोरियल कभी दिया होता तो मैं विल्सन थ्योरम का यूज करता हूं तो 16 फैक्टोरियल अगर अपॉन डिवाइड करूंगा 17 से तो सर मेरा रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर आएगा p माइनस वन पी माइनस वन मतलब वन द रिमाइंडर विल बी सिक्सटीन बात क्लियर हुई ठीक है इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए डिवीज़न के केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लिख लेना कि a की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होता है ये बाय ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी से डिवाइड होता है वेयर एन इज ऑड नंबर ठीक है फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑलवेज ए प्लस बी वेयर एन इज इवन नंबर एंड थर्ड जो आपको प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी इन ऑफ एन इस्पेक्टिव ऑफ एन बोथ ऑड एंड इवन दोनों के लिए अगर एक एक एग्जाम्पल लेके देखें तो मैं आपसे क्या बोलूंगा मान लो आपको मैंने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन की पावर ट्वेंटी वन प्लस टेन की पावर ट्वेंटी वन ठीक है अब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा क्योंकि भाई एन जो है वो ऑड नंबर है ट्वेंटी तो इट विल ऑलवेज डिविजल बाई ए प्लस बी ए प्लस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा मतलब ये 25 से ऑलवेज डिविजिबल होगा या फिर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 15 की पावर 20 माइनस टेन की पावर 20 अब अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है तो मेरी यहां से दो चीजें निकल के आती हैं पहली चीज तो ये निकल के आती है एन ईवन नंबर है तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा किससे ए प्लस बी से मतलब फिफ्टीन प्लस टेन से एंड साथ में ए एन की पावर बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल ए माइनस बी मतलब 15 माइनस फाइव फाइव से भी ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल

एलसीएम करते हैं ठीक है अब देखते हैं क्या टाइप का क्वेश्चन है आपसे बोला ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो ए बी सी को डिवाइड करे तो एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचे तो आपको उस केस में क्या करना है एचसीएफ निकालना है ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड का इसको लिख लो अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी को डिवाइड करा तीनों में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए एक्स तो भी हम वही बात करेंगे यहां पे एक्स वाई जेड की जगह एक्स 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 आ जाएगा तो एचसीएफ ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स तीसरा आपसे क्या कह रहा है कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड ए बी सी सेम रिमाइंडर रिमाइंडर हो हमें नहीं दे रखा लेकिन बराबर रिमाइंडर होना चाहिए तो बताओ जिसको आप ए से डिवाइड करो तो एक्स का रिमाइंडर बचे बी से डिवाइड करो तो वाई का रिमाइंडर बचे एंड सी से डिवाइड करो तो जेड का रिमाइंडर बचे तो उस केस में आप कैसे करोगे सबसे पहले आप ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड निकाल लोगे ये हमेशा डिफरेंस के बराबर होगा मतलब ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस वेल बी माइनस वाई एंड बी इक्वल टू सी माइनस जेड अगर इक्वल नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको फिर क्या करना है के की वैल्यू निकाली देन आपने ए बी सी का एलसीएम निकाला एंड उसमें से के को माइनस कर दिया अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी से आपने डिवाइड करा एंड तीनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना आपको एलसीएम निकालना है एबीसी का और उसमें प्लस कर देना है एक्स तो दीज आर द फाइव दाइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है फिर एस और एलसीएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो अगर मैं बोलू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इनटू टू तो अगर दो नंबर है उनको दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो उन दोनों के एलसीएम और एससीएफ के वो बराबर होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखना ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वो है हमारा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है अगेन भाई ये एक फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्ट चैप्टर है तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए हर एक इमेज का एक वॉल्यूम होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर आप बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया होता है एंड एक उसका टोटल सरफेस एरिया होता है जिसे हम बोलते थे टीएसए तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं क्यूब की तो क्यूब की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब साइड का क्यूब इसका कर सर्फिस एरिया होता है फोर ए स्क्वायर एंड इसका टोटल सर्फिस एरिया होता है सिक्स ए स्क्वायर एंड अगर मैं बोलू क्यूब की डाइगनल क्या होती है तो क्यूब की अगर आपको डायगेल निकालनी है तो दैट इज वॉट दैट इज ए रूट थ्री ठीक है अगर मैं बात करूं आपसे क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ इन हाइट इसका कर सर्फिस एरिया क्या होता है टू एच एल प्लस बी एंड इसका टोटल सर्विस एरिया क्या होता है टू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल ठीक है एंड अगर मैं डायगनल ऑफ क्यूब क्यूबॉइड की बात करूं तो इसकी डायगनल कैसे निकालोगे डायगनल निकालोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अब ये डायगनल का कॉन्सेप्ट यूज का होता है ये समझो आप देखना बहुत बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक आपका रूम है उसकी आपको डायमेंशन दे रखी है हाइट लेंथ और ब्रेथ और आपसे बोला बताओ इस रूम में लॉन्गेस्ट रॉड कितनी आ सकती है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड तो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द डायंगनल या फिर क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक आपका रूम है रूम के एकदम रूफ के टॉप पे एक फ्लाई है ठीक है और उस फ्लाई को भाई दूसरे कोने में पहुंचना है डायगनली तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा डायगेल होगा तो इस तरह से डायगेल का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आता है लेकिन एप्लीकेशन बेस ठीक है इसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड हमारे पास जो इमेज है वो क्या है वो है सिलेंडर ठीक है तो सिलेंडर के अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होता है वो होता है पाईआर स्क्वायर एच इसके अगर हम सी एस ए की बात करें तो वो क्या होता है वो होता है टू पाई आर एच एंड अगर हम इसके टोटल सर्फिस एरिया की बात करें तो दैट इज टू पाई आर एच प्लस आर ठीक है अच्छा सिलेंडर से रिलेटेड आपका होता है कौन? कौन का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इसका अगर आप कर्व सर्फिस एरिया देखोगे दैट इज पाई आर एल वेयर एल इज द स्लॉन्ट हाइट तो एल निकालते कैसे हैं एल हम निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम एंड अगर हम देखें इसका टोटल सर्फेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस अब अगर आप सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो है तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, है, है वो ट्वेंटी है तो बताओ ये जो बाकी एरिया इसमें कितना पानी आ सकता है ठीक है तो आप यह कॉमन सेंस लगाओ कि अगर सिलेंडर है और इसका कोन का वॉल्यूम वन थर्ड है तो इसका मतलब एक सिलेंडर में तीन इक्वल कोन आ सकते हैं तभी तो वॉल्यूम वन वा थर्ड है तो अगर इसका मतलब एक कोन का वॉल्यूम या ट्वेंटी है तो जो बाकी स्पेस होगा उसमें दो कोन के बराबर मतलब यहां पे 20 और यहां पे 20, टोटल 40 40 और टोटल स्क्वायर यूनिट यूनिट या ऑफ आ सकता है तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है फॉर्मूला रटना नहीं है उसे समझना है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फ्रस्टम फ्रस्टम क्या होता है फ्रस्टम होता है जो आपने एक कोन को ऊपर से कट कर दिया तो ऊपर से कट कर दिया तो वो फ्रस्टम कुछ इस तरह का आपका दिखेगा ठीक है अब इसमें आपका ये जो होता है दिस इज आर वन दिस इज योर आर टू एंड दिस इज योर हाइट विच इज एल तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका वॉल्यूम क्या होता है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कौन का है तो वन बाई थ्री सेम रहेगा एच सेम रहेगा यहां पे क्योंकि दो आर है तो हम ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू ठीक है ये आपका वॉल्यूम हो गया अगर आप इसका देखोगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जैसे कोन का होता है वैसे इसका होता है कर्व सरफेस एरिया पाई सेम रहेगा एल सेम रहेगा और ब्रैकेट में आर वन प्लस R2 क्योंकि दो आर है अच्छा एल कैसे निकालेंगे आपका पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर तो यह आपका जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला हो गया टोटल सर्विस एरिया ऑफ फ्रस्टम का इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फिगर बनती है वो आपकी बनती है, तो फिगर बनती है और उसके साथ ही आपकी फिगर बनती है ठीक है अगर मैं बात करू स्पेयर के वॉल्यूम की तो वो क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू एंड अगर मैं बात करूं एरिया की तो फोर पाई आर स्क्वा टोटल सर्फेस एरिया भी सेम होता है लेकिन अगर हम बात करें हेमिसफेयर की तो हेमीस्फेर बिल्कुल आधा होता है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो वॉल्यूम हाफ हो गया तो टू पाई आर क्यू कर हाँ लेकिन टोटल सर्विस एरिया जो है वो हाफ नहीं होगा वो थ्री पाई आर हो जाएगा क्यों हो जाएगा थ्री पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये आपका टू पाई आर स्क्वायर एंड ये जो अलग से ऊपर बाउल एड हो गया ये जो होल है इसका अपना एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर तो टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई पाईआर स्क्वायर कितना हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर ठीक है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके सामने दो हैं लेकिन इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है एक आपका प्रिज्म और एक आपका पिरामिड तो प्रिंस की बात करूं तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा प्रिज ठीक है कुछ इस तरह का कुछ होता है ठीक है एंड अगर हम पिरामिड की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है ठीक है तो अगर हम देखें इनका वॉल्यूम क्या होता है तो प्रिंस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अगर मैं इसके कर्व सर्विस एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड अगर इसके टोटल सर्विस एरिया की बात करें तो क्या होता है कर्व सर्विस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस ये आपको प्रोवाइडेड होगा दो बार बेस इसलिए लिया क्योंकि एक बार बेस यहां पर एक बार ये रहा ठीक है इसी तरह से अगर मैं पिरामिड देखूं तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है वन बाय थ्री ऑफ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अगर इसका कर सरफेस एरिया देखें तो वो क्या होता है दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट एंड इसके बाद अगर मैं देखूं टोटल सरफेस एरिया तो वो क्या होता है कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस क्योंकि इसमें भाई एक ही बेस होता है सिर्फ नीचे नीचे ऊपर बेस नहीं होता है ठीक है तो ये जो हमने सारे फॉर्मुले पढ़े किसके फॉर्मुले पढ़े

हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है जीपी वो होती है जिसमें कॉमन रेशो सेम होता है एंड एचपी वो होता है जिसकी अगर आप रेसिप प्रोगल कर दो सारी टर्म्स तो वो एपी में बन जाती है तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आपको समझाता हूं अगर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ठीक है डी इक्वल टू आपका कॉमन डिफरेंस है ठीक है एंड मैंने कहा टी एन टी एन क्या है आपकी एन एथ टर्म है तो यहां पे आप टी एन निकालोगे कैसे एन एट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एंड अगर मैं आपसे बोलू एस एन द टर्म्स निकालना है वो कैसे निकालोगे तो दैट इज एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है या फिर एक और तरीका एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल एल इज द लास्ट टर्म ठीक है अगर मैं जीपी की बात करूं तो अगर ए इसकी फर्स्ट टर्म है मैंने कहा a जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड इसके बाद मैंने कहा r r क्या है r आपका कॉमन कॉमन रेशो है ठीक है एंड इसके बाद मैंने कहा tn जो है वो nth टर्म है तो nth टर्म कैसे निकलती है ar n 1 ठीक है अगर मैं बात करूं sn की भाई sn कैसे निकलता है सम तो सम निकलता है ar 1 ठीक है r की पावर n 1 अपॉन r 1 अगर अगर r जो है वो ग्रेटर देन 1 है अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है

तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी इससे बेटर है कि आप तीन टर्म्स क्या मान लो डी ए और ए प्लस डी तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे तो डी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको फोर टर्म्स एज्यूम करनी है एपी में तो फोर टर्म्स एज्यूम करनी है तो ऐसे एज्यूम कि सब कैंसिल आउट हो जाए तो ए माइनस थ्री डी नेक्स्ट टर्म ए माइनस डी उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी अगर आपको फाइव टर्म्स एज्यूम करनी है फाइव टर्म्स एज्यूम करनी है तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी ठीक है अब इसी तरह से मैं करूँ तो तो अगर मैं बात करूं जीपी की तो जीपी में आप क्या एज्यूम करोगे समझो तो थ्री टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जीपी में थ्री टर्म्स ए बाई आर ए और ए आर तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अगर आप फोर टर्म्स की बात करो तो फोर टर्म्स आप क्या एज्यूम कर सकते हो ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर एंड ए आर क्यूब एंड अगर हम बात करें फाइव टर्म्स की तो फाइव टर्म्स अगर आपको करनी है तो ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर तो ये आपकी टर्म्स हो गई एंड ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं इसके बाद अगर मैं कुछ बात करूँ इसी में तो आपके सामने तीन कॉन्सेप्ट आता है अरिथमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन तो अगर आपको ए एम जी एम और हारमोनिक मीन निकालना है तो क्या क्या हमें कंडीशन समझनी है तो अगर मान लो मेरे सामने दो टर्म्स हैं देर आर टू टर्म्स तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा टू जोमेट्रिक मीन क्या होगा रूट ऑफ ए बी एंड मीन क्या होगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी अगर मैं बात करूं थ्री टर्म्स की अगर आपको तीन टर्म निकालनी है तो तीन टर्म्स निकालनी है तो अरिथमेटिक मीन तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री अगर मैं बोलू जोमेट्रिक मीन क्या होगा तो ए बी सी की पावर वन बाई थ्री एंड अगर हारमोनिक मीन देखे तो वो क्या होगा बी थ्री ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ठीक है अगर मान लो यही चीज मैं दे रखी एन एथ टर्म्स है एन टर्म्स है भाई तो अगर एन टर्म्स हैं, तो यहां से अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूं तो मेरा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी टिल एन टर्म अपॉन एन जितनी टोटल टर्म्स है अगर मैं जोमेट्रिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो दैट विल बी ए बी सी टिल कहां तक टी एन टर्म तक एंड पावर क्या हो जाएगी वन एन जितनी टर्म्स एंड अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वॉट वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी टिल वन बाय टी एन ए अपॉन कर दोगे आप एन से ठीक है तो ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है तो उस सीरीज में अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है इन केस ऑफ इक्वल सीरीज इक्वल सीरीज मतलब अगर सारी की सारी टर्म सेम है बराबर है सारी टर्म्स बराबर है टू 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 तो उस केस में जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है दैट दैट इज इज टू टू ज्योमेट्रिक मीन मीन एंड हार्मोनिक ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई ठीक है इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज समझनी है सीक्वेंस एंड सीरीज में वो ये समझना है सम्मिशन ऑफ एम सबमिशन एंड एन मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस कहां तक तो अगर आपको सम्मिशन ऑफ एन निकालना है, तो वो क्या होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू अगर मैं आपसे बोलूं सम्मिशन ऑफ एन स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर अगर आपको सब निकालना है कहाँ तक एन स्क्वायर तक तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है एन एन तो मतलब, प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स अगर आपसे मैं बोलू सबमिशन ऑफ एन क्यूब तो एन क्यूब मतलब वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब टिल कहां तक

ईवन नंबर्स तो ये किसके बराबर होगा ये होगा n n+1 के बराबर ठीक है इतनी बात समझ में आ गई इसके बाद जो आपको भाई एक कांसेप्ट पता होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी का इनफाइनाइट जीपी का कांसेप्ट इनफाइनाइट जीपी का मतलब एक ऐसी जीपी जो भाई डिक्रीजिंग जीपी है लेकिन खत्म हो रही है तो उस केस में अगर आप s इनफिनिटी निकालना होगा क्योंकि मान लो एक नंबर आपको दिया हुआ है 20 16 ठीक है इसी रेशो में चल रहा है और कहां तक इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो उस केस में अगर आपको सम निकालना है तो सम का फॉर्मुला होता है ए अपॉन वन माइनस आर लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना आर शुड बी लेस देन वन इंक्रीजिंग जीपी नहीं होनी चाहिए डिक्रीजिंग जीपी होनी चाहिए ठीक है यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई तो ये भाई पूरे पूरे कॉन्सेप्ट थे किसके कॉन्सेप्ट थे एपी जीपी इनकी हेल्प से यू आर इन अ पोजिशन टू तो अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ एपी जीपी एंड एचपी ठीक है इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है एल भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी सारे क्वेश्चन से निकल के आते हैं तो एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हैं ठीक है अगर हम की स्टार्टिंग स्टार्टिंग करें तो होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहेगी नहीं तो यहां पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके ऐसे फैक्टर जो इसे पूरा सॉल्व करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूट्स या फिर हम बोल सकते हैं तो उसका एक तरीका होता, split, और एक होता है तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा रूट्स निकालने का तरीका होता है अब एक चीज को समझने की कोशिश करना यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारा नेचर है वो कौन डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है जो रूट के अंदर वैल्यू है तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम बोल देते हैं डी डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ठीक है तो की बात कर रहा हूं मैं यहां पे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इज इक्वल इक्वल टू टू दैट तो अगर आपका डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ रूट आर इमेजिनरी रूट आर इमेजिनरी का मतलब यह हुआ ऐसे रूट जो आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया रियल एंड इक्वल रूट दोनों रूट बराबर होंगे सेम वैल्यू होगी एंड अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब रियल रूट होंगे एंड दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे तो इसको मैंने क्या बोल दिया नेचर ऑफ रूट आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल लो मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो आप उसके नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो ठीक है अब यहां पे एक चीज समझनी है जो आपको वो ये है कि इन रूट्स का क्या रिलेशनशिप है और कैसे इन रूट्स का यूज होता है

तरीके को अगर हम इंप्लीमेंट कर दें क्यूबिक इक्वेशन पे तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई जिसमें तीन रूट्स हुए मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वे प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो मेरी इक्वेशन है तो भाई इसके कितने रूट्स होंगे पावर मैक्सिमम थ्री है तो रूट्स भी थ्री होंगे एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा तो अगर मैं बोलूँ इनके रूट्स के बारे में अगर मैं मान लू सबिशन ऑफ अल्फा मतलब एक एक रूट को मैं प्लस कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो अगर मैं सम्मिशन ऑफ अल्फा की बात कर रहा हूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अगर मैं आपसे बोलूं कि दो रूट्स एट ए टाइम लेने हैं मतलब अल्फा बीटा एक साथ लेने हैं तो इसमें आपका क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू सी बाय ए एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि सम्मिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों रूट्स एक साथ लेने हैं विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई सर एक रूट लेते हैं तो बी आता है दो लेते हैं सी आता है तीन लेते हैं तो डी आता है फिर चार आएगा तो ई आएगा कन्फ्यूजन जो होगा वो साइन का कंफ्यूजन होगा कि सर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा तो इसको लर्न करने का तरीका बताया तो जब भी हम ऑड रूट्स लेते हैं जैसे मैंने एक एक रूट लिया है तो मेरा साइन माइनस रहा जब मैं इवन रूट्स ले रहा हूं दो रूट्स लिए एट अ टाइम तो मेरा साइन प्लस रहा फिर मैंने तीन रूट्स ऑड लिए तो मेरा साइन माइनस हो गया तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो इसी मेथड को अगर मैं इंप्लीमेंट कर दू बाई इक्वेशन पे तो बाई क्वाडिटिक्ल स्क्स डी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो रूट्स कितने होंगे इसके टोटल होंगे चार रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड लेमना ये मेरे पास चार रूट्स हैं तो अगर मैंने कहा सबमिशन ऑफ अल्फा करो तो सबमिशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लसना दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अगर मैं आपसे बोलूं समिशन ऑफ अल्फा बीटा बताओ तो समिशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा लेमना प्लस बीटा लैमना प्लस लैमना गामा ठीक है तो ये मेरे पास टाइप में मैं लिख सकता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी बाई ए अगर मैंने बोला सबमिशन ऑफ थ्री रूट्स एट अ टाइम मतलब सबमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा तो इसको आप कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा लेटा गामा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई ए एंड अगर मैं चारों रूट एक साथ ले लू अल्फा बीटा गामा दैट बेसिकली मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो दैट इज इक्वल टू ई बाई ए तो लर्न करने का तरीका वही है एक रूट लिया तो माइनस इवन में रूट्स लिए तो साइन प्लस ऑड में रूट लिए माइनस फिर चारों लिए वन में तो साइन प्लस का आ आ गया ठीक है है तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज पे समझ में गई रूट्स का रिलेशनशिप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है वो है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपने ये टॉपिक देखा होगा बहुत बार कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोलूशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं एक तो होता है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक आपका होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंटीग्रियल भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में वन टू से स्टार्ट होगा एंड नॉन नेगेटिव में जीरो भी काउंट होगा क्योंकि भाई जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव तो जब मैं नॉन नेगेटिव लिखता हूं तो जीरो वन टू एंड जब मैं पॉजिटिव लिखता हूं तो वन टू थ्री अब इसको निकालेंगे कैसे ये देखो अगर मान लो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ट्वेंटी यह मुझे क्वेश्चन दिया और मुझसे बोला हुआ है कि इसके पॉजिटिव इंटीग्रियल सॉल्यूशन बताओ तो पॉजिटिव इंटीग्रियल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन सी आर माइनस वन तो कहने का मतलब क्या हुआ एन क्या है यहाँ पे एन है जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू है तो ट्वेंटी माइनस वन सी आर क्या है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है तीन वेरिएबल है तो थ्री माइनस वन तो मेरा आंसर क्या हो गया मेरा आंसर हो गया नाइनटीन सी टू

One होना चाहिए अगर वन नहीं है तो पहले उसे वन बनाओ फिर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट आप यहां पे कर दो ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई चलो जी आगे देखते हैं अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है यहां पे वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का भाई क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैक्सिमम मिनिमा सबसे पहले हम सीखते हैं किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिम मिनिमा कैसे निकालते हैं

एंड अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा तो वो वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई टू नेक्स्ट चीज अगर ए लेस देन है तो अगर लेस देन है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस इंफिनिटी एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो ये है माइनस डी बाई फोर एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू इसकी हेल्प से आप एक सेकेंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर

तो जब भी आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट दे रखा हो आपको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज दे रखी हैं उनको उनको बस इक्वेट 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 कर 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 दो कर दो दो मतलब को आप किसके 2 7x के और जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई एट अब इस वन बाय को इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो दोनों वैल्यू सेम आएगी और वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखते हैं माइनस एक्स प्लस थ्री और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एट प्लस थ्री दिस इज ट्वेंटी थ्री बाई तो ट्वेंटी थ्री बाई एट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ठीक है तो कभी भी आपको ग्राफ का इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको बस दोनों को इक्वेट कर देना है एंड अपना आंसर एक सेकंड में निकाल देना है थर्ड जो इसमें टाइप बन के आता है वो बन के आता है मॉड्युलर फंक्शन कि सर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे तो मान लो आपको एक मॉडुलस फंक्शन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, क्या होगी भाई हमें एक चीज पता है क्या चीज पता है कि एक्स प्लस टू अगर मॉड में है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर टू जीरो बिल्कुल होगा ठीक है अब देखो मुझे ना ये चीज पता है और मुझे यह बनाना है

तो इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है टेन एंड मिनिमम टू मिनिमम जितना मिनिमम ये जा सकता है मतलब माइनस इंफिनिटी तो ये आपने मॉड्यूल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली एक एग्जाम्पल और इसके ऊपर करते हैं मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स माइनस टेन और माइनस का आपको दे रखा है ट्वेल्व आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको पता है एक्स माइनस टेन की भाई जो मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई ये आपको पता है ये चीज हमें बाई डिफॉल्ट पता है कि एक्स माइनस टेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस टेन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा अब मुझे ये बनाना है यह बनाने तो क्या करूं एडिंग माइनस ट्वेल्व टू बोथ साइड तो एडिंग माइनस ट्वेल्व टू बोथ साइड कर दूंगा तो क्या होगा यहां मैंने माइनस ट्वेल्व कर दिया और यहां मेरा क्या आ गया माइनस ट्वेल्व आ गया ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम माइनस ट्वेल्व तो होगी ही होगी और इसके ग्रेटर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई मिनिमम वैल्यू माइनस ट्वेल्व और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी तो इस तरह से आप किसी भी मॉड्यूल फंक्शन का क्या निकाल सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है अब इसी में मिनिमम और मैक्सिमम एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एपीजीपी का या अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का ठीक है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे ये समझो ठीक है तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपका नाइन है एंड आपको बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड ठीक है वो देखो क्या लगता है आपसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर इसका शॉर्टकट देखते हैं तो हमें ये चीज पढ़ी थी अभी हमने कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन मीन अब अरिथमेटिक मीन इन तीनों नंबर का क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन थ्री ठीक है और जोमेट्रिक मीन क्या होगा एक्स वाई जेड की पावर वन बाय थ्री तो यहां पर तो 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 मतलब ये हुआ कि अगर इसकी क्यूबिंग कर दोगे आप क्यूबिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इज ग्रेटर आपने क्या कहा एक्स वाई जेड का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिम वैल्यू क्या होगी ट्वेंटी सेवन होगी ये मैंने इस अप्रोच से किया जो ट्रेडिशनल अप्रोच है लेकिन अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट बता देता तो हूं अगर आपको कभी भी सम दिया हुआ है एंड आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी होता है जब सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स आर इक्वल तो सारे नंबर्स अगर आपके इक्वल हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा तो अगर मान लो मेरा सम यहाँ पे नाइन दिया हुआ है तो नाइन दिया हुआ है तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इक्वल नंबर्स हो गए इक्वल टू नाइन अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री क्या हो गया ट्वेंटी है जो आपको मैं समझा रहा हूं ठीक ठीक है थीक है तो भाई ये हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं के कुछ कॉन्सेप्ट जो कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए हैं भाई देखो लॉग और एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर होती है वो एक ही बात होती है एक ही बात होती है मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे 2 2 2 2 आंसर आपका रहेगा 16 अब इसी बात को अगर मैं डिफरेंट फॉर्म में पूछूं मतलब मैं आपसे बोलूं व्हाट पावर व्हाट पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं व्हाट पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 इसी बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं log टू द बेस 2 सिक्सटीन कितना होगा जो मैंने ये लिखा है और जो मैंने ये लिखा है इन दोनों का मतलब एक ही है मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि की कितना पावर सिक्सटीन होगा और इसी चीज को अगर मैं लॉग की लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करूं तो बोलूंगा लॉग टू द बेस टू सिक्सटीन कितना होगा ये बात समझ में आई तो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई व्हाट पावर ऑफ टू इज इक्वल टू सिक्सटीन अभी हमने निकाला कि टू की पावर फोर जब होता है वो सिक्सटीन होता है तो मेरा यहां से आंसर भी क्या आ जाएगा लॉक टू द बेस टू सिक्सटीन विल बी इक्वल टू फोर तो ये जो पावर यहां पे फोर थी ये तो लॉक में आंसर हो जाता है जो जिसकी पावर आप निकाल रहे हो वो आपका बेस हो जाता है एंड जो यहां पे आंसर निकला था वो वैल्यू आपकी यहां पे आ जाती है लेट्स से अगर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दू मैंने कहा कि इस बार बेस चेंज करते हैं लॉक टू देश थ्री टू फोर्टी थ्री कितना होगा ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे क्या बोलोगे इस क्वेश्चन को मैं कैसे बोल सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता हूं कि थ्री की क्या पावर होगी विच इज इक्वल टू टू फोर्टी थ्री आप पावर और लॉग में रिलेशनशिप समझ पा रहे हो एक्सपोनेंट एंड लॉग में रिलेशनशिप समझ पा रहे हो तो भाई यहां पे आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर थ्री की क्या पावर टू फोर्टी थ्री होता है तो आप बोलोगे थ्री की पावर अगर आप फाइव कर दोगे तो टू फोर्टी थ्री होता है तो इसका मतलब लॉग टू देश थ्री टू फोर्टी थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाइप हो जाएगा बात क्लियर हुई तो यहां से हमने क्या एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि अगर मैं एक्सपोनेंट्स की लैंग्वेज में लिखूं तो बेस की जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू लेट से नंबर होता है तो इसी चीज को अगर मुझे लॉग की डेफिनेशन में लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा लॉग टू द बेस यहां पर आ जाएगा बेस फिर यहां पर आ जाएगा नंबर एंड जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा पावर दोनों में ये रिलेशनशिप है अगर आप इतनी कहानी समझ गए फिर आपके पास कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी तो ये हमने लॉग का एकदम बेस पकड़ा है कि लॉग का मतलब क्या है वो हमने सीखी है तो यहां से हमने अपने लॉग की पहली प्रॉपर्टी एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिराइव कर लिया इसी को अगर मैं थोड़ा सा लिखू मैथमेटिकल टर्म में तो इफ x इज इक्वल टू ए की पावर m देन देन लॉग टू द बेस ए एक्स विल बी इक्वल टू एम जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी उसको मैंने एक्स ए लॉग टर्म्स में लॉक पे लिख दिया है ठीक है तो ये तो ये हमने बेसिक चीज समझी अब हमें समझना है लॉग की एडिशनल प्रॉपर्टीज और क्या क्या होती है लॉग की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें एग्जाम में काम में लेनी है तो अगर मैं लॉग की मेजर मेजर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो भाई एक प्रॉपर्टी तो यही हो गई एक्स इक्वल टू ए की पावर एम है इसको हम लिख सकते हैं लॉग टू द बेस ए एक्स इक्वल टू एम इसके बाद जो अदर मेरी प्रॉपर्टीज है लॉग में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो यहां पे समझो भाई ये दो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसी तरह से मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवीजन कर दे लॉग टू वाई दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एक्स माइनस लॉग टू वाई ठीक है तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी समझो लॉक टू द बेस की दावर एन ऑलवेज इक्वल टू एन इन टू लॉक टू है अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लॉक टू देश ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग टू द बेस सी बी अपॉन लॉग टू द बेस सी ए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी भाई एक लॉग लिख रहे हो लेट से आपने कहा लॉग टू द बेस वाई एक्स है तो इसको आप यहां पे लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई लिख सकते हो विद सम अदर बेस कोई भी अदर बेस बेस आपका ए हो सकता है बी हो सकता है दोनों तरफ ए लिख दो, दोनों तरफ बी भी लिख दो सी लिख दो तो ये यह हमेशा यहां पर जस्टिफाई करेगा ठीक है इसके बाद अगर हम बोले लॉग टू द बेस ए बी इक्वल टू वन अपॉन लॉग टू द बेस बी A. तो आप reciprocal form में भी लिख सकते हो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो ये दोनों properties आपस में रिलेटेड है ही लॉग को डिफाइन करा है और यहाँ पे हमने क्या करा हमने लॉग जो डिफरेंट बेस में डिफाइन करने की कोशिश करी कि लॉग बी ए लिख दो कोई अलग बेस है कोई सी हो सकता है डी हो सकता है ई e हो सकता है उस फॉर्म में आप यहां पे लिख सकते हो तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमने कुछ और प्रॉपर्टीज डिराइव कर ली जैसे फॉर एग्जांपल आप थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपको बोल रही है टू द बेस ए एक्स अब यहां पर समझो कैसे मैं ये चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं भाई जो मैंने आपको लॉक की डेफिनेशन समझाई थी उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना मान लो मैं आपसे बोलू लॉग टू द बेस एक्स एक्स इक्वल टू कितना होगा तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ जब मैंने आपको इसका मतलब पूछा तो आप मुझसे बोलोगे कि x की कौन सी पावर होगी जो आपको x रिजल्ट देगी भाई जो भी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में कनेक्शन समझाया जो रिलेशन समझाया इसका मतलब इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि x की क्या पावर होगी जो मुझे x ही आउटपुट देगी तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे कि x की पावर 1 तो इसका मतलब log टू द बेस x x विल ऑलवेज इक्वल टू 1 इसी तरह से मान लो मैं आपसे बोलू लेट से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दू मैं आपको बोलू की लॉग टू 10 हंड्रेड इक्वल टू कितना होगा तो आप यहां पे क्या बोलोगे आप मुझसे बोलोगे सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यह बताओ कि 10 की क्या पावर होगी कि वो आपको रिजल्ट कितना देगा 100 देगा तो आप बोलोगे 10 की पावर 2 तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ये टू में मैं पहुंचा कैसे अगर मैं लॉग की डेफिनेशन पूछूं तो मैं पहुंचा कैसे यहां समझो भाई लॉग टू द बेस दंड्रेड लिखा हुआ है अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं अब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि दिस कैन बी आल्सो रिटर्न एज लॉग टू द बेस टेन टेन स्क्वायर और यहां पे मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी प्रॉपर्टी कहती है लॉग टू द बेस ए एक्स की पावर एन हो तो एन आपका बाहर आ जाता है तो आप बोलोगे एन बाहर आ जाता है मतलब टू आपका बाहर आ गया लॉग टेन टू द बेस टेन ठीक है तो लॉग टेन लॉग टू 10 आ गया तो अब हमें पता है इसकी वैल्यू वन होती है अभी हमने यहाँ पे पे करी है ये चीज कि तो आप क्या बोलोगे 2 into 1, my answer will be 2. इसी तरह से अगर मान लो मैं आपसे बोलू कि भाई log to the base 10, thousand का वैल्यू क्या होगा तो आप यहाँ पे क्या चीज बोलोगे आप बोलोगे कि भाई टेन की क्या पावर करूं कि मेरा आंसर थाउजेंड आ जाए ये आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है इस लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो टेन की पावर थ्री होना चाहिए अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे लॉग टू द बेस टेन और इसको लिख देते हैं टेन क्यूब ठीक है थ्री आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी यह बात बोलती है तो थ्री लॉग टू द बेस टेन टेन इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी अगर बेस और नंबर दोनों सेम है यहां पे तो वो हमेशा वन हो जाता है तो थ्री इंटू वन मेरा आंसर आ गया थ्री। तो यहाँ पे भी थ्री आया और यहां पे भी अगर मैं इस तरह से बोलू कि टेन की कौन सी होके आई है हमारे पास कभी कभी यूज होती है तो एक बार देख लेते लॉग टू इक्वल टू जीरो अब चाहो तो आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लॉग टू बेस हंड्रेड वन कितना होगा तो अगर मैं इसको की टर्म में बोलने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा हंड्रेड की ऐसी कौन सी पावर होगी जो मुझे वन आउटपुट देगी तो आप बोलोगे हंड्रेड की पावर अगर आप जीरो लिखोगे तो वो आपको वन आउटपुट देगी तो आप बोलोगे लॉग टू बेस हंड्रेड वन विल ऑलवेज बी जीरो और यहीं से मैंने प्रॉपर्टी डिराइव कर ली लॉग टू बेस ए वन इक्वल टू जीरो

ये दो प्रॉपर्टीज है जो हम कभी कभी काम में ले सकते हैं ठीक है तो ये हमारे सामने सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं हमने थोड़ा सा लॉजिक लॉक के पीछे समझा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे वो है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में भाई दो चीजें आपको समझनी है एक होता है फंक्शन और एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस भाई फंक्शन के क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें आइडेंटिटीज का यूज होता है एंड हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करेंगे तो दोनों के आपको शॉर्टकट बता रहा हूं टू द पॉइंट जो एग्जाम रेलिवेंट है ठीक है तो मान लो मैं पहले सबसे पहले बात करूँ हाइट एंड डिस्टेंस की तो हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पता है सर हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा नाइन्टी डिग्री होगा तभी बात बनेगी और ट्रिग्नोमेट्री भी हम तभी ज्यादा यूज करते हैं जब नाइन्टी डिग्री होता है तो अगर मान लो ये जो एंगल है ये नाइन्टी डिग्री है और मैंने कहा ये एंगल आपका थर्टी डिग्री है तो बॉस ये एंगल क्या होगा ये सिक्सटी डिग्री होगा कि नहीं होगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल बहुत बढ़िया अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल अगर आपका 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा क्यों क्योंकि सम ऑफ ऑल 180 डिग्री अब यहां पे आपको जो जो चीज समझनी है 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 भाई आपने बचपन से पढ़ा उसमें आप ये निकालते थे इतना डिस्टेंस है, थीटा फिर डिस्टेंस करूंगा, बिना किसी के यूज करे मैं बिना कोई ट्रीनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं तो कैसे करके दिखाता हूं थर्टी के अपोजिट अगर आपकी वैल्यू एक्स है तो 90 के अपोजिट वैल्यू आपकी हमेशा 2x होगी एंड सिक्सटी के अपोजिट आपके रूट थ्री एक्स होगी इस बात को लर्न कर लो अगर थर्टी के अपोजिट कोई डिस्टेंस X है तो 90 के होगा एंड हो वो रूट थ्री एक्स होगा ठीक है इसी तरह से अगर फोर्टी फाइव के अपोजिट एक्स है तो इस वाले फोर्टी फाइव के अपोजिट भी एक्स होगा भाई आइसोसेल्स आई आईसोसलिस्ट्रैंगल है दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड बराबर होंगी एंड नाइनटी के अपोजिट क्या हो जाएगा रूट टू एक्स पायतर अब देखो इस यूज कर इसका यूसेज क्या है मान लो आपको अब देख दे रखा है ये हाइट ऑफ टावर है और इस हाइट टावर क्या दे रखी है 100 मीटर दे रखा और आपको बोला हुआ एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और ये बच्चा जो खड़ा हुआ है ये इस बिल्डिंग का टॉप देख रहा है जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है वो थर्टी डिग्री का बन रहा है तो बताओ कि बच्चा कितनी दूर खड़ा है अब आप अगर अपने ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो टेन थर्टी निकालोगे फिर उसमें ये वैल्यूज पुट करोगे आंसर निकालोगे नहीं मैंने कहा अगर थर्टी का अपोजिट एक्स होता है तो ये एंगल सिक्सटी सिक्सटी का अपोजिट रूट थ्री एक्स होता है रूट थ्री एक्स की वैल्यू क्या हो गई हंड्रेड रूट थ्री खत्म द एंड ऑफ क्वेश्चन आर यू गेटिंग वॉट एम ट्राइंग टू से मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा है ठीक है वो पतंग उड़ा रहा है आपको दे रखी है ये वाली वैल्यू फिफ्टी मीटर एंड आपको बोला भाई ये जो एंगल बन रहा है थर्टी डिग्री का बन रहा है तो ये बताओ जो ये काइट है इसका ये जो थ्रेड है इसका डिस्टेंस क्या है आपको मैंने बताया थर्टी का अपोजिट अगर फिफ्टी है एक्स है तो नाइनटी का अपोजिट टू एक्स होता है मतलब हंड्रेड मीटर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा

एंड 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 ये भी 100 मीटर होगा द ऑफ हाइट हाइट डिस्टेंस डिस्टेंस इतना ही है सिर्फ मैंने जो आपको दो आइडेंटिटी बताई है इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता एंड इस आइडेंटिटी को यूज करके आप दो सेकंड में किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ठीक है अब मैं बात करता हूं आइडेंटिटीज की ठीक है आइडेंटिटीज की बात करता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा

ल्टीप्लाई बाय सेक्टाइनस और बनकर आ गई वो क्या प्रॉपर्टी बनकर आ गई कि 10 अगर आपको निकालना है, 10 theta, है? ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की बात करूं जो आपने पढ़ी है वो है वन प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपको पता है इससे हम एक और प्रॉपर्टी बना सकते कैसे बना सकते हैं

काफी ज्यादा यूज होगी ठीक है अब यहां पे एक बात को समझो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है जीरो डिग्री होता है, थर्टी डिग्री होता है, थीटा। ये मेरी टेबल है तो अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं तो सिर्फ मुझे साइन की वैल्यू लर्न करनी है मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं कैसे साइन की वैल्यू होती है जीरो साइन थर्टी वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू एंड साइन सिक्सटीज रूट थ्री बाई टू एंड नाइन्टी डिग्री क्या होता है वन होता है अब मुझे अगर कॉस निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है तो यहाँ पे वन आ जाएगा यहाँ रूट थ्री बाई टू या वन बाई रूट टू यहाँ पे वन बाई टू एंड यहाँ पे जीरो टेन थीटा मुझे पता है साइन अपॉन कॉस होता है तो जीरो अपॉन वन करूंगा तो क्या आएगा जीरो वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू करूंगा तो क्या आएगा वन बाई रूट थ्री आएगा वन ये आएगा रूट थ्री ये आएगा इन्फिनिटी। वन बाई जीरो का रेसिप्रोकलिटी टू दिसन सिमिलरलीट थीट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा तो वन का रेसिप्रोकल इज वन रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल इज टू बाई रूट थ्री देन दिस इज रूट टू का रेसिप्रोकल इज टू एंड जीरो का रेसिप्रोकल इज इंफिनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी वन बाई रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री देन ये वन दिस इज वन बाई रूट थ्री एंड दिस इज जीरो ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी लर्न करना सिखा दी है अब अगली जो चीज आपको समझनी है कि, कि किसी भी एंगल को अगर आपको निकालना है एंड वो एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी है तो क्या करेंगे तो ग्रेटर देन नाइनटी है तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है ऑल स्कूल टू कॉलेज किसी भी तरह आप याद कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो इसका मतलब क्या हुआ ए का मतलब है ऑल तो अगर आप देखोगे ऑल एंगल मतलब से नाइन डिग्री क्वाड्रेंट में सारे एंगल जो होते हैं, हैं. एस से क्या होता है एस से होता है आपका साइन तो यहाँ पे साइन थीटा एंड आपका जो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल जो हो गया ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं टी से क्या होता है टेन थीटा तो टेन थीटा और कॉ थीटा यहां पे पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे के सारे एंगल नेगेटिव होते हैं एंड अगर मैं बात करूं सी से तो सी का मतलब क्या हुआ कॉस थीटा तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा यहां पर यह पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं अब यहां पर एंगल निकालेंगे कैसे तो मान लो आपको मैंने बोला कि साइन वन डिग्री तो सबसे पहले यह बताओ साइन वन डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा भाई पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि टेन थ्री ट्वेंटी डिग्री टेन थ्री ट्वेंटी डिग्री बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा थ्री ट्वेंटी डिग्री फॉल करता है फोर्थ में, फोर्थ में में सिर्फ और सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं तो आपने कहा टेन थ्री ट्वेंटी जो होगा वो माइनस का होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये बताओ कॉस 290 डिग्री क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा 290 नाइनटी फॉल करता है फोर्थ क्वार में फोर्थ क्वार और सेक पॉजिटिव है तो कॉस 290 क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा यहां तक बात समझ में आई बहुत बढ़िया अब देखते हैं कि एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू मतलब अगर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके से निकल सकती है या तो आप एंगल को लिख दो प्लस माइनस थीटा या फिर थ्री सिक्सटी प्लस माइनस थीटा या फिर दूसरा तरीका होता है जिसे मैं बोलता हूं नाइनटी प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो या टू सेवेंटी प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो अब अगर आपने इस फॉर्म में चेंज किया वन एट्टी प्लस थ्री सिक्सटी या फिर आपने इस फॉर्म में चेंज किया तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको क्या ध्यान रखनी है वन एट्टी थ्री सिक्सटी केस में साइन जो होता है वो हमेशा साइन रहता है ठीक है कॉस जो होता है वो हमेशा कॉस रहता है एंड टेन जो होता है वो हमेशा आपका टेन रहता है ठीक है पहली चीज एंड सेकेंड चीज जो प्लस और माइनस होता है वो डिपेंड करता है ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल एंगल जो होगा उसके ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी अगर आपने 90 और 270 में चेंज किया है तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है किस में कॉज एंड कॉज चेंज हो जाता है साइन में 10 जो है वो चेंज हो जाता है टेन में एंड सेक की बात करो तो, तो प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपकी कि अगर मान लो आपको एक एंगल निकालना साइन वन ट्वेंटी ठीक है अब इस साइन वन ट्वेंटी को आप दो तरीके से निकाल सकते हो आप साइन वन ट्वेंटी को लिख सकते हो साइन वन एटी माइनस वन ट्वेंटी या फिर आप लिख सकते हो साइन प्लस थर्टी दोनों चीज लिख सकते हो तो अगर साइन वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी लिख रहे हो तो साइन हमेशा साइन रहेगा तो ये साइन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा प्लस का कि माइनस का प्लस का क्यों क्योंकि वन ट्वेंटी डिग्री जो तो ओरिजिनल एंगल है वो किस में फॉल करता है सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव तो प्लस साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाई टू आपका आंसर निकल गया अगर आपने साइन थर्टी लिखा है तो आपको प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा साइन डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल एंगल ओरिजिनल एंगल है साइन वन ट्वेंटी लाइ करता है सेकेंड क्वार में साइन रहेगा पॉजिटिव कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाई टू तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्री ठीक है इसके बाद भाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और पता होने चाहिए जो आपके भाई एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएंगे उनको लिख लेते हैं फटाफट सबसे पहला साइन ए प्लस बी तो साइन ए प्लस बी की बात करूं तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो साइन ए माइनस बी ठीक है दिस विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखूं, तो वो क्या है वो है कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ठीक है अगर मैं बात करूं कॉस ए माइनस बी की तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है तो आपको लर्न करने का तरीका होता है साइन जो है वो चला जाता है कॉस के साथ लेकिन कॉस हमेशा रहता है कॉस के साथ तो कॉस कॉस साथ रहेंगे साइन साइन साथ रहेंगे जब कॉस का फॉर्मूला होगा लेकिन जब साइन का फॉर्मूला होगा तो साइन कॉस के साथ भाग जाएगा और कॉस साइन के साथ भाग जाएगा अगर मैं बात करूं टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या वन माइनस टेन ए टेन बी ठीक है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूं तो टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस बी क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में क्या आ जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉट ए प्लस बी की तो कॉट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी ठीक है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कॉट ए माइनस बी तो कॉट ए माइनस बी किसके बराबर होगा दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस का वन आ जाएगा एंड अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए ठीक है अब यहां पे एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये चीज आपको समझनी है कि जो आपका मैक्सिमम और मिनिमा होता है ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब हुआ कि एक चीज ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं टेनोमेट्री में ठीक है तो इसकी अगर हम डिस्कशन करें तो क्या चीज निकल के आती है कि जो आपका थीटा है है वो ऑलवेज like करता है से के बीच में ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कर दोगे तो इसकी रेंज क्या होगी जीरो से वन ठीक है इस बात को ध्यान रखना इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस थीटा जो है वो लाइक like करता है आपका माइनस वन से वन के बीच में तो सेम प्रॉपर्टी कॉज को थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है होगी मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो होगी अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो टेन थीटा की रेंज क्या है टेन थीटा की रेंज है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इनफिनिटी इसी तरह अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो थीटा की रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम बात करें सेक्ट थीटा की तो सेक थीटा जो होता है दैट इज मोर देन वन एंड ग्रेटर लेस देन माइनस वन मतलब दैट विल बी वन एंड हेयर इट विल बी माइनस वन ठीक है एंड अगर हम कोसैक थीटा की बात करें तो कोसैक थीटा की रेंज क्या होती है माइनस वन से वन ठीक है अब यहां से जो प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसका एग्जाम में यूसेज होता है वो क्या होता है ये समझो अगर मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में तो इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू आपकी होगी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं दे रखा है आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस्ट थीटा ठीक है ये आपको दिया है आपसे मैंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू बहुत आसान है क्या होगी वो वो आपकी हो जाएगी माइनस की माइनस का आपका आ ए स्क्वायर दैट इज फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है तो फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका माइनस का ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स Minus 5, minus 5 इसकी मिनिमम वैल्यू वैल्यू होगी, होगी, एंड मैक्सिमम क्या, हो तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मैं आपको बता रहा हूं फटाफट से वो ये है कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन आपको दिया फॉर्म में ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस्ट थीटा तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र जहां पर प्लस इंडिकेट करता है मैक्सिमम वैल्यू को और माइनस इंडिकेट करता है मिनिमम वैल्यू को इसी तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा तो उस केस में जो आपकी इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी बिल्कुल सेम होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए थीटा प्लस माइनस बी थीटा दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है इसके बाद अगर आपसे बात करूं तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ थीटा प्लस बी थीटा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैटी टू रूट ए बी दिस बी द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो कैन नॉट बी बी डिटरमाइंड विल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो इसकी हेल्प से आप मेजरली क्वेश्चन कर सकते हो जो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे पूछे जाते हैं किसके ऊपर बेस्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर ठीक है इसके बाद भाई हम फर्दर डिस्कशन करते हैं एल्जेबर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसमें आपको कुछ चीज और करनी है जो होता है एल्जेब्रिक ऑपरेशन एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मतलब हुआ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एल्जेब्रिक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं तो अगर मैं बात करूं आपसे एल्जेब्रिक ऑपरेशन की तो आपको कुछ फॉर्मूला पता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करूं तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है इसी तरह से अगर मैं सेकंड फॉर्मुला की बात करूं तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर

ठीक है इसके बाद अगर मान लो मुझे क्यूब के फॉर्मुले देखने ए प्लस बी का होल क्यूब तो ये क्या होता है दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी एंड इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं दैट इज देखूट बी का होल क्यूब तो ये किसके बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं इसके बाद अगर मैं क्यूब को इंडिविजुअली देख रहा हूं मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब देख रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फॉर्मूले की तो वह ए क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज इक्वल टू वॉट दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए माइनस बी अगर आपने यहां लिख दिया तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहां पर आ जाएगा अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको समझनी है एलजेबरा में वो क्या आइडेंटिटीज है ये समझो अगर आपको दे रखा एक formula, formula formula है एक फॉर्मुला इस फॉर्मूले को पेन डाउन करो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ये किसके बराबर होता है ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी के मल्टीप्लाई बाय वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो इसके इक्वल होता ही है. अब यहां पे ये चीज समझनी है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा तो आपका फॉर्मुला किस में चेंज हो जाएगा आपका फॉर्मुला चेंज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी तो क्वेश्चन में अगर कभी आपको ये आइडेंटिटी दे रखी है तो आप समझ जाना कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या है वो जीरो के इक्वल है इसी तरह से एक आइडेंटिटी और समझते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो गिवन है ठीक है तो यहां पे एक बात समझ जाना ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू जीरो होगा बी इक्वल टू जीरो होगा एंड सी इक्वल टू जीरो होगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी थी इसके बाद अगर हम और फर्दर डिस्कशन करें इसी चैप्टर में तो हमारे एक टॉपिक निकल के आता है सर्ट्स का ठीक है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी कौन कौन से चैप्टर भाई क्वेश्चन आते हैं आप देखना अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर का जिसमें आपको नंबर को अरेंज करना होता है तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा तो उसको समझते हैं तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझें तो सबसे पहले अगर मान लो ए की पावर एम है मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन किया तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन इसी तरह से अगर मैं सेकंड बात करूं तो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन अपॉन ए की पावर एन माइनस एम अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं ए की पावर एम है और मल्टीप्लाई करा आपने बी की पावर एम को तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो ए बी की होल पावर एम देन अगर हम फोर्थ आइडेंटिटी की बात करें तो दैट इज ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी की होल पावर एम अब यहां पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है अगर मान लो ए की पावर एम है प्लस ए की पावर एन है तो इसमें अगर आपने ए की पावर एम कॉमन ले लो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो वन प्लस ए की पावर एन माइनस एम ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हो एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो यहां पे करते हैं कि ए की पावर एम की पावर एन को लोग इक्वेट कर देते हैं ए की पावर एम इंटू एन जबकि ये गलत है दिस इज नॉट ट्रू ए की पावर एम की पावर एन इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन दिस इज इक्वल टू वॉट दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन मतलब ये हुआ कि टू की पावर थ्री की पावर फोर इज नॉट इक्वल टू टू की पावर थ्री इंटू फोर बट टू की पावर थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू टू की पावर थ्री की पावर फोर या फिर आप लिख सकते हो टू की पावर ट्वेल्व ठीक है आपको इसके बाद यह चीज पता है किसी की पावर अगर जीरो हो तो हम क्या लिखते हैं वन लिखते हैं तो इससे हमें भाई दो तीन चीजें हमें समझनी है यहां पे मान लो रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू तो इसी तरह से थ्री रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं एक्स की पावर वन बाई थ्री तो यहां से मेरी क्या प्रॉपर्टी निकल के आई यहां से मेरी प्रॉपर्टी निकल के आई कि एम की पावर अगर आपकी एक्स है तो वो किसके बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर वन बाय तो यहां से अगर अगर आप ये देखो मान लो रूट का रूट है मतलब एन का रूट एम का रूट एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर या फिर दिस कैन एज का root n का रूट रूट तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे ठीक है इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी तो इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है तो ए विल बी इक्वल टू बी की पावर वन बाय एक्स ठीक है तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मतलब अगर आप बोलो कि थ्री की पावर फोर एट्टी वन होता है तो आप ये भी बोल सकते हो थ्री की पावर एट्टी वन वन बाई फोर होता है या फिर आपने कहा टू की पावर फाइव अगर थर्टी टू होता है तो टू इज इक्वल टू थर्टी टू की पावर वन बाय फाइव ये हमेशा इक्वल रहेंगे ये बात समझ में आ गई अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जो काम आएंगे आपके इनफाइनाइट सर्ट्स के क्वेश्चन में ठीक है तो इनफाइनाइट के क्वेश्चन अगर मैं मान लो फॉर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ट्वेल्व प्लस करना आपको रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व एंड ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक ठीक है सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ट्वेल्व माइनस रूट ट्वेल्व माइनस रूट ट्वेल्व माइनस रूट ट्वेल्व चलता रहेगा इन्फिनेटी तक तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हमारे पास एक अप्रोच है वो क्या कहती है अप्रोच कि इस 12 को आप को प्राइम में डिवाइड कर दो तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 12 को आप लिख सकते हो फाइव इंटू फोर ठीक ट्वेल्व को आप लिख सकते हो फोर इंटू थ्री तो आपने इसको को प्राइम में डिवाइड कर दिया तो फोर इंटू थ्री आपने इसको लिख दिया तो अगर आपका प्लस का साइन बीच में लग रहा है तो आपका आंसर बिगर वैल्यू होगा फोर लेकिन अगर मैं नीचे वाला क्वेश्चन देखू यहां पर माइनस है भाई 12 को मैं क्या लिख सकता हूं मैंने अभी बताया एंड अगर माइनस का साइन है तो आपका वैल्यू वैल्यू होगा स्मॉलर दैट इज आपको आपको कुछ सॉल्व नहीं करना दो सेकंड में आंसर मिल जाएगा इसी तरह से मान लो अगर आपका प्रोडक्ट है आपका सम नहीं है रूट ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय रूट ट्वेल्व टिल इन्फिनिटी जा रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है आपको इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना जो नंबर अंदर लिखा है वही आपका आंसर होगा एंड अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता जो इंफिनिटी नहीं है मतलब आपको मान लो ऐसे बोल दिया रूट टू रूट टू रूट टू कितने क्या करना है एक बात को समझना जितनी बार जितनी बार भी रूट हो रहा है उतनी बार आप टू का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उतनी बार टू का मल्टीप्लीकेशन करोगे मतलब आप टू को सिक्स बार मल्टीप्लाई करो टू को सिक्स बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा सिक्सटी फोर तो आपका आंसर क्या होगा जो अंदर वैल्यू है यहाँ पे टू है एंड यहां पे पावर में सिक्सटी फोर आ जाएगा न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से एक कम हो जाएगा मतलब सिक्सटी थ्री मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कितने टाइम टेन टाइम्स दिया हुआ है तो जितने टाइम्स है उतने टाइम्स आपको टू को मल्टीप्लाई करना है हमेशा टू को ही मल्टीप्लाई करना है तो टू को आपने दस बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा टू की पावर टेन क्या होता है

ओके सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आई होप इतनी देर में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं नोट्स बनवाए हैं वो आपने कंपाइल तरीके से आपने लिख लिए हैं एंड नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर क्वाइंट सेक्शन अब हम लोग अपने फाइनल हर्डल की तरफ जाएंगे जहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे जितने भी फॉर्मुले लिखे हैं उनकी एप्लीकेशन क्या है उनको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है और अपने आंसर तक कैसे पहुंचना है और अगर आप आगे और भी ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच बता रहा हूं इस अप्रोच को आप फॉलो कर लो एंड आप देखोगे कि आपकी प्रेपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी तो अब आपकी स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आते ही आपको वीडियो को पॉज कर देना है और वीडियो पॉज करने के बाद आप वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करोगे खुद से ट्राई करोगे उस प्रोसेस में अगर आपको नोट्स को रेफर करना पड़ रहा है आप कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन को ट्राई खुद करना है टू मिनट्स थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स ट्राई करोगे किस तरह से वो क्वेश्चन होगा उसके बाद आपको वीडियो को वापस कंटिन्यू करना है और आपको यह देखना है कि मैंने उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है क्या अप्रोच यूज करी है एंड वहां से आपको अपनी लर्निंग ड्रॉ करनी है यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड ऑफ द वीडियो आप ये रियलाइज करोगे कि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल लर्निंग आपकी हुई है एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पे जा चुका होगा अगर आपको यह वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक करके नीचे कॉमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चल पाए कि यह बेनिफिट आपके लिए दे रही है या फिर नहीं दे रही

केस टू आपका क्या होगा केस टू में आपने कहा आपके पास दो टू है और दो ही थ्री हैं. तो है तो टोटल आपके पास कितने पॉसिबल सोल्यूशन है टू फैक्टोरियल दो बार आपका थ्री आ रहा है फैक्टोरियल क्योंकि ये रिपीट डुप्लीकेट वाले ऑप्शन आपने हटा दिए तो टोटल केसेस कितने बन गए सिक्स देन आपके सामने केस थ्री है केस थ्री क्या होगा आपने कहा एक टू है और तीन थ्री है तो उस केस में आपके सोल्यूशन फोर फैक्टोरियल क्योंकि चार नंबर है और एक डिजिट तीन बार रिपीट हो रही है तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया अगेन फोर केसेस बन गए फिर आपने कहा केस फोर लेते हैं केस फोर में क्या है कि आपके पास एक टू है दो थ्री है और एक वन है तो अब आपके इस कितने सोल्यूशन देंगे फोर फैक्टोरियल अपॉन एक डिजिट रिपीट हो रही है दैट इज टू फैक्टोरियल तो ये कितने केसेस बन गए ये बन गए ट्वेल्व केसेस उसके बाद मैंने कहा केस फाइव लो केस फाइव में क्या आपने कहा दो टू है एक थ्री है और एक वन है ठीक है तो आपका सोल्यूशन फोर फैक्टोरियल एक डिजिट आपकी दो बार रिपीट हो रही है डिवाइड हो गया टू फैक्टोरियल से बन गए मेरा क्या होगा होगा जब मेरे पास एक है, एक है, दो वन है तो यहाँ पे आपके कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल क्योंकि वन आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो ये मेरे सारे केसेस हैं सिक्स केसेस जो मुझे यहाँ पे लेने हैं तो टोटल आपके कितने नंबर हो जाएंगे इनको प्लस कर दो फोर प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व तो मेरा आंसर कितना आ गया मेरा आंसर निकल के आ गया फिफ्टी फिफ्टी टोटल पॉसिबल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग क्या लगाना था बस ये देखना था कितने केसेस बनेंगे एक बार आपने सारे केसे ले लिए फिर आपके लिए क्वेश्चन काफी ईजी हो गया था ठीक है चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है तो भाई क्वेश्चंस को पॉज करके जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी ठीक है चलो भाई ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपसे बोला भाई राहुल है वो एक काम को स्टार्ट करता है नौ बजे गौतम उसे ज्वाइन करता है टू आवर्स बाद देन दे वर्क टुगेदर एंड कम्प्लीटेड पी एम द सेम डे अगर दोनों ने नाइन ए एम पे स्टार्ट किया होता है साथ में काम किया होता तो वर्क जो है वो थर्टी मिनट्स पहले खत्म हो जाता तो ये बताओ अगर राहुल अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा ठीक है तो मैंने कहा एक काम करो जो राहुल है वो काम करता है एक्स यूनिट्स पर आर और लेट्स जो गौतम है वो काम करता है वाई यूनिट्स पर आर ठीक है तो अगर राहुल ने नौ बजे स्टार्ट किया एंड काम पांच बजे खत्म हुआ तो राहुल ने कितनी देर काम किया राहुल ने काम किया एट आवर्स तो आवर्स काम किया तो राहुल का टोटल काम हो गया राहुल्स ठीक है एंड गौतम ने उसे टू आवर्स बाद ज्वाइन किया था मतलब गौतम ने ज्वाइन किया होगा इलेवन ए एम पे तो इलेवन एम से फाइव पी तक कितने आवर्स आवर्स हो गए तो गौतम ने काम किया होगा सिक्स फाइव यूनिट्स ठीक है एंड ये काम किसके इक्वल है भाई अगर ये बजे स्टार्ट करते दोनों तो थर्टी मिनट्स पहले खत्म हो जाता काम थर्टी मिनट्स पहले मतलब अभी अगर काम आपका पांच बजे खत्म हुआ है तो आपका काम खत्म हो जाता फोर थर्टी पीएम पे तो नाइन ओ क्लॉक स्टार्ट करते हो और फोर थर्टी तक काम करते तो टोटल टाइम कितना हो गया सेवन पॉइंट फाइव आवर्स तो दोनों एक साथ काम करते तो होते होते सेवन पॉइंट फाइव एक्स प्लस सेवन पॉइंट फाइव भाई ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया दोनों को जब इक्वेट करते तो सॉल्व करके क्या गया? ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वाई तो एक्स इक्वल टू आ गया एक्स इक्वल टू आ गया थ्री वाई तो एक्स अगर मेरा थ्री वाई आ गया तो टोटल वर्क मेरा कितना गया टोटल वर्क तो टोटल वर्क आप किसी भी उसमें वैल्यू पुट कर दो एट एक्स प्लस आपने कहा टाइम कितना लगेगा राहुल अलोन को टाइम राहुल अलोन तो राहुल अलोन को टाइम कितना लगेगा भाई टोटल वर्क विच इज टेन एक्स यूनिट और राहुल किस स्पीड से काम करता है एक्स की स्पीड से डिवाइड बाई एक्स तो इसका लगेगा टोटल

भाई सबसे पहले हमें ये दे रखा है जो बैंक ए है आपका बैंक ए वो आपको सिक्स परसेंट पर एनम दे रहा है ठीक है लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है ठीक है चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैंक बी है उसका हमें रेट ऑफ परसेंट नहीं पता लेकिन लेट से वो करता है एक्स ठीक है सिंपल इंटरेस्ट है तो एक्स परसेंट पर एनम तो जो आपका बैंक सी होगा वो क्या हो जाएगा भाई आपको दे रखा है बैंक सी जो है वो डबल देता है बैंक बी के तो बैंक सी हो जाएगा परसेंटेज पर है है अब हमें नहीं पता राजू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया तो लेट से राजू ने इन्वेस्ट किया जो अमाउंट तो ये राजू की कहानी है तो अगर राजू की यह कहानी है तो रूपा की क्या कहानी हो जाएगी भाई रूपा ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया रूपा ने इन्वेस्ट किया टेन थाउजेंड और उसने कितने टाइम के लिए किया तो कि है उसने किया

ठीक है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर टी ठीक है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे अगर मुझे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना दैट इज इक्वल टू कितना ठीक है अब मुझे यह पता है कि राजू ने जो इन्वेस्ट किया वो इसने किया किस बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट पे तो पी इंटू आर हमने क्या माना एक्स इंटू टाइम क्या है टी पीरियड के लिए अपॉन हंड्रेड यह किसके इक्वल होता ये इक्वल होता अगर इसने यही पैसा इन्वेस्ट किया होता बैंक ए में फॉर वन ईयर बैंक ए में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो किसके इक्वल हो जाएगा ये पी प्लस रेट हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है अपॉन की पावर क्योंकि साल में दो बार मिलेगा माइनस पी कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ठीक है भाई कैसे किया मैंने ये इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट है लेकिन हाफ ईयरली दे रहे हो हाफ ईयरली दे रहे हो तो थ्री परसेंट थ्री परसेंट तो टोटल दो बार हो गया तो यहाँ पे टू आ गया और इस अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तो ये इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट के हमने इनको इक्वेट करा तो हमने क्या करा ये जो पी है ये कैंसिल हो जाएगा ये पी कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड से तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा एक्स टी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाई हंड्रेड की पावर टू माइनस वन तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा एक्स टी बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं अब मुझसे पूछा रूपा का इंटरेस्ट कितना होगा तो रूपा का इंटरेस्ट कितना होगा रूपा का प्रिंसिपल कितना है रूपा का प्रिंसिपल है टेन थाउजेंड उसका रेट कितना है उसका रेट है टू एक्स इंटरेस्ट का और टाइम कितना है टू टी अपन हंड्रेड अब आपने कहा टेन थाउजेंड है मल्टीप्लाई बाय टू और ये टू कितना हो गया फोर इंटू एक्स टी बाय हंड्रेड एक्स टी बाय हंड्रेड का वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाल लिया है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो आप यहां पे क्या कर दोगे टेन थाउजेंड इंटू फोर होता है फोर्टी थाउजेंड Into XT by 100 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 09, तो मेरा आंसर आंसर कितना निकल के आ गया? आंसर आ गया? गया ऑप्शन नंबर एक शॉप ओनर है जिसने टोटल करी होलसेल मार्केट से जो टू साइज में आती है स्मॉल एंड लार्ज जो स्मॉल शर्ट है उसका प्राइस है फिफ्टी रुपीज कम किससे लार्ज शर्ट से टोटल उसने फाइव थाउजेंड रुपीज़ पे करे एंड टोटल एटीन हंड्रेड रुपीज़ शर्ट्स शर्ट के पे करे तो बताओ प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट टोटल टुगेदर कितना है ठीक है ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं मान लो लार्ज शर्ट जो है वो एल है, लो, शर्ट जो वो एल है। और स्मॉल शर्ट कितनी है एस है मान लो स्मॉल शर्ट का जो प्राइस है वो आपने एक्स माना तो अगर ये एक्स है तो लार्ज शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा आपको दे रखा है फिफ्टी रुपीज ज्यादा है तो एक्स प्लस फिफ्टी हो जाएगा हमें पता है टोटल शर्ट सिक्सटी फोर है तो स्मॉल शर्ट प्लस लार्ज शर्ट इक्वल टू सिक्सटी फोर पहली इक्वेशन तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन मुझे क्या पता है कि जो लार्ज शर्ट है उस पर आपने फाइव थाउजेंड रुपीज़ पे करें लार्ज शर्ट एल है और हर शर्ट का प्राइस एक्स प्लस फिफ्टी है दिस इज इक्वल टू कितना फाइव थाउजेंड रुपीज एंड स्मॉल शर्ट जो है विच इज एस और उसका प्राइस है एक्स उसके लिए आपने पे करें एटीन हंड्रेड रुपीज़ तो हमारे पास तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है ठीक है इनको सॉल्व कर लेते हैं एंड आराम से हमारा आंसर आ जाएगा तो पहली इक्वेशन हमारी है एस प्लस एल इक्वल टू सिक्सटी फोर दूसरी इक्वेशन यहां से मेरी क्या बन जाएगी एल एक्स प्लस फिफ्टी एल इक्वल टू फाइव थाउजेंड और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी एस एक्स इक्वल टू एटीन थाउजेंड ठीक है तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो भाई इन दोनों इक्वेशन को जब आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा एल एक्स प्लस फिफ्टी एल प्लस एस एक्स इज़ इक्वल टू सिक्सटी एट हंड्रेड ठीक है यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपने एक्स कॉमन ले लिया एल प्लस एस हो गया प्लस फिफ्टी एल हो गया इक्वल टू सिक्सटी एट हंड्रेड और एल प्लस एस का वैल्यू कितना है सिक्सटी फोर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर एक्स प्लस फिफ्टी एल इक्वल टू सिक्सटी एट हंड्रेड ठीक है तो यहां से आपकी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी एट हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर एक्स अपॉन फिफ्टी अब इस वैल्यू का आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो एल की वैल्यू तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भाई एल की जगह आ जाएगा ये वैल्यू सिक्सटी एट हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर एक्स अपॉन फिफ्टी मल्टीप्लाई करना है किस से एक्स प्लस फिफ्टी से एंड दिस इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी सिक्सटी फोर एक्स माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड एक्स माइनस नाइन्टी थाउजेंड इक्वल टू जीरो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस थ्री सेवेंटी फाइव अपॉन एट ठीक है विच इज इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी सिक्स हंड्रेड अपॉन एट और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस वन फिफ्टी अपॉन एट माइनस वाली वैल्यू हो नहीं सकती सिक्स हंड्रेड बाई एट कितना होता है सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव आपका क्या हो गया प्राइस ऑफ स्मॉलर शर्ट तो अगर ये वैल्यू आपकी सेवेंटी फाइव आ गई तो लार्जस्ट शर्ट का वैल्यू कितना आ सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टी Which is equal to 125, और दोनों का सम कितना का गेम था एक बारी वो बार इक्वेशन समझ में आ गए सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर निकाल लेना था करेक्ट चलो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है रियल नंबर ए इन प्लस लॉग ए टू दर्टी टू अपॉन लॉग ए टू देशन मल्टीप्लाई लॉग ए टू दर्टी टू इक्वल टू फोर ए मस्ट लाई इन द रेंज ऑफ ठीक है ए का रेंज हमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तो कितना फोर लॉग ए टू दिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए टू दर्टी टू ठीक है अब हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई ये है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके लॉग ए अपॉन लॉग फिफ्टीन सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूँ लॉग ए अपॉन लॉग थर्टी टू और इसको भी हम ऐसे लिख फोर अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय लॉग ए अपॉन लॉग थर्टी टू ठीक है तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहाँ पे लॉग ए कॉमन आ जाएगा प्लस का साइन लगा तो इससे ये एक लॉग ए राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा लॉग ए से ये वाला लॉग ए ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा वन अपॉन लॉग फिफ्टीन प्लस वन अपॉन लॉग थर्टी टू इक्वल टू फोर इन टू लॉग ए अपॉन लॉग फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय लॉग थर्टी टू ये रह जाएगा तो अब हम क्या करेंगे मैंने कहा एक काम करो दोनों साइड को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय log 15 log 32 तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई इधर भी log 15 32 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स को तो कितना हो जाएगा ये यहां पे आपका आ जाएगा log 32 प्लस फिफ्टीन इक्वल टू

लॉक से लॉक कैंसिल हो गया ए फोर आपका कितना हो गया ए फोर हो गया फोर एट्टी ठीक है अब यहाँ पे आपको ए की रेंज निकालनी है भाई A4, A की पावर फोर फोर एट्टी आ रहा है रेंज कैसे निकालेंगे भाई आपको ये पता है फोर की पावर फोर होता है टू फिफ्टी सिक्स एंड फाइव की पावर फोर होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव और फोर एट्टी दोनों के बीच में लाई करता है तो मैं ये बोल सकता हूँ जो ए होगा वो फोर और फाइव के बीच में लाई करेगा माई आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है कहानी चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहे हैं एक टूर्नामेंट है जिसमें टीम ने फोर्टी मैच प्ले करे एंड थर्टी परसेंट वो जीती है अगर वो सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग मैचेस जीत जाती है तो उनका जो ओवरऑल विन परसेंटेज है वो 50 हो जाएगा एंड अगर वो नाइनटी परसेंट जीतती है तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने जीतेगी टूर्नामेंट में लेट से इनिशियल हमारे कितने मैचेस इनिशियल फोर्टी मैचेस हो चुके हैं फोर्टी मैच में से कितने जीते हैं थर्टी परसेंट जीते हैं तो वन कितने मैच है थर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी विच इज इक्वल टू ट्वेल्व मैचेस रिमेनिंग नहीं पता तो लेट से रिमेनिंग मैचेस हमने मान लिए एक्स है और इसमें से जीत जीत जाते जाते हैं तो 60 जाते हैं तो मतलब X का 60 which is equal to और आपको बोला क्या गया है आपको यह बोला गया है कि अगर आप ये मैचेस जीत जाते हो तो दिस विल इक्वल टू फिफ्टी परसेंट तो, तो टोटल मैचेस आपके जीते हुए कितने हो गए जीरो तो आप में से जीते ट्वेल्व आपने पहले से जीते हुए अपॉन जो आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे 40 पहले आपने खेले हैं एक्स आपने अब खेले हैं। दिस विल बी इक्वल टू 50 परसेंट मतलब हाफ ठीक है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 50 परसेंट मतलब हाफ हो गया ना वन बाई टू तो कितना हो गया ये इक्वेशन बन गई आपकी कितनी जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टू हो गया आपका जीरो 80. तो आपके टोटल मैचेस कितने हो गए जो आपने खेले रिमेनिंग एट्टी मैचेस हो गए तो अगर अब कितने रिमेनिंग वाले ट्वेल्व तो पहले जीते हुए थे तो सेवन टी फोर तो आप बोलोगे एट्टी फोर मैचेस ये जीत चुके हैं ठीक है चलो लेट्स सी क्वेश्चन

अपॉन नंबर ऑफ बोर्डर्स तो अब कितने बच्चे आए ये तो हमें पता नहीं है लेट से वो एन बच्चे आए लेट से तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ बोर्डर्स एन इनिशियली तो अब आपने क्या बोला की इसके साथ पहले आप टोटल कॉस्ट भी निकाल लो भाई टोटल कॉस्ट कितना है? एक एलिमेंट तो फिक्सड है प्लस ये वेरिएबल है तो ये क्या हो गया ए ये तो हो गया फिक्स्ड और ये क्या हो गया जो प्रपोर्शन में है ठीक है और एन क्या है जितने बॉर्डर से वहां तो तब आप क्या बोलोगे प्रॉफिट पर बॉर्डर कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जो रेवेन्यू आ रहा है सिक्सटीन हंड्रेड माइनस जो टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा आपका ए प्लस बी एन अपॉन एन ठीक है ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर मेरा ए प्लस बी एन है तो नंबर ऑफ बोर्डर एन है तो पर स्टूडेंट का कॉस्ट कितना आ गया A plus BN N. तो पर बोर्डर का प्रॉफिट इतना हो गया ठीक है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ये कितना हो जाएगा? A by N, अलग से लिख लो ए बाय और ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी क्योंकि अंदर जाके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई प्रॉफिट पर बोर्डर की तो अब मुझे क्या बोला हुआ है ये मेरी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल ली है अब मुझे बोला हुआ जब फिफ्टी बोर्डर्स हैं तो प्रॉफिट टू हंड्रेड होता है तो ठीक है टू हंड्रेड का प्रॉफिट कब होता है जब फिफ्टी बोर्डर्स है तो सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ए अपॉन एन की जगह आ जाएगा फिफ्टी माइनस बी ठीक है और आपका प्रॉफिट होता है टू फिफ्टी कब जब नंबर ऑफ बोर्डर्स कितने होते हैं जब होते हैं वो सेवेंटी फाइव तो ए अपन सेवेंटी फाइव माइनस बी ठीक है तो इन दोनों इक्वेशन में जब आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया ए का वैल्यू आ गया टू वेरिएबल है टू इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो और बी का वैल्यू आ गया वन टू फाइव जीरो अब आपसे बोला टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर आपके एट्टी स्टूडेंट्स होंगे तो ठीक है ये है ना हमारा प्रॉफिट ठीक है तो प्रॉफिट ये है हमारा तो हम देख लेते हैं पर स्टूडेंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ए आ गया सेवेंटी फाइव हंड्रेड अपऑन एन की वैल्यू कितनी है अब एट्टी माइनस बी कितना है वन टू फाइव जीरो तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके कितना आ गया ये सॉल्व करके आपका आ गया टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव तो ये क्या है प्रॉफिट पर बोटर और हमारे पे स्टूडेंट थे कितने एट्टी थे तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दो एट्टी से तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया टोटल तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस दे रखा है का, X1 से लेके इक्वल टू वन इफ एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हंड्रेड ठीक है पे आपको क्या चीज गिवन है एक्स वन आपका है माइनस वन आपका एक्स टू क्या होगा एक्स टू आपको जाएगा यहाँ पे एक्स वन प्लस एन माइनस जीरो विच इक्वल टू एक्स वन प्लस क्या होगा आपका क्या होगा एक्स थ्री प्लस टू एंड सो एंड सो फोर तो यहां से आपका एक्स हंड्रेड कितना हो जाएगा एक्स हंड्रेड विल भीवल प्लस नाइनटी एट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई इन सबको अगर आप सम कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर टिल एक्स हंड्रेड विच इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री टिल एक्स नाइनटी नाइन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री टिल नाइन्टी एट और ये ऊपर वाला माइनस वन एंड में जाके वन हो जाएगा इनको जब सब करोगे तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज लेफ्ट में लेके जाओगे सिर्फ एक्स हंड्रेड रह जाएगा तो एक्स हंड्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर

एक्स प्लस टू लेस देन जीरो तो मेरी एक्स की चार वैल्यूज आ गई क्या आ माइनस फाइव जब एक्स प्लस टू माइनस टू हो गया इसको आप एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो चारों वैल्यूज को तो माइनस फाइव आपका यहाँ पे आएगा देन आपका माइनस टू आएगा देन आपका थ्री आएगा देन आपका नाइन आएगा ठीक है अगर हम वेवी कर्व के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बना दें और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दे तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ पे आ रही है नेगेटिव वैल्यूज आ रही है जब ये वाला रीजन है यहाँ पे नेगेटिव है और जब ये वाला रीजन है थ्री से नाइन वाला ये वाला तो आप क्या बोलोगे कि जब आपका एक्स फॉल करेगा माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में तो आपका ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा नेगेटिव होगा या फिर थ्री से नाइन होगा तो ये नेगेटिव होगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर फोर माइनस फाइव से माइनस टू एंड थ्री से नाइन ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन था आपको सिर्फ फैक्टराइज करना था एक्स की वैल्यूज देखनी थी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके वे भी कर से आपको देख लेना प्लस माइनस प्लस कहां क्वेश्चन right? आपको इफ टी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी देन वॉट इज देंथ एटी इन सेंटीमीटर्स ठीक है तो आप क्या करोगे रेगुलर हेक्सागन तो रेगुलर एक बना लेते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो इस तरह का मेरा हेक्सागन हो गया ये हेक्सागन क्या है ए बी सी डी ई एफ हमने भी जब रेगुलर हेक्सागन पढ़ा था हमें ये पता है एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल सिक्स इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे एक ये हो गया एक ये हो गया सिक्स इक्विलीटर ट्राइंगल मतलब आपका जो एंगल है वो सिक्सटी डिग्री आपके जो साइड है वो इक्वल होंगी ठीक है अब आपको दे रखा है कि जो साइड है वो कितने है? वो टू सेंटीमीटर तो अगर ये टू है तो ये भी टू होगा ये भी टू होगा ये भी टू होगा हर एक लेंथ टू होगी T इज द मिड पॉइंट ऑफ तो T अगर इसका मिड पॉइंट है तो आप बताओ कि लेंथ ऑफ AT कितना होगा तो ठीक है एक और आपको हेक्सागन बनाता हूं और यहाँ पे हम कुछ चीजों को draw करते हैं जितना रिक्वायर्ड है ठीक है ये A है ये B है C D E F तो अगर आप A और D को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई A से लेके यहां तक टू है और यहां से लेके यहां तक टू है तो टोटल ये फोर हो गया टी मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो गया ठीक है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा क्यों क्योंकि ये पूरी लाइन जो है सी वो टू है और ये मिड पॉइंट है तो ये वन हो गया इधर का वन हो गया हमें निकालना है एटी ठीक है ये एंगल कितना होगा ये एंगल सिक्सटी डिग्री होगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका एक रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें सिक्स इक्वी लेटर ट्राइंगल होते हैं इक्वी लेटर ट्राइंगल की डेफिनेशन यही होती है तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल तो अब हमें एटी निकालना है ये आपका ए हो गया तो एटी निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हो जब कोसाइन फॉर्मूला आप लगाओगे

चलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको दे रखा है फाइव माइनस लॉग रूट में वन प्लस एक्स टू प्लस फोर लॉग वन माइनस एक्स टू द बेस लॉग वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस टेन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम लिख सकते हैं लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन ठीक है तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा ये फाइव माइनस लॉग रूट में वन प्लस एक्स टू द बेस टेन प्लस फोर लॉग वन माइनस एक्स टू द बेस टेन इज़ इक्वल टू ये माइनस वन इधर आ जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन लॉग वन प्लस एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा भाई ये माइनस वन इंडिविजुअली जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बी फाइव माइनस लॉग रूट वन प्लस एक्स टू द बेस टेन प्लस फोर लॉग वन माइनस एक्स टू द बेस टेन इज इक्वल टू माइनस वन वन प्लस एक्स रूट में टू द बेस टेन प्लस माइनस वन लॉग वन माइनस एक्स टू द बेस टेन अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे फाइव को इधर लेते हैं बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं तो फाइव विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स रूट में टू द बेस टेन ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस टेन प्लस का इधर ये माइनस का है माइनस लॉग रूट में वन माइनस एक्स टू द बेस टेन और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में चलेगी तो माइनस फोर लॉग रूट में वन माइनस एक्स टू द बेस टेन तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये माइनस का वन है और ये माइनस का फोर है तो ये बन जाएगा माइनस का फाइव तो फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव लॉग रूट में वन माइनस एक्स टू द बेस टेन तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा फाइव तो ये क्या बच जाएगा वन माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई टेन ठीक है तो इसको आप क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई हंड्रेड और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू विल बी वन माइनस वन अपॉन हंड्रेड विच इज़ नाइनटी नाइन हंड्रेड आपसे बोला क्या है आपसे बोला हंड्रेड एक्स का वैल्यू बताओ तो हंड्रेड एक्स विल बी इक्वल टू कितना भाई अगर x का वैल्यू 99 नाइन बाई हंड्रेड है तो हंड्रेड एक्स विल भी इक्वल टू 99 नाइन बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इससे कैंसिल हो जाएगा योर आंसर विल बी 99 नाइन तो आपका आंसर कितना रहेगा आंसर आ जाएगा 99 नाइन है बात चलो अच्छा क्वेश्चन था भाई बस थोड़ा सा आपको लॉक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करना था ठीक है लेट सी क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? रहे वन टू थ्री फोर फाइव द समर्स इन दिफ्टी ग्रुप पहुंचना तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या है जो फाइनल टर्म है दैट इज नथिंग बट द ग्रुप नंबर ठीक है इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग जैसे ये वन है ठीक है ये ग्रुप नंबर वन है तो, तो ग्रुप तो नंबर है? है, 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 है और टू का स्क्वायर क्या होता है फोर एंड दैट इज द लास्ट डिजिट एक और एग्जाम्पल लेते हो, जैसे मान लो ये थर्ड ग्रुप है थर्ड ग्रुप में वैल्यूज आपको क्या फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो जो आपका थर्ड ग्रुप है थर्ड का स्क्वायर क्या होता है नाइन एंड इज द लास्ट डिजिट ठीक है तो ये आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करी तो आप क्या बोलोगे कि जो फिफ्टीन ग्रुप होगा तो फिफ्टीन ग्रुप्टीन तो का स्क्वायर उस ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी टू ट्वेंटी होगा ग्रुप की लास्ट वैल्यू क्या रहेगी फोर्टीन का स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स तो इसका मतलब फिफ्टीन ग्रुप की जो वैल्यूज है वो कितनी हो गई कौन कौन सी वैल्यूज हो गई तो फिफ्टीन ग्रुप की वैल्यूज वन नाइनटी सिक्स के बाद से स्टार्ट होगी क्योंकि वन नाइन सिक्स आपका क्या होगा फोर्टीन ग्रुप की लास्ट डिजिट ठीक है तो उसके बाद वन नाइन सेवन 198, 199 कहां तक ये जाएगा 225 तक तो अब आप यहाँ पे देख लो टोटल कितनी वैल्यूज हैं टोटल वैल्यूज ये कितनी है 197 से 225 तक टोटल वैल्यूज ये आपकी है 29 तो आपकी टोटल वैल्यूज है 29 आपको इनका सम निकालना है एपी का फॉर्मूला लगा दो तो अगर आप 29 नाइन यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हो तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा सीधा क्या भाई आप अपना एन टर्म का फॉर्मूला लगाओ वहां से भी आपका आ जाएगा ट्वेंटी इज द टोटल वैल्यूज इन दिस कंप्लीट सीरीज क्यों क्योंकि ये एक एपी सीरीज है कॉमन डिफरेंस वन का है तो सम आपको निकालना तो सम क्या होगा n बाई टू ए प्लस एल यही होता है फॉर्मूला तो n आपका कितना है ट्वेंटी नाइन बाई टू फर्स्ट टर्म क्या है वन नाइनटी सेवन लास्ट टर्म क्या है टू ट्वेंटी फाइव तो आपका आंसर कितना आ गया आंसर आ गया सिक्स वन वन नाइन माई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिक्स वन वन नाइन क्लियर है बात चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन हंड्रेड एंड इनक्रीज बाई वन नाइन थ्री डिजिट आर अरेज इ रिर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में आपका लगाना है कोई भी थ्री डिजिट नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं उसको हम लिखते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी ये इसके एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर होती है आपको पता है भाई अगर आप कोई टू डिजिट नंबर देखोगे तो टू डिजिट नंबर लेट से ट्वेंटी थ्री इसको आप कैसे लिखोगे टू इंटू टेन प्लस थ्री ये किस फॉर्म का है टेन ए प्लस बी इसी तरह से मान लो कोई थ्री डिजिट नंबर है 123, इसको आप क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे वन इंटू हंड्रेड प्लस टू इंटू टेन प्लस थ्री इंटू वन ये क्या है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है तो सिमिलरली जब हमारा कोई थ्री डिजिट नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी इसको जब आप रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए आपको अब क्या बोला गया है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं विच इंक्रीज बाय नाइन्टी एट मतलब जो इन दोनों में डिफरेंस है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए दैट शुड बी वन नाइनटी एट तो आप क्या बोलोगे हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए माइनस करोगे इसमें से हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू कितना वन नाइनटी एट तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन गई भाई ये टेन बी से टेन बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है बाकी आपका ए रह जाएगा और सी रह जाएगा तो नाइनटी नाइन सी माइनस नाइनटी नाइन ए इज इक्वल टू वन नाइनटी एट तो ये आपको हो जाएगा सी माइनस ए इक्वल टू टू ठीक है अब अगर हम यहाँ पे देखें ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है बी की क्या वैल्यू हो सकती है तो आप यहाँ पे देखो ए की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं कैन बी फ्रॉम वन टू से तक कोई वैल्यूज हो सकती हैं जीरो नहीं हो सकता एट नहीं हो सकता एंड नाइन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टू डिजिट नंबर बन जाएगा और हमें चाहिए थ्री डिजिट नंबर तो आपका जीरो इसलिए नहीं हो सकता एट और नाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप सी में से माइनस करोगे तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए राइट तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो एट और नाइन नहीं हो सकता वन से सेवन तक होगा ताकि सी माइनस ए जब आप करो तो टू का पॉजिटिव डिफरेंस जाए बिकॉज सी का मैक्सिम वैल्यू क्या हो सकता है भाई टोटल जो आपका डिजिट है वो जीरो से नाइन तक ही तो होती है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम नाइन लिखोगे नाइन में से अगर आप एट माइनस कर दोगे तो वन रह जाएगा या नाइन में से नाइन माइनस कर दोगे तो जीरो रह जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल तो एट मैक्स जो ए का वैल्यू हो सकता है वो सेवन हो सकता है क्योंकि नाइन माइनस सेवन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा अगर मान लो सी का वैल्यू एट होगा तो ए का वैल्यू सिक्स हो जाएगा एट माइनस सिक्स टू तो इस तरह चलेगा तो इसलिए एट नाइन और जीरो ए की वैल्यूज नहीं हो सकते तो हमारे टोटल केसेस कितने बन गए बी की जो वैल्यूज है वो कोई भी हो सकते बी का कोई आपका इक्वेशन नहीं है तो बी कैन बी फ्रॉम जीरो से नाइन बी जीरो से नाइन तो कोई भी हो सकता है तो टोटल जो मेरे केसेज हो गए वो कितने हो गए भाई ए के टोटल सेवन केसेज हो गए बी के टोटल मेरे टेन केसेज हो गए भाई जीरो से नाइन तक टोटल टेन वैल्यूज होती है सी से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सी वही वैल्यू होगी जो यहाँ पे ए होगा तो जो ए की वैल्यू होगी वही यहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी तो आपके टोटल केसेस कितने हो गए भाई A के 7 है, B के हैं आपके पास हैं का 1 है तो टोटल आपके पास तो सेवनटी ऐसे नंबर होंगे जो ग्रेटर देन हंड्रेड होंगे और जब आप उनकी वैल्यूज को रिवर्स कर दोगे जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कितने का वन का और राइट right, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है टू ट्रेन है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है फोर्टीन सेकेंड्स में अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है जो फास्टर ट्रेन है दैट इज मीटर लॉन्ग एंड वो एक पोस्ट को सेकंड में क्रॉस कर देती है अगर दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो सिक्स किलोमीटर लेस है तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी ठीक है तो हमने कहा यार फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 160 मीटर वो क्रॉस करती है 12 सेकंड में तो डिस्टेंस अपॉन

तो ये कितना आ जाएगा दिस केम डाउन टू थर्टी फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है अब अगर हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कितनी देर में फोर्टीन सेकेंड्स में ठीक है तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक तरह से उन्होंने दोनों का डिस्टेंस क्रॉस किया ठीक है तो टोटल तो डिस्टेंस मेरा रहे कितना रहेगा टोटल डिस्टेंस जो आपकी फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ आपको 160 पता है स्लो ट्रेन का डिस्टेंस मान लेते हैं लेंथ मान लेते हैं एक्स अच्छा टोटल स्पीड कितनी है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से है तो आपकी स्पीड क्या होगी प्लस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड तो स्पीडी बाई थ्री प्लस टू ट्वेंटी पर सेकेंड तो अब आप क्या बोलोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको कितना टाइम लगता है फोर्टीन सेकेंड लगते हैं डिस्टेंस कितना है वन सिक्स प्लस एक्स और आपकी स्पीड कितनी है रिलेटिव ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई वन नाइनटी मीटर तो इसका मतलब जो आपकी स्लोअर ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है दैट इज वन नाइन्टी मीटर तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था

परसेंटेज ऑफ लॉस फर्स्ट ईयर में कितना था तो मान लेते हैं जो आपका इनिशियल अमाउंट था वो आपको तो ऑलरेडी गिवन है रुपीज टेन थाउजेंड ठीक है हमारा जो लॉस हुआ इनिशियली उसको मान लेते हैं लेट से एक्स परसेंटेज का लॉस हो गया ठीक है तो एक्स परसेंटेज का लॉस हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना रह गया रिमेनिंग अमाउंट तो आप बोलोगे सर टेन आपका पैसा था उसमें से आपका एक्स परसेंटेज चला गया तो रिमेनिंग हो गया आपका टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ठीक है टेन थाउजेंड माइनस हंड्रेड एक्स इतना पैसा आपका रिमेनिंग हो गया अच्छा क्योंकि आपका बैलेंस मोर देन फाइव थाउजेंड था इसका मतलब है जो आपका लॉस था वो एक्स परसेंटेड इट हैज बी लेस देन भाई अगर से ज्यादा होता तो बैलेंस आपका हाफ से कम हो जाता बट आपको यहां बोला हुआ है हाफ से ज्यादा था तो यहाँ से हमें यह लर्निंग मिल गई कि जो एक्स की वैल्यू दैट हैज टू बी लेस देन फिफ्टी परसेंट अब आपको यह बोला गया कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था टेन थाउजेंड माइनस हंड्रेड एक्स उस पे आपने कितना गेन कर लिया फाइव टाइम ज्यादा गेन कर लिया तो अगर आपका पहले एक्स परसेंटेज का लॉस हुआ था तो आपने अब क्या कर लिया आपने अब फाइव एक्स परसेंटेज का गेन करा और उस वजह से जो आपका टोटल अमाउंट वो कितना हो गया भाई वो आपका थर्टी फाइव परसेंट ज्यादा हो गया तो अगर टेन थाउजेंड आपका इनिशियल अमाउंट था और थर्टी फाइव परसेंट की आपकी ग्रोथ हो गई ओवरऑल तो आपका जो फाइनल पैसा है वो बन गया थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जो आपका ये रिमेनिंग बैलेंस था इसमें आपका फाइव एक्स परसेंट का प्रॉफिट हुआ जिसकी वजह से जो आपका फाइनल बैलेंस है दैट इज

जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई स्क्वायर माइनस एट्टी एक्स प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू क्या X की आ गई एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे कॉमन आ गया एक्स माइनस टेन और यहाँ पे सेवेंटी कॉमन आ गया एक्स माइनस टेन तो एक्स की वैल्यू या तो टेन हो गई या एक्स की वैल्यू सेवनटी हो गई इन दोनों में से आपका आंसर करेगा। अब हमने इनिशियली फिगर आउट कर लिया था कि एक्स जो है लॉस विच वी एज्यूम्ड इनिशियली एक्स का वैल्यू कितना टेन परसेंट ठीक है चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द पॉसिबल इंटीजर्स एन सेटिस्फाइंग टू पॉइंट टू फाइव लेस देन इक्वल टू टू प्लस टू की पावर एन प्लस टू इज लेस देन 202, 3 3 n 1. तो अच्छा है, एक ट्राई करो इसको चलो भाई तो मुझे जो इन इक्वालिटी गिवन है वो कितनी है 2 2 2 n 2, 202. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें से टू सब्ट्रैक्ट कर दो जब आप टू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी इन इक्वालिटी क्या रह जाएगी जीरो पॉइंट टू फाइव इज लेस देन इक्वल टू टू की पावर एन प्लस टू विच इज लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड अब अगर आप जीरो पॉइंट टू फाइव देखोगे इसको मैं लिख सकता हूं वन बाय फोर ठीक है तो वन बाय फोर लिख देते हैं इसको वन बाय फोर क्या होता है वन बाय फोर होता है टू की पावर माइनस टू तो टू की पावर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू टू की पावर एन प्लस टू अब जो टू हंड्रेड है टू हंड्रेड के पास अगर आप देखोगे टू की पावर क्या होती है टू की पावर एट होता है टू की पावर एट कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स ठीक है हम इसको टू की पावर में क्यों चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने बेस को इक्वल करके जो पावर है उसको फर्दर सॉल्व कर पाए तो जो वैल्यू टू हंड्रेड से कम है वो डेफिनेटली टू फिफ्टी सिक्स से तो कम होगी होगी तो अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड है तो दैट वैल्यू विल बी लेस देन अंडर एनी तो इसको मैं क्या लिख दूंगा टू की पावर माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू टू की पावर एन प्लस टू विच इज लेस देन इक्वल टू टू की पावर एट अब इससे बेनिफिट क्या हुआ बेनिफिट ये हुआ कि अब आपका टू बेस कॉमन हो गया तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हो तो माइनस टू लेस देन इक्वल टू एन प्लस टू लेस देन एट ठीक है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे एन को सॉल्व करना है तो ये प्लस टू हटाने के लिए माइनस टू कर दो, दोनों साइड तो क्या हो जाएगा माइनस फोर लेस इक्वल टू एन लेस एन की रेंज तो आपका जो एन होगा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये मेरी क्या N आ गई एन की रेंज आ गई लेकिन आपको निकालना क्या आपको निकालना है थ्री प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन थ्री प्लस थ्री की पावर एन प्लस वन और आपको निकालने भाई ये तो पहले से इंटीजर है, तो है तो आपको मेक sure श्योर तो आप करना चाहते हो तो क्या करोगे जो इसकी पावर है एन प्लस वन वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर पावर नेगेटिव में होगी तो वो इंटीजर नहीं रहेगा ठीक है वो क्या हो जाएगा वो इरेशनल नंबर बन सकता है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे एन प्लस वन इज ग्रेटर टू जीरो होना चाहिए तो एन शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन तो एन अगर आपका माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए तभी आपका ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होगा तो अगर एन आपका ग्रेटर देन माइनस वन के इक्वल होना चाहिए तो फिर आपके टोटल वैल्यूज क्या क्या हो गई टोटल पॉसिबल वैल्यूज तो आपकी रेंज एन की पता है ये है और दूसरी कंडीशन आपको मिल गई कि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन तो यहां से आप क्या बोलोगे माइनस वन हो सकता है और उसके बाद की जितनी वैल्यूज है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो व्हाट यू विल से टोटल देर आर सेवन पॉसिबल इंटीजर्स जहां पे आपकी जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ठीक है चलो लेट क्वेश्चन है द साइड्स ए बी साइड पी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए बी पी डी पैलोग्राम ऑल राइट तो हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी आपको दे रखा है ए बी जो है वो छोटी वाली साइड है इसको मान लेते हैं ए ठीक है फिर आपने बोला कि जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है सी डी का तो मिड पॉइंट और ये क्या है ये पैलोग्राम है तो पैलोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये वाला आपका ए हो गया तो ये भी ए होगा बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ठीक है हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट हम लोग मान लेते हैं कि एच है ठीक है तो हाइट हमने एच मान ली तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ पैरोग्राम कितना होगा एरिया ऑफ पैरोग्राम ए बी पी डी तो एरिया ऑफ पैरोग्राम होता है बेस इंटू हाइट तो ए एच हो जाएगा अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी बी सी कितना हो जाएगा वन बाई टू बेस इंटू हाइट बेस है आपका ए हाइट आपने मानिए एच तो ये एरिया कितना हो गया ए एच बाई टू ये आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है टेन दे रखा है तो आप बोलोगे ए एच बाई टू आपको टेन गिवन है तो एच AH कितना हो गया? AH हो गया गया आपका ट्वेंटी तो होगा भाई, भाई अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जब आप प्लस कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया ना तो एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना ए एच AH, AH का वैल्यू आ गया ट्वेंटी और ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी आपको दे रखा 10, तो तो one, है टेन तो टोटल आपका रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन का है थीके? तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा एक है कंटेनर है जो मिल्क से फिल्ड है नाइन लीटर ऑफ मिल्क आपने ड्रॉ किया एंड पानी से रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट आपने क्या करा सेम कंटेनर में से नाइन लीटर और ड्रॉ करा एंड फिर से पानी से रिप्लेस कर दिया अगर वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर अब जो है वो सिक्स इंस टू नाइन है तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितनी है ये आपसे पूछा है ठीक है लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस भाई अगर ये सिक्सटीन इस टू नाइन है तो मान लो सिक्सटी एक्स है और ये नाइन एस है ठीक है तो इनिशियल आपकी क्वांटिटी कितनी रही होगी भाई इनिशियली क्योंकि सारा का सारा प्योर मिल्क था वाटर तो बाद में आया लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी तो उतनी है ना क्योंकि आप नाइन लीटर विद्रॉ कर रहे हो और नाइन लीटर ही एड कर रहे हो तो सिक्सटीन एक्स प्लस नाइन एक्स इनिशियल जो क्वांटिटी रही होगी वो ट्वेंटी फाइव एक्स रही होगी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि भाई फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट जो होता है फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट दैट इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में वन माइनस क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर एन वेयर एन रिप्रेजेंट जितनी बार वो प्रोसेस रिपीट हुआ है ठीक है तो यहां पे हम क्या करेंगे फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट अपॉन इनिशियल क्वांटिटी यहां ले जाते हैं और ये इक्वल टू हो गया वन माइनस क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर एन अब फाइनल क्वांटिटी आपका कितना लेफ्ट है दैट इज इनिशियल क्वांटिटी आपका कितना था ट्वेंटी क्वांटिटी कितनी आप विद्रॉ कर रहे हो हर बार नाइन लीटर्स और इनिशियल क्वांटिटी आपकी कितनी थी आप चाहो तो लिख दो नहीं तो इसको इनिशियल क्वांटिटी छोड़ दो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा टोटल तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है दो बार हुआ है ठीक है एक बार पहले यहाँ पे हुआ था फिर एक बार यहां पे हुआ था आप चाहो तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एक्स लिख भी सकते हो अगर आज नहीं लिखोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स एक्स हटा दो, तो तो ये क्या क्या हो गया? 16 25. तो 16 25 क्या होता है? 4 5 का होल होल स्क्वायर. स्क्वायर तो का है अपॉन टोटल की पावर 2. 2 से 2 हो गया. तो 4 5 1 तो कितना हो गया नाइन इक्वल टू टोटल फाइव

ये C है और ये D है ठीक है हमने ये इसकी डायगनल बना दी रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है जो डायगनल होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ठीक है एट 90 डिग्री ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉम्बस है कि डायगनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कहां पे 90 डिग्री पे और ये दोनों बाइसेक्ट भी करती है एक दूसरे को तो अगर ये पूरी एक डायगनल है ए तो लेट से ये ए है तो ये भी ए होगा एंड ये पार्ट अगर बी है तो ये भी बी होगा तो पूरी डाइंगल की लेंथ टू ए एंड टू बी ऑल राइट तो अब हम क्या बोलेंगे लेट से जो आपकी ए सी है कोई भी आप एक डाइंगल को लॉन्गर मान लो एंड उसको सॉल्व कर दो अब आपको यहाँ पे क्या चीज पता है अगर आप देखोगे साइड क्या है दैट इज ये भी फाइव है ये भी 5 है और ये भी फाइव है तो क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री है तो अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे मान लो ये ओ पॉइंट है तो एओ बी ट्राइंगल देख लो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो तो ट्राइंगल ए बी में थ्योरम लग जाएगी ए का स्क्र प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हो गया इसके साथ आपको यह भी पता है जो एरिया ऑफ रॉम्बस होता है क्योंकि आपको एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो क्या होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन टू ये होता है आपका एरिया ऑफ रेम्बस तो आपकी दोनों डायगोनल्स क्या है दोनों डायगोनल्स आपकी हैं टू ए इन टू बी अपॉन टू ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस विच इज गि यहां से आपका क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू सिक्स आ गया ठीक है तो अब आपके पास ए स्क्र प्लस बी स्क्टी फाइव आपके पास ए बी है इक्वल टू सिक्स अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं ठीक है कैसे सोल्व करेंगे चलो मान लो मैं आपसे बोलू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कितना होगा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर यह है ट्वेंटी फाइव और टू ए बी आपका हो जाएगा ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू थर्टी सेवन और फिर मैं आपसे बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कितना होगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व तो दैट इज इक्वल टू थर्टीन ठीक है तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स टू ए बी होता क्या एक्चुअल में वो होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर थर्टी सेवन है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है थर्टीन है तो अगर मैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा रूट थर्टी सेवन और ए माइनस बी हो जाएगा आपका रूट थर्टीन अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो आपका टू ए इक्वल टू कितना आ गया रूट थर्टी सेवन प्लस रूट थर्टीन और जब आप टू बी निकालोगे वो कितना रूट थर्टी सेवन माइनस रूट थर्टीन अब आपकी ये दोनों डायगनल की लेंथ आ गई है आपसे बोला लॉन्गर डायगनल कौन से लॉन्गर वो होगी जो पॉजिटिव साइन में है. तो रूट थर्टी सेवन प्लस रूट थर्टीन इज योर लॉन्गर डायगनल तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है काफी सारे बच्चों ने गलती कर डिवाइड डिड बाई टू कर दिया बट एक्चुअल जो लेंथ ऑफ डायगनल है ना ये ए और ए पूरी लेंथ टू ए है और ये टू बी है तो आपको ये ध्यान रखना है चलो लेट्स देखो तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है मॉडुलस फंक्शन थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस मॉडुलस फंक्शन थ्री एक्स माइनस फोर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी तो मैं क्या करूंगा भाई मुझे पता चल गया मेरे तीन मेजर पॉइंट्स है एक है ट्वेंटी एक बिटवी टू फोर्टी एंड ग्रेटर तो मैंने कहा यहाँ पे पहली कंडीशन हो सकती है जब थ्री एक्स इज लेस देन ट्वेंटी है दूसरी कंडीशन हो सकती है जब थ्री एक्स इज बिटवीन ट्वेंटी एंड फोर्टी है एंड तीसरी कंडीशन हो सकती है जब 3x greater than 40 है तो जब आप कोई भी थ्री एक्स की वैल्यू लेस देन ट्वेंटी लोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा मान लो आपका थ्री एक्स है टेन ठीक है पूरा का पूरा लेस देन ट्वेंटी एक वैल्यू एज्यूम कर ली तो ये क्या हो जाएगा टेन माइनस ट्वेंटी माइनस टेन और मॉडल फंक्शन है तो टेन बन जाएगा ओवरऑल तो हम इसको बोल सकते हैं बन जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री एक्स प्लस फोर्टी माइनस थ्री एक्स क्योंकि यहाँ पे भी आप कोई वैल्यू रखोगे तो वो सब हो जाएगी इससे फोर्टी माइनस थ्री रह जाएगा पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्यों क्योंकि मॉडल फंक्शन लगा हुआ है इक्वल टू ट्वेंटी जबकि हमें चाहिए एक्स लेस देन ट्वेंटी बाय थ्री तो यहाँ पे आपके क्या हो गए जीरो सोल्यूशन यहाँ पे आपके क्या हो गए जीरो सोलूशन हमने कहा एक्स ग्रेटर वाला सोल्व करके देखो तो जब थ्री एक्स इज ग्रेटर देन है तो आपका एक्स क्या हो गया एक्स शुड बी ग्रेटर देन और जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखोगे तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी मॉडल फंक्शन को ऑन करोगे जब थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री एक्स माइनस फोर्टी इक्वल टू ट्वेंटी जब भी कोई वैल्यू थ्री एक्स की ग्रेटर देन फोर्टी होगी लेट से फिफ्टी है तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी थर्टी और यहाँ पे फिफ्टी माइनस फोर्टी टेन तो इसी फॉर्म में आपका मॉडल फंक्शन ऑन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सिक्स एक्स इज इक्वल टू एट्टी तो एक्स कितना एक्स आ जाएगा फोर्टी बाय थ्री एक्स आपका फोर्टी बाय थ्री आ गया जबकि हमें चाहिए एक्स ग्रेटर देन फोर्टी बाय थ्री तो यहाँ पे भी आपके क्या हो गए जीरो सॉल्यूशन है अब हम ये वाला सॉल्व करके देखते हैं जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स की क्या वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाई थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स ये आ गया फोर्टी बाय थ्री ठीक है तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी जब भी कोई ऐसी वैल्यू होगी तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टी माइनस थ्री एक्स क्योंकि जब ट्वेंटी से बड़ी वैल्यू है तो ये वाला मॉडल फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा और फोर्टी से कम है तो ये रिवर्स हो जाएगा फोर्टी माइनस थ्री एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यहाँ पे आपका क्या आ गया ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी आ गया और ये चीज हमें यहाँ पे सॉल्व करनी थी तो यहाँ पे ट्वेंटी मतलब क्या हुआ भाई यहां पे हो गया, तो यहाँ पे हम क्या चीज करेंगे तो, तो ये कंडीशन मुझे करनी है अब आप अगर देखोगे ऐसी कौन सी वैल्यूज है आप एक एक ऑप्शन करके देखो टेन से ग्रेटर हाँ ठीक है लेकिन फिफ्टीन से लेस नॉट ट्रू भाई थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री कोई मान लो वैल्यू है 14.

ट्वेल्व तो जो वैल्यू ट्वेल्ल से छोटी है वो थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री डेफिनेटली छोटी है तो ये वाले जो सारे वैल्यूज है वो यहाँ पे आपकी रेंज में कवर हो जाएंगे देन आप अगर फोर्थ वाले भी देखोगे सिक्स से ग्रेटर इलेवन इलेवन वाला तो ठीक है यहाँ पे जो वैल्यू इलेवन से छोटी है वो थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री से छोटी है बट जो वैल्यू सिक्स से बड़ी है वो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स से बड़ी हो ये जरूरी नहीं है कोई वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव भी हो सकती है सिक्स पॉइंट फाइव यहाँ पे आ जाएगी बट यहाँ पे नहीं आएगी तो दिस इज द ओनली पॉसिबल जो आपका आंसर बन सकता है ठीक है चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया सपोज वन ऑफ द रूट इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस क्या ऑफ रूट्स क्या होता है सम ऑफ रूट आपको पता है बी बाई ए होता है माइनस का b बाई ए होगा यहाँ पे माइनस की इक्वेशन है तो क्या बन जाएगा बी बाई ए बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 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 प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ रूट्स रूट्स होता ठीक आपको वन रूट दे रखा है क्या टू प्लस रूट थ्री अब अगर आपके ये रैशनल नंबर्स हैं और एक रूट आपका टू प्लस रूट थ्री है तो अगर ये रैशनल है तो अनदर रूट क्या होगा भाई एलजेबरा में आपने पढ़ा है कि अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री और इसको आप रैशनल बनाना चाहते हो वो तभी होगा जब दूसरा रूट होगा टू माइनस रूट थ्री अदरवाइज वो क्या रहेगा वो इरेशनल हो जाएगा और हमें पता है ये रैशनल है तो दूसरा रूट हमें पता चल गया कि ये हमारा दूसरा, दूसरा रूट है तो हमें क्या पता है सम ऑफ रूट सम ऑफ क्या होगा तो समय टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू बी बाई ए यहाँ पे हमने देख लिया तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल तो बी बाई ए कितना आ गया बी बाई आ गया 4. अगर मैं प्रोडक्ट और रूट देखूंगा सी बाई ए प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई टू माइनस रूट थ्री तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे आप बोलोगे सी बाई ए कितना हो गया टू का स्क्वायर फोर माइनस वन तो ये आ गया वन ठीक है अब हमें क्या चीज दे रखी है बी बाई सी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो बी बाई सी कितना हो जाएगा ये मेरी एक इक्वेशन है और ये मेरी एक इक्वेशन है तो अगर मैं बी बाई सी करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई ए से ये कैंसिल हो जाएगा बी बाई सी मेरा कितना रहेगा फोर बाय वन फोर ठीक है अब मुझे गिवन क्या है मुझे गिवन है बी इज इक्वल टू सी का क्यूब तो अगर बी इज इक्वल टू सी का क्यूब है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे बी की जगह क्या आ जाएगा सी का क्यूब अपॉन सी इक्वल टू फोर है तो सी का स्क्वायर इक्वल टू फोर तो है तो सी का स्क्वायर अगर इक्वल टू फोर तो है तो सी क्या हो गया सी हो गया आपका प्लस माइनस टू लेकिन हमें क्या निकालना है हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए तो मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव क्योंकि भाई मॉडुलस फंक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर दे है तो आंसर क्या हो जाएगा टू तो यार आंसर इज इक्वल टू क्लियर है कहानी तो इस तरह से भाई क्वेश्चन को अप्रोच करना था यहाँ पे हमें क्या चीज का ध्यान रखना था कि अगर एक रूट आपका टू प्लस रूट थ्री है और वो रैशनल नंबर है तो दूसरा रूट हैज टू बी अदरवाइज वो रैशनल नहीं रहेगा उसके बाद सम ऑफ ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स की प्रॉपर्टी लगा के ऑटोमेटिकली आपने अपना आंसर निकाल लिया ठीक है इफ एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम देन एक्स हंड्रेड विल इक्वल टू वॉट अब ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे आपको क्या चीज गिवन है आप सबसे देखो आपको जो चीज है है वो क्या एक्स एम इज इक्वल अगर मैं यहां से x m plus 1 की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगी तो आप बोलोगे एक्स एम प्लस वन विल बीवल टू एक्स ऑफ एम ये वाला माइनस इधर चला जाएगा ये जो एम प्लस वन की वैल्यू है तो माइनस में हो जाएगा तो दिस विल बी वैल्यू अब आपको क्या चीज गिवन है अब आपको गिवन है एक्स वन एक्स वन आपको कितना गिवन है माइनस वन एक्स टू की अगर मैं वैल्यू निकालू तो क्या होगा एक्स टू तो आपको पता है इस प्रॉपर्टी में डालोगे तो एक्स टू इज एम प्लस वन वन प्लस वन तो यहाँ पे आएगा एक्स एम की वैल्यू एक्स एम मतलब एक्स वन की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू माइनस और एम क्या है यहाँ पे वन प्लस वन एक्स वन की वैल्यू क्या है एक्स वन की वैल्यू है माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस टू तो आपकी वैल्यू क्या बन गई आपकी वैल्यू बन गई माइनस एक्स थ्री की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा दैट दैटीस टू प्लस वन एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 तो आपकी वैल्यू क्या बन गई माइनस सिक्स अगर आप एक्स फोर की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा दैट विल बी एक्स थ्री माइनस थ्री प्लस वन तो एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है एक्स थ्री की वैल्यू है माइनस सिक्स ये हो जाएगा आपका माइनस फोर तो आपकी वैल्यू क्या बन गई माइनस टेन तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो आपको पता चल जाता है भाई ये क्या बन रहा है एक पूरा पैटर्न बन रहा है है ना जहाँ पे पैटर्न किस टाइप का है तो अगर आप एक्स वन देखोगे दिस इज माइनस वन अगर आप एक्स टू की वैल्यू देखोगे माइनस वन माइनस टू अगर आप एक्स थ्री की वैल्यू देखोगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अगर आप एक्स फोर की वैल्यू देखोगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो यहां से आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक्स हंड्रेड जो होगा वो क्या होगा दैट विल बी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कहाँ तक माइनस हंड्रेड तक तो आपने कहा माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या रहेगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कहाँ तक हंड्रेड तक रह जाएगा अब आपको पता है क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है सम ऑफ नेचुरल नंबर आपका होता है एन एन प्लस वन बाई टू और माइनस क्योंकि यहाँ वाला चल रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा तो दिस विल बी माइनस एन की वैल्यू क्या है हंड्रेड है तो आपका हंड्रेड इंटू वन जीरो वन डिवाइड बाई टू आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आएगा माइनस फाइव जीरो फाइव जीरो तो माई आंसर वुड बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर फोर माइनस फाइव जीरो फाइव जीरो तो ऐसे जब भी कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए पैटर्न ढूंढने की एक बार आपको पैटर्न पता चल गया फिर इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ राइट चलो जी लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो अच्छा क्वेश्चन है दिमाग लगाना आपको क्वेश्चन में उसके बाद ही आपको सोल्यूशन चेकआउट करना है क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विमला स्टार्ट फॉर ऑफिस एवरी डे एट नाइन एम

ऑफिस में जब ये फोर्टी किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो फोर्टी किलोमीटर पर आर आ गया फोर्टी किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो ये नॉर्मली पहुंच जाती है अपने एग्जैक्ट टाइम पे और अगर थर्टी फाइव से जाती है तो सिक्स मिनट लेट होती है तो यहां से मुझे क्या पता चल सकता है लेट से जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज एस जो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है एस है अब हमें पता है दैट जो एस डिस्टेंस है उसे वो ट्रैवल करती है अगर थर्टी फाइव की स्पीड पे एंड अगर आप उसमें से सब्रैक्ट कर दोगे जो इसका नॉर्मल स्पीड इस फोर्टी तो उसमें डिफरेंस कितने मिनट्स का 6 का है डिवाइड बाई सिक्सटी कर दूंगा आर में चेंज करने के लिए ठीक है तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ये भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एस की वैल्यू क्या आएगी आपका एलसीएम हो जाएगा ये थर्टी फाइव इंटू फोर्टी यह आपका हो जाएगा फोर्टी एस यह आपका हो जाएगा थर्टी फाइव एस ये हो जाएगा आपका सिक्स बाई सिक्सटी तो यहाँ से आपका फाइव एस विल इक्वल टू सिक्स इंटू थर्टी फाइव इंटू फोर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी और अगर आपको एस निकालना है तो आप एस के लिए क्या करोगे सिक्स इंटू थर्टी फ़ाइव इंटू फोर्टी अपॉन सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई फाइव तो आपकी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई सिक्स वन जा सिक्स टेन ज़ा टेन वन ज़ा टेन फोर जा फाइव वन ज़ा फाइव सेवन तो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस है दैट इज़ ट्वेंटी एट किलोमीटर तो ट्वेंटी एट मुझे अपना डिस्टेंस पता चल गया पूरा का पूरा अब आग मुझे आगे क्या चीज दे रखी है मुझे ये दे रखा है कि यह जो डिस्टेंस है पूरा कितना ट्वेंटी एट किलोमीटर इसका टू थर्ड डिस्टेंस जो है वो इसने वन थर्ड ऑफ द यूजल टाइम में कवर कर लिया तो अब आप यहां से क्या चीज निकालोगे भाई आप एक चीज समझो कि आपका ट्वेंटी एट किलोमीटर का डिस्टेंस है ठीक है इसकी स्पीड कितनी है फोर्टी किलोमीटर पर आर भाई ये जो है फोर्टी किलोमीटर चलती है कितनी देर में वन आवर में मतलब सिक्सटी मिनट्स में तो अगर इसको ऑफिस जाना है तो इसको यूजुअल टाइम कितना लगता होगा 28 किलोमीटर के लिए तो आप बोलोगे 60 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 28 तो टोटल जो इसको नॉर्मल टाइम लगता है वो नॉर्मल टाइम इसको कितनी देर लगती है ऑफिस पहुंचने में 42 मिनट्स अब 42 मिनट्स इसके पास टोटल टाइम है जो नॉर्मल केसेस में लगता है अब इसने क्या चीज करी आपको बोला है टू जो डिस्टेंस है, तू थर्ड कितना? ट्वेंटी तो आपका हो जाएगा सिक्स बाई थ्री तो जो फिफ्टी सिक्स बाई थ्री डिस्टेंस है वो इसने कवर कर लिया कितनी देर में वो इसने कवर कर लिया वन थर्ड ऑफ द यूजल टाइम में तो वन थर्ड ऑफ द यूजल टाइम टाइम आपका कितना है फोर्टी टू है तो usual time का का कितना हो जाएगा? तो आपके चले गए। फिर वो एट के लिए रुक जाती है। तो eight minutes के लिए यहाँ पे रुक गई ठीक है। अब वो चाहती है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे तो डिस्टेंस बचा कितना है भाई आपको पता है one third distance बचा है। तो वन थर्ड डिस्टेंस कितना हो गया ट्वेंटी एट बाई थ्री और ये जो डिस्टेंस है उसे कितने मिनट में पूरा करना है क्योंकि आप चाहते हो कि ये अपने टाइम पे पहुंचे तो अपना टाइम फोर्टी टू 42 मिनट में से 14 8 इतने मिनट्स तो यहां चले गए तो इसके पास टाइम कितना बचा है तो आप बोलोगे सर जो टाइम बचा है दैट इज 42 22 विच इज 14 8 तो 42 22 कितना हो जाएगा 20 मिनट्स ठीक है तो अब हमें क्या स्पीड चाहिए होगी इसकी तो स्पीड इस के लिए हमें क्या करना है जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है व्हिच इज 28/3 और जो हमारे पास टाइम है व्हिच इज

15 के जी टेन परसेंट डिस्काउंट पे सेल किया एंड एक्सीडेंटली थ्री के जी जो शुगर है वो वेस्ट हो गई अब आपको रिमेनिंग शुगर इस तरह से प्राइस पे बेचनी है कि ओवरऑल आपका 15 परसेंट का प्रॉफिट हो ठीक है तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे मैंने कहा लेट से लेट से जो आपका सी पी ऑफ वन के जी शुगर है दैट इज रुपीज हंड्रेड आप कुछ भी मान सकते हो हंड्रेड मान लो एक्स मान लो टू हंड्रेड मान लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आपका टोटल सी पी कितना हो जाएगा क्योंकि आपने थर्टी फाइव के जी लिया है तो आपका टोटल सी सी पी हो जाएगा थर्टी फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव हंड्रेड आपका टोटल है, आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क वन केजी। आपने ट्वेंटी तो अब हमने क्या करा फाइव के जी जो है वो तो हमने इसी प्राइस पे बेचा तो लेट से हमारे पास कितना कितना पैसा आ गया तो हमने फाइव के जी तो इसी प्राइस पे बेचा वन ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज का रेवेन्यू आ गया उसके बाद फिफ्टीन के जी हमने टेन परसेंट डिस्काउंट पे बेचा तो वन ट्वेंटी रुपीज उसमें से टेन परसेंट डिस्काउंट कर दोगे ट्वेल्व रुपीज तो आपको कितने रुपए मिलेंगे वन जीरो एट रुपीज पर के जी तो यहाँ से मेरा कितना रुपीज आ जाएगा वन सिक्स टू जीरो और मेरा जो थ्री के जी है वो वेस्ट हो गया मतलब उससे जीरो रुपए मिलेंगे तो वो जीरो हो गया अब मुझे क्या चीज पता है कि जो मेरे पास रिमेनिंग शुगर बची है भाई मेरे पास कितनी चली गई फाइव के जी यहाँ गई फिफ्टीन यहाँ चलेगी थ्री यहाँ के जी चली गई तो ट्वेंटी थ्री के जी चला गया और टोटल मेरे थर्टी फाइव थी तो मेरे पास ट्वेल्व के जी शुगर बची है तो ट्वेल्व के जी शुगर को मैं किस प्राइस पे बेचूं कि मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो फिफ्टीन परसेंट हो जाए ठीक है तो लेट्स सी अब क्या करेंगे अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट हो तो आप क्या करोगे आपने कहा आपका टोटल सीपी है थर्टी फाइव हंड्रेड तो टोटल आपको एसपी कितना चाहिए आप बोलोगे थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टीन परसेंट आप चाहते हो आपका प्रॉफिट हो तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ तो तो आप आप बोलोगे और कितना कितना हो जाएगा तो चाहते से आपके पास सिक्स हंड्रेड आ गए आपके पास वन सिक्स टू जीरो आ गए तो आप कितने पैसे और चाहते हो तो आप बोलोगे जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई दैट इज इक्वल टू वन एट जीरो जीरो फाइव रुपीज आपके पास आए ये जो आपके पास कितने के जी बचे ट्वेल्व के जी तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास से दिस दिस इज इज एक्स एक्स तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करोगे अप्रोक्सी तो क्योंकि नियरेस्ट हमें निकालना है तो वो कुछ डेसिमल में आएगा लेकिन अगर आप नियरेस्ट वैल्यू देखोगे दैट इज वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी आपकी वैल्यू आ गई अब आपसे पूछा है कितने परसेंट से आपने मार्क प्राइस इंक्रीज किया है आपका मार्क प्राइस पहले था वन ट्वेंटी अब आप बेचोगे ये वाला क्वांटिटी 150 में तो आपने थर्टी रुपीज इंक्रीज किया तो थर्टी रुपीज इंक्रीज किया किस पे वन ट्वेंटी पे मल्टीप्लाई कर दोगे इंक्रीज तो कर दिया ताकि आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो फिफ्टीन परसेंट हो जाए ठीक है चलो जी लेट सी द्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलाईक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इन टू फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन टू फोर एफ

ठीक है क्योंकि एक्स की वैल्यू भी फाइव है वाई की वैल्यू भी यहाँ पे फाइव है तो एफ फाइव की वैल्यू फोर है तो फोर इंटू फोर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा एफ टेन का वैल्यू आ गया सिक्सटीन अब मैंने कहा एफ ऑफ माइनस फाइव कितना होगा ये मुझे पता नहीं लेट से ये वैल्यू एक के है ठीक है तो अगर ये वैल्यू के है तो अब मैं यहां से क्या डेरिवेशन कर सकता हूं मैंने कहा फंक्शन ऑफ फाइव को क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ माइनस फाइव प्लस टेन बाई टेन माइनस फाइव करोगे तो फाइव आ जाएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे सर इसका आउटपुट आएगा एफ माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई फंक्शन ऑफ टेन अब अगर मैं फंक्शन ऑफ फाइव देखूं उसकी वैल्यू मुझे पता है फोर है फंक्शन ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू मुझे पता नहीं है लेकिन फंक्शन ऑफ टेन की वैल्यू मुझे पता है सिक्सटीन है तो मेरे फंक्शन ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज फोर डिवाइड बाई सिक्सटीन विच मींस वन बाई फोर विच इज अ वैल्यू ऑफ के एस वेल जो हमने माना था तो फंक्शन ऑफ माइनस फाइव आपका वन बाई फोर हो जाएगा अब मुझे निकालना क्या है अब मुझे निकालना है फंक्शन ऑफ टेन तो अगर मैं फंक्शन ऑफ टेन निकालूंगा तो फंक्शन ऑफ टेन तो मुझे पता है सिक्सटीन आ गया फंक्शन ऑफ माइनस टेन मुझे निकालना है तो फंक्शन ऑफ माइनस टेन क्या होगा एफ ऑफ माइनस फाइव माइनस फाइव ठीक है बीच में प्लस लगा के माइनस फाइव है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ माइनस फाइव तो माइनस फाइव की वैल्यू आपको पता है कितनी है वन बाय फोर है तो वन बाय फोर इंटू वन बाई फोर दिस विल बिकम वन बाई अपना आंसर निकालना है फंक्शन ऑफ टेन माइनस फंक्शन ऑफ माइनस टेन तो फंक्शन ऑफ टेन का वैल्यू कितना है सिक्सटीन माइनस टेन वाले का कितना है 1 by 16, तो में से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट नाइन थ्री सेवन फाइव ठीक है इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से कर सकते हो कोई चैलेंज नहीं है ठीक है चलो जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अब यहाँ पे भाई मुझे क्या चीज गिवन है लॉग थर्टी टू द दूस फाइव बाई थ्री टू द बेस इज दू माइनस बी एंड लॉग ए टू द बेस इज दूस बाई थ्री फाइंड लॉग ए टू द बेस द्री तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा देखो भाई अगर मैं आपसे बोलू लॉग थर्टी टू द बेस दैट इज इक्वल टू ठीक दूंड लॉग फाइव बाई थ्री टू द बेस ए इज इक्वल टू माइनस बी अब अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस कर दू मान लो ये इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है मैंने कहा वन प्लस टू कर दू तो जब मैं वन प्लस टू करूंगा बिकॉज यहाँ पे लॉग का बेस ए कॉमन है दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी लॉग बेस इसका ए ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा इसको क्या कर सकता हूँ फिफ्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ फिफ्टी मुझे पता है ट्वेंटी तो आ जाएगा तो टू लॉग फाइव टू द्लस लॉग टू टू देश दिस इज इक्वल टू कितना दिस इज इक्वल टू माइनस बी ये मुझे चीज गिवन है अब मैं इसे फर्दर क्या करूंगा मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है लॉग ए टू द बेस टू की वन बाई थ्री है तो लॉग टू टू बेस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल दैट इज थ्री तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे दैट टू लॉग फाइव टू द बेस ए इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी अब अगर मुझे यहाँ से लॉग फाइव टू द बेस ए का वैल्यू निकालना है तो वो कितना हो जाएगा वो आपको पता है ये थ्री इधर जाके माइनस हो जाएगा ए माइनस बी माइनस थ्री एंड ये वाला टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन टू अब आपको गिवन क्या चीज है भाई हमें गिवन क्या है हमें ये चीज गिवन है दॉ फाइव बाई थ्री टू द बेस ए इज इक्वल टू माइनस बी करेक्ट अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ लॉक फाइव टू द बेस ए माइनस लॉक थ्री टू द बेस ए इज इक्वल टू माइनस बी तो यहाँ से मेरी लॉग थ्री टू द बेस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बोलोगे ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा लॉग फाइव टू द बेस ए माइनस बी प्लस बी प्लस बी हो जाएगा ये तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉग फाइव टू द बेस ए की वैल्यू क्या है दैट इज ए प्लस बी माइनस थ्री अपॉन टू करेक्ट ये माइनस है एंड देन आपका यहाँ पे प्लस का बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा टू बी यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी माइनस थ्री अपॉन टू लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है ये वैल्यू आपकी आई है लॉग थ्री टू द बेस ए की आपको वैल्यू निकालनी किसकी है आपको निकालनी लॉग ए टू द बेस थ्री की तो आपको जब लॉग ए टू द बेस थ्री की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टू डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस थ्री तो मेरा आंसर किसके इक्वल हो जाएगा मेरा आंसर इक्वल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री के इसमें आंसर इज ऑप्शन थ्री ये वाला क्वेश्चन है ट्राई करो पहले खुद पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को आपको दे रखा है ए एंड बी आर टू स्ट्रेट पॉइंट ऑन अ लाइन राम जो है वो ए से बी तक जाता है बी रहीम जो है वो बी से ए तक आता है जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं वन एंड फोर मिनट्स में तो अगर उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम स्पीड कितना है ठीक है तो भाई लेट से ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है ठीक है बीच में जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लेट से वो सी पॉइंट है ठीक है अब यहां से जो स्टार्ट हुआ ए से बी से वो कौन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ आपका राम और बी से स्टार्ट हुआ आपका लेट से राम की जो स्पीड है दैट इज एक्स किलोमीटर पर आर और बी की जो स्पीड है लेट से दैट इज वाई किलोमीटर पर आर अब अगर आप यहां से जहां पे ये पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अगर मैं बात करू एसी तो एसी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मैंने कहा इनिशियल टाइम मान लो इनिशियल टाइम जो है आपका जब एक दूसरे क्रॉस करते हैं दैट इज ठीक है तो टी आर्स हमने टाइम मान लिया तो अगर मैं आपसे ए सी कितना है तो ए सी आपका कितना हो जाएगा एक्स तो टी हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ बीसी टाइम कितना है रहीम इधर से इधर आया है रहीम की स्पीड वाई है और टी टाइम ही इसने ट्रेवल किया है तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा वाई टी अब अगर हम इसको कंपेयर करें भाई जो आपका राम है वो यहां से यहां तक पहुंचा है तो ये वाला जो डिस्टेंस है विच इज योर ये डिस्टेंस राम ने कितनी दिन में कवर किया है भाई राम की स्पीड है एक्स और राम ने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया आपको दे रखा है विद विद इन इन मिनट मिनट तो आप बोलोगे एक्स मल्टीप्लाई बाय बाई चेंज करने के लिए सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है वो रहीम ने कितनी देर में कवर कर लिया फोर मिनट में कवर कर लिया ये डिस्टेंस कौन सा ए तो ये वाला डिस्टेंस रहीम ने अपनी स्पीड से फोर मिनट में कवर किया तो वाई मल्टीप्लाई बाय फोर बाई सिक्सटी अब जब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे लेट से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई आपका आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई वाई ठीक है क्योंकि टी T से टी T कैंसिल हो जाएगा देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यह आ जाएगा आपका फोर वाई अपॉन एक्स ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर हमसे राम और रहीम की स्पीड का रेशो पूछा है तो एक्स 4 है तो अगर मुझे निकालना है 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 तो that will be 2. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ठीक आपके पास एक भी होता है. किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो जब भी ऐसा होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो चीज आप लिख लो अगर आपको फॉर्मुले से करना है तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड रेशो ऑफ स्पीड जो होता है रिक्वायर्ड ऑफ रेशीड्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ठीक है तो ये एक फॉर्मूला है जो हमने लॉजिक सीखा है उसी से फॉर्मूला डिराइव होता है ठीक है तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ठीक है तो दोनों को टाइम कितना लगता है वन एंड फोर लगता है इसका इनवर्स कर दो फोर और वन हो जाएगा और फोर और वन का क्या करना है आपको स्क्वायर रूट कर देना है तो आपका आंसर कितना आ गया two two, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो ठीक है चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स ईच ग्रेटर देन एंड ईच हैविंग ऑल फोर डिजिट डिस्टिंक्ट आर देयर विद सेवन कमिंग बिफोर सेवन नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है आपका जो सेवन है वो थ्री से पहले होना चाहिए और फोर डिजिट नंबर आपको सारे के सारे निकालने हैं तो मैंने कहा फोर डिजिट नंबर इस तरह से कुछ आएगा ठीक है अब इसके दो केसेस बन सकते पहले हैं पहले हम पहला वाला केस देखते हैं एक दो तीन चार चार जगह है यहाँ पे चार प्लेसेस हमने कहा पहला केस है जब सेवन यहाँ पे फिक्स्ड है सेवन आपका यहाँ पे फिक्स्ड है अब अगर सेवन फिक्स्ड है तो आपको जो थ्री है वो इन तीनों में कहीं भी आ सकता है भाई कंडीशन ये सेवन जो है थ्री से पहले होना चाहिए तो थ्री यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है तो थ्री के लिए टोटल कितने चॉइसेज है थ्री चॉइस है बाकी जो दोनों जगह है उस पर कोई भी नंबर आ सकता है बट डिस्टिंक्ट होना चाहिए टोटल हमारे पास टेन डिजिट्स होती हैं टेन में से एक सेवन यहाँ पे आ गया एट थ्री यहां पे आ गया जहां पे भी आए पर तीनों में से बाकी जो दो जगह बची उसके लिए डिजिट्स के बचे। भाई और थ्री को हटा तो एट डिजिट के लिए सेवन तो ये मेरे कितने आ गए ये मेरे आगे वन सिक्सटी एट केसेस ठीक है ये मेरा पहला केस है दूसरा केस मेरा क्या बनेगा मैंने कहा मेरा फोर्थ डिजिट का नंबर है ठीक है मेरी पहली पोजिशन पे सेवन नहीं है भाई अगर पहली पे सेवन नहीं है तो पहली पे थ्री भी नहीं हो सकता तो इस वाली जगह पे आपका सेवन भी नहीं आ सकता इस वाली जगह पे आपका थ्री भी नहीं आ सकता बिकॉज थ्री जो है वो सेवन के बाद ही होना चाहिए और पहली डिजिट पे आपका जीरो भी नहीं आ सकता क्यों क्योंकि डिजिट का नंबर बनाना है जीरो लग नहीं सकता तो इस पोजिशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे मेरे पास बचे टोटल सेवन ऑप्शन ठीक है अब मेरे पास जो थ्री है वो जो थ्री है और जो सेवन है उसकी पोजिशनिंग हमें ऐसे होगी कि सेवन ऐसे रहना चाहिए और थ्री ऐसे रहना चाहिए या फिर सेवन जीरो थ्री हो मतलब कहने का यह कि सेवन जो है थ्री से पहले होना चाहिए करेक्ट बात तो आपको जो सेवन और कहा सकता है या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है और तो कहीं आ नहीं सकता भाई और तो कहीं आ नहीं सकता सेवन और जो थ्री है वो सेवन के बाद आएगा तो मेरे पास तीन जगह है तो तीन जगह में मुझे सेवन और थ्री को प्लेस करना है तो मैं किस तरह से प्लेस कर सकता हूं थ्री सी टू अब थ्री सी टू कर दिया अब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इंटू टू से री नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं री कर दूंगा तो सेवन थ्री वाला एक केस काउंट हो जाएगा और थ्री सेवन वाला एक केस काउंट हो जाएगा और ये मुझे काउंट करना ही नहीं है मुझे सिर्फ सेवन थ्री वाला काउंट करना है तो मेरे पास तीन जगह है उसमें मुझे इन दोनों को फिट करना है, बचेगी, उस पे कोई भी आ सकती है। तो एक डिजिट तो आपकी यहाँ चली गई दो डिजिटल तो, तो, तो यह आपका कितना आ गया टोटल यह आपका टोटल आ गया 147. तो मेरे पास टोटल कितने नंबर्स ऐसे हो गए प्लस 147. माय आंसर इज इक्वल टू थ्री सो दिस इज माय करेक्ट आंसर क्लियर है कहानी चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ टेन स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोएस नाइन स्कोर इज फोर्टी द मीन ऑफ हाइएस्ट नाइन स्कोर इज फोर्टी द मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड्स द मिनिमम पॉसिबल मीन तो आपको भाई एवरेज निकालना है टेन स्टूडेंट्स का आपको लोएस्ट वाले नौ बच्चों का एवरेज दिया हुआ है हाईस्ट वाले नौ बच्चों का एवरेज दिया हुआ है अब आपको पूरे ग्रुप का मैक्सिमम मीन माइनस मिनिमम मीन को कैलकुलेट करना है चलो भाई लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन मैंने कहा लेट से एक्स वन आपका लीस्ट नंबर है देन मुझे ये दे रखा है कि एक्स टू से लेके एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर से कहा तक एक्स टेन तक अगर आप मीन निकालोगे तो टोटल नाइन वैल्यूज है तो वो मीन आपको फोर्टी सेवन दे रखा है तो इसका मतलब एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टेन तक आप जाओगे तो फोर्टी सेवन इंटू नाइन इनका फोर ट्वेंटी थ्री मैं बोल सकता हूं आपसे नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ फोर ट्वेंटी थ्री होगा ये ठीक है फोर ट्वेंटी थ्री इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या गिवन है आपको ये गिवन है कि फर्स्ट नाइन जो डिजिट्स हैं तो मतलब एक्स वन से लेके एक्स नाइन तक इनका जो मीन है एक्स वन Plus X2 plus X3, कहां तक 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 जो है तो 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 अगर मैं जाऊंगा तो तो आप क्या बोलोगे इन सब का जो समय दैट इज थ्री एट अब मुझे क्या निकालना है मुझे ये निकालना है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डिफरेंस है अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो भाई सारी वैल्यूज तो कॉमन है एक्स टू से लेके एक्स नाइन तक तो कॉमन है जो डिफरेंट है वो यहाँ पे x10 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में x1 है इसका मतलब ये जो इनका सम का भी डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस और कुछ नहीं है बट इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है तो आप बोलोगे ट्वेंटी थ्री सेवेंटी एट दिस इज इक्वल टू कितना दिस इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ठीक है तो ये मेरा फोर्टी फाइव हो गया तो अब मैं यहाँ पे क्या चीज बोल सकता हूं कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि एक्स वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स वन की मैक्सिमम वैल्यू एक्स तो वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई X1 की मैक्सिमम मैक्सिमम टू वैल्यू हो सकती है कैसे हो सकती है एक्स वन की वैल्यू फोर्टी टू मैक्सिम क्योंकि वो फोर्टी टू है और मैंने ये सारी की सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखी है अगर एक्स वन आपका फोर्टी टू से ऊपर हो गया इसका मतलब ये सारी वैल्यूज भी एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स एक्स ये भी फोर्टी टू से ऊपर जाएगी तो आपका मीन फोर्टी टू से ऊपर चला जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल तो एक्स वन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू फोर्टी टू हो है, तो अगर X1 की मैक्सिमम वैल्यू फोर्टी टू हो सकती है एक्स तो टेन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स टेन की मैक्सिम वैल्यू तो आपको पता है, है तो एट्टी सेवन तो तो आ गया, गया. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलू कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक्स टेन की मिनिमम वैल्यू तो अगर आप एक्स टेन की मिनिमम वैल्यू देखोगे दैट विल बी फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन क्यों होगा अगर फोर्टी सेवन से भी छोटा हो गया तो फिर सारी की सारी वैल्यूज इससे कम होती चली जाएंगी बिकॉज x10 आपका है, नहीं आ सकता सेवन होगा वो भी तब होगा जब सारी अदर वैल्यूज भी फोर्टी सेवन हम रख देंगे अलग अलग केसेज बनाएंगे बट फोर्टी सेवन से कम नहीं हो सकता ठीक है तो यहां पे अगर एक्स टेन की मिनिमम वैल्यू फोर्टी सेवन है तो एक्स वन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है X10 minus X1 equal to 45 है तो आपको पता है X10 कितना है आपका क्या करूंगा सम निकालूंगा तो अगर मैं सम निकालूंगा तो मुझे मैक्सिमम मीन का सम निकालना है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा एक्स टेन की एट्टी सेवन और इसकी ले लूंगा फोर्टी टू तो मेरा सम आ जाएगा ठीक है तो मेरे पास एक्स वन से लेके एक्स नाइन तक का सम है थ्री सेवनटी एट ठीक है जो मिनिमम है ऑलरेडी एंड एक्स टेन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी वो वैल्यू आपकी आ जाएगी एट्टी सेवन डिवाइड बाई टेन कर दोगे एवरेज निकालने के लिए तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा फोर सिक्स बाई टेन फोर्टी पॉइंट फाइव इधर से अगर आप देखोगे तो आपका मीन कितना आएगा आपका सम आएगा एक्स टू से लेके एक्स टेन का सम आपको पता है फोर ट्वेंटी थ्री है ठीक है तो फोर ट्वेंटी थ्री सम है और इसमें एक्स वन काउंटेड नहीं और एक्स वन की मिनिमम वैल्यू टू है डिवाइड बाई टेन कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा दैट इज फोर्टी टू पॉइंट फाइव आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना है

और ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते थे हम हम स्पेशल इक्वेशन निकाल लेते थे तो स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइनटी नाइन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई फाइव ठीक है अब मुझे ये देखना है एक्स की कौन सी वैल्यू पे वाई सेटिस्फाई कर रहा है सबसे पहले मुझे ये देखना है तो अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू वन रखूंगा तो नाइनटी नाइन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा नाइनटी और मुझे पता है सारी इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए फिर मैंने कहा एक्स की वैल्यू टू रखते हैं जब आप एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन्स टू इंट टू फोर दैट इज नाइन्टी फाइव नाइन्व डिवाइड बाई फाइफ कर दोगे तो वाई आपका हो जाएगा तो मुझे ये तो पता चलेगा कहां सेटिसफाई करेगा हाँ अभी मेरी बाकी कंडीशन सेटिसफाई हो रही है कि नहीं हो रही ये मुझे चेक करना है मुझे ये देखना है एक्स जो है वाई से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए यहाँ है क्या नहीं है तो ये मेरा आंसर वैलिड नहीं है बट अब हाँ, मुझे पैटर्न पता चल जाएगा अब यहाँ से अब मैं जितनी बार एक्स की वैल्यू फाइव से इंक्रीज करूंगा उतनी बार मेरी वाई की वैल्यू आती रहेगी

एक्स ट्वेल्व होगा वाई आपका फिफ्टीन होगा अभी भी हमारी कंडीशन नहीं पहुंची है अभी तक हम अपने कंडीशन पे नहीं पहुंचे हैं तो एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी एस की नेक्स्ट वैल्यू सेवनटीन होगी तो वाई क्या आएगा वाई आपका थर्टीन आएगा यहां पे पहली बार हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है क्यों क्योंकि एक्स शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इतनी देर तक वाई बड़ा था एक्स छोटा था तो ये सारी वैल्यूज काउंट नहीं होंगी यहां से हमारा आंसर बनना स्टार्ट हुआ अब यहां से आंसर बनाते बनाते हमें माइनस ट्वेंटी तक लेके जाना है तो अब आपको पता है एक्स की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी ट्वेंटी टू वाई आपको आ जाएगा इलेवन एक्स की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी ट्वेंटी टू प्लस फाइव ट्वेंटी सेवन वाई आपका हो जाएगा नाइन एक्स की जो वैल्यू होगी नेक्स्ट वो कितनी होगी थर्टी टू वाई आपका हो जाएगा सेवन एक्स आपका जो नेक्स्ट होगा विल बी आपका कितना हो जाएगा वाई विल बी इक्वल टू फाइव एक्स आपका नेक्स्ट होगा फोर्टी टू वाई आपका होगा थ्री आप डायरेक्ट भी बना सकते हो भाई थर्टीन से लेकर माइनस वन तक कितने होंगे उसके आगे कितने जाएंगे माइनस नाइनटीन तक मैं आपको सारे बना के दे रहा हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाए तो एक्स आपका फोर्टी सेवन वाई आपका हो जाएगा वन एक्स इक्वल टू फिफ्टी नाइन होगा फिफ्टी टू होगा फिर वाई आपको आ जाएगा माइनस वन ठीक है आपको वाई की वैल्यू कहां तक ले जा सकते हो माइनस ट्वेंटी से बड़ी होनी चाहिए ठीक है एक्स इक्वल टू फिफ्टी सेवन वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू वाई आपको आ जाएगा माइनस फाइव फिर आपका एक्स इक्वल टू सिक्सटी सेवन वाई इक्वल टू माइनस सेवन इसके बाद क्या होगा एक्स की वैल्यू सेवनटी टू वाई की वैल्यू माइनस नाइन फिर एक्स की वैल्यू सेवनटी सेवन वाई की वैल्यू माइनस इलेवन फिर एक्स की वैल्यू एट्टी टू वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस थर्टीन एक्स की वैल्यू एट्टी सेवन वाई की वैल्यू माइनस फिफ्टीन एक्स की वैल्यू 92, टू वाई का वैल्यू माइनस सेवनटीन फिर एक्स का वैल्यू 97, सेवन वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस नाइनटीन इसके बाद एक्स का वैल्यू होगा वन जीरो टू बट वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन तो ये हमारी कंडीशन को अवॉइड कर रहा है क्यों क्योंकि हमारी वाई और एक्स दोनों की वैल्यू माइनस ट्वेंटी से ओपन होना चाहिए तो ये नहीं करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लो कितनी है तो ऑफ इंटीजर हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे ठीक है आपको मैंने सारे बना के दिखाए हैं आपको पता है एपी की फॉर्म में चल रहे हैं तो आप थर्टीन से माइनस नाइनटीन तक डायरेक्ट जाके भी काउंट कर सकते हो कितनी एन की वैल्यू है ठीक है चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ

जो आपका राइट हैंड साइड है उसको अगर आप एक्स से डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर वन रह जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायेर और यहां पे करोगे दैट इज एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये मेरा आ जाएगा अब यहां से मुझे क्या चीज पता है वही वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कौन सा कॉन्सेप्ट दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तो मुझे ये पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ठीक है ये कौन सी थ्योरम से आता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर टू ज्योमेट्रिक मीन तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर दू, तो मैं अगर कर दू, तो, x x square, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा ठीक है तो अब जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आई है ये वाली जो वैल्यू है ये इसी तरह का दिख रहा है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ माई वाई स्क्वायर जो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल रहा हूँ लेस देन इक्वल टू वन बाय टू तो मेरा वाई कितना हो जाएगा वाई विल इक्वल टू कैसे होता है, than mean, which is A, B. ठीक है? चलो जी लेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या करें फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल फॉर पेंडिकुल्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल ठीक है तो मैंने कहा गया हो बी एबीसी. अब क्या चीज देखिये परपेंडिकुलर बनाते हैं तीनों साइड पे ठीक है लेट से तो इस पॉइंट से हमने बनाई तो हमने इधर एक परपेंडिकुलर बना दी इधर एक परपेंडिकुलर बना दी और इधर एक परपेंडिकुलर बना दी तो मैंने कहा ये आपका 90 डिग्री हो गया ये आपका 90 डिग्री हो गया एंड यह आपका 90 डिग्री हो गया लेट से दिस पॉइंट इज पी लेट से तो अगर ये पॉइंट पी है तो मैंने इनको भी कनेक्ट कर दिया ए पी मैंने कनेक्ट कर दी पी पी को कनेक्ट कर दिया और सी पी को कनेक्ट कर दिया ठीक है तो अब आपको क्या चीज दे रखी है द सम ऑफ लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज एस तो मैं क्या बोलूंगा जो मेरी लेंथ है पी डी इनको नाम दे देते हैं भाई मैंने कहा ये डी है दिस इज ई एंड दिस इज एफ तो मैंने कहा पी डी प्लस पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू एस होगा करेक्ट है अगर मुझे एरिया निकालना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ए बी सी का तो अगर मुझे ट्राइंगल पूरे एरिया का निकालना हो इस पूरे ट्राइंगल का तो वो क्या हो जाएगा भाई दैट विल बी 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 इक्वल टू हाफ 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 ऑफ 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 ए ए ए पी पी ई ई बीवल क्यों करा भाई ये वाला ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल ए पी बी है प्लस कर दोगे उसमें एरिया पी बी सी का प्लस कर दोगे ए पी सी का तो आपका ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा तो एरिया का फॉर्मुला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट सिमिलरली मैं दूसरे ट्राइंगल का एड करूंगा तो हाफ इंटू ये वाला जो ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताया तो उसका बेस है बीसी और उसका हाइट है कितना पी डी प्लस हाफ इंटू एसी इंटू पी एफ ठीक है अब मुझे ये पता है दैट ट्राइंगल जो है वो है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी एक्विलिटर ट्राइंगल की क्या होती है इक्वल होती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस पूरे को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे ए बी ए बी ए बी आ जाएगा तो आप बोलोगे हाफ और तीनों में ए बी आपका कॉमन आ गया तो ए बी कॉमन आ गया ब्रैकेट में पी डी प्लस पीई प्लस पी एफ हो जाएगा और मुझे पता है पीडी प्लस पीई प्लस पी एफ इक्वल टू एस है तो आप बोलोगे हाफ ए बी इन टू एस के इक्वल हो जाएगा ये ठीक है अब मुझे साथ में ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है वो होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर तो आप बोलोगे A, A, आपने से निकाला है, तीनों का स्क्वायर तो आप तो आपकी एबी की लेंथ आ गई टू बाई रूट थ्री ऑफ एस अब आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है आपको निकालना है एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा हाफ क्योंकि आपको एस की में बताना है तो इस वाली वैल्यू में आप ए बी की वैल्यू पुट कर दोगे तो हाफ इन टू ए बी की वैल्यू कितनी है टू आपका एस ठीक है और यहां पे भी एस आएगा तो अब यह आपका फाइनल वैल्यू कितना आ गया टू से टू कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया एस स्क्वायेर बाय थ्री तो मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी एस स्क्र बाई रूट थ्री क्लियर है कहानी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स

बात हम सबको पता है अब अगर मैं यहां पे 96 के फैक्टर्स करूं तो मेरे 96 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे 96 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई 48 एट इंटू टू हो सकता है 32 टू इंटू थ्री हो सकता है मेरा 24 फोर इंटू फोर हो सकता है देन मेरा 16 इंटू सिक्स हो सकता है एंड मेरा ये 12 इंटू एट हो सकता है ठीक है तो 96 के फैक्टर्स हो गए अगर मैं ए बी के फैक्टर्स करूँ तो ए बी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई अगर मैं यहां पे देखूं मेरा क्या होना चाहिए जो डिफरेंस है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर में वो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए तो फोर थर्टी टू के जब सारे फैक्टर्स करोगे तो हमें पता है जो मिनिमम डिफरेंस है वो कहां पे है जब आप इसको एटीन इंटू ट्वेंटी फोर लिखोगे भाई सारे फैक्टर्स लिखोगे उसमें डिफरेंस ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो लार्जर नंबर है वो ट्वेंटी फोर है बी वाला मेरा एटीन है मैं चाहता हूँ इनका सब मिनिमम हो तो इनके बीच में डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए इसलिए ट्वेंटी फोर इंटू एटीन वाला फैक्टर लिया है अब जब मेरा ये फैक्टर हो गया तो इसमें ए बी सी की क्या वैल्यू होगी भाई देखो 18 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कहीं भी 18 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये ए की वैल्यू होगी क्यों क्योंकि बी बी दोनों में कॉमन है है अब B की वैल्यू अगर 24 है, तो यहां पे ये वाली वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ट्वेंटी फोर इंटू फोर है तो ये बी हो जाएगा ये सी हो जाएगा तो सी का वैल्यू कितना हो गया सी का वैल्यू फोर हो गया और हमें पता भी है सी हैज टू बी लेस देन नाइन और मुझे ये क्या करना है मिनिमम करना है तो ए प्लस बी प्लस सी को प्लस कर दो एटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस फोर तो मेरा आंसर कितना आ गया मेरा आंसर आ गया 46। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर मेरे को जो अप्रोच याद रखनी थी इस क्वेश्चन में वो ये याद रखनी थी कि सर अगर मैं किन्नी भी दो वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू चाहता हूं सम करके तो उनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए लेट से अगर आप फोर थर्टी टू के और फैक्टर्स करते तो फोर थर्टी टू के और फैक्टर्स करते तो जो भी फैक्टर्स होते उनमें डिफरेंस बढ़ता रहता तो जो मिनिमम डिफरेंस था वो एटीन इंटू ट्वेंटी फोर पे था तो ये वैल्यूज हमने करी और इन वैल्यूज को मैच करा हमने बीसी वाली वैल्यूज से ट्वेंटी फोर इंटू फोर एंड इसको हमने कंसिडर करा ठीक है।, है चलो भाई लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब हमें क्या दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्वेंटी फाइव परसेंट जो जनता है वो लिटरेट्स है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो लिटरेट है वो यंग है तो ये बताओ कि कितने परसेंटेज ओल्ड पीपल है जो इलिटरेट है ठीक है तो ये हमें बताना है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं लेट से मैंने कह दिया जो टोटल लोग है इस ग्रुप में लेट से टोटल पीपल हंड्रेड है तो अगर टोटल पीपल हंड्रेड है तो पीपल हुआ ट्वेंटी एट हो जाएंगे अगर मैं आपसे पूछू लिटरेट पर्सन लिटरेट पर्सन तो हमें ये पता है कि लिटरेट पर्सन है नंबर ऑफ लिटरेट हुआ ठीक है नंबर ऑफ हु आर यंग तो भाई वो डेटा भी आपको गिवन है कितना गिवन है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लिटरेट्स आर यंग ट्वेंटी फाइव परसेंट यंग है तो ट्वेंटी तो हो जाएगा दैट विल फोर ऑफ सिक्सटी फाइव हम कर देंगे हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है अब अगर आगे देखोगे तो क्या है भाई लिटरेट लोग हमें पता है सिक्सटी फाइव है तो इलिटरेट कितने हो गए इलिटरेट तो आप बोलोगे सर इलिटरेट हो गए थर्टी फाइव इलिटरेट हो गए अब आपसे जो चीज पूछी है उसके लिए हमने ये निकाल हुआ यंग. तो वो आ गया, अब मैं सकता हूं कि जो रिमेनिंग यंग है वो इलिटरेट हुए तो अगर मैं आपसे पूछू नंबर ऑफ इलिटरेट यंग हमें पता है टोटल यंग है ट्वेंटी उसमें से लिटरेट है 16.25 तो 28 माइनस 16.25 दिस इज इक्वल टू कितना दिस इज इक्वल टू 11.75 तो 11.75 यंग लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं तो टोटल इलिटरेट लोग 35 हैं तो इलिटरेट ओल्ड कितने हो गए ओल्ड इलिट्रेट्स तो आप बोलोगे सर तो टोटल इलिटरेट लोग हैं 35 उसमें से 11.75 यंग हैं तो ओल्ड इलिट्रेट्स आपके हो गए 23.25 अब हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज निकालना है।, तो है तो आप क्या बोलोगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाय टोटल इलिटरेट लोग मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वैल्यू इज इक्वल टू कितना कितेंट माई आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री क्लियर है बात भाई अच्छा क्वेश्चन था बट हा आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था ठीक है चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला सर्कल इज इन अ रोम्बस विद डायनल ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर वॉट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ रॉम्बस ठीक है तो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर्कल जो एक के है एक रोम्बस है ठीक तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूं ये मेरा रोम्बस बन गया इसके बीच में मेरा क्या है इस तरह से मेरा सर्कल है ठीक है अब मैंने इसको भाई नेम दे दिया ए बी सी डी ठीक है ये मैंने यहाँ पे रोम्बस की डायगनल्स बना दी है और ये मेरा सेंटर हो गया है ठीक है अब भाई आपको क्या करना है एरिया निकालना है सर्कल का और एरिया निकालना है रोमबस का ठीक है तो रोमबस का एरिया क्या होता है रोमबस का एरिया आपका होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू आपके दोनों डायगेल्स की लेंथ गिवन है कोई टेंशन वाली बात नहीं है मतलब रोम्बस का एरिया तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं भाई अब आपको ये पता है एक डायगनल ट्वेल्व है और एक डाइंगल सिक्सटीन है तो मैं क्या करूंगा भाई मुझे पता है जो रोम्बस की डायगनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो ये सिक्स हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा ये एट हो जाएगा और ये एट हो जाएगा ठीक है मान लो मैंने यहाँ से रेडियस बना दी ये रेडियस है ये मैंने एक पॉइंट बना दिया रेडियस और अगर रेडियस जाती है बाहर एक टेंजेंट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया मैंने कहा ये वाला लेट से दिस इज x तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता है ये आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से ये आपको पता है 90 डिग्री होता है ये 90 डिग्री होता है तो आपकी एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी आपको पता है एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर दैट इज थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर तो एडी मेरा कितना आ गया एडी स्क्वायर मेरा हंड्रेड आ गया एडी मेरा टेन आ गया तो अगर ये मेरा टेन आ गया तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो टेन माइनस एक्स करेक्ट है यहां तक बात अब क्या करेंगे आगे भाई अब मुझे क्या करना है अब मुझे ये पता है अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखू लेट से इसको मैंने ई बोल दिया ठीक है तो अगर मैं ट्राइंगल ए, ए ओ की बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है तो आपको आप पाइथोग लग जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये जो रेडियस है दिस इज आर तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर सो so, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन मेरी ये बन गई अगर मैं दूसरा ट्राइंगल देखूँ ट्राइंगल आपका डी ई ओ तो यहाँ पे मेरी पाइथागोरस कैसे लगेगी मेरा है टेन माइनस एक्स का साइड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट का स्क्वायर ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा क्या आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगा कितना थ्री पॉइंट सिक्स तो आपकी एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स आ जाएगी तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स आ गई तो उसको आप यहाँ पे पुट कर दो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आर मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर थ्री पॉइंट सिक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स था तो मेरा आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर मेरा आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थ्री पॉइंट सिक्स का स्क्वायर ठीक है सो दिस इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर विल बी एक थ्री पॉइंट जीरो फोर तो मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर आ गया एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है मेरे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी है आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर यहाँ मैंने पाई लिख दिया ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मुझे पता है रेशो निकालना है मुझे सर्कल के एरिया का और रोम्बस के एरिया का तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालता हूं एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है हाफ डी वन इंटू डी टू तो हाफ डी वन इंटू डी टू कितना हो जाएगा हाफ एक डाइंगल की लेंथ है ट्वेल्व दूसरी डाइंगल की लेंथ है सिक्सटीन तो मेरा ये टोटल कितना आ गया नाइनटी सिक्स तो यह मेरी नाइन्टी सिक्स वैल्यू आ गई अब मुझे निकालना क्या है इनका रेशो ऑफ एरियाज तो रेशो ऑफ एरियाज कितना होगा तो रेशो ऑफ एरियाज इनका हो जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर पाई अपॉन नाइन्टी सिक्स इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना रह जाएगा ये रह जाएगा सिक्स पाई बाय ट्वेंटी फाइव तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर टू ये डेसिमल हटा देना नीचे दो जीरो आ जाएंगे फिर इनको कट करते रहना सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव आपका रह जाएगा ठीक है चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर ही गिव्स हाफ ऑफ ऑफ टोटल स्टॉक एंड वन एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग अलॉन्ग वन एक्स्ट्रा टू द सेकेंड एंड कंटिन्यूस टू गिव अवे इन दिस फैशन उनका टोटल स्टॉक खत्म हो जाता है आफ्टर फाइव तो टोटल टॉफी हमारे पास कितनी थी ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है भाई इस क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करेंगे आपको ये पता है जब वो फिफ्थ चिल्ड्रन को टॉफी देता है तो उसका टोटल स्टॉक खत्म हो जाता है साथ में मुझे क्या चीज पता है वो किस मैनर में टॉफी देता है वो हाफ ऑफ टोटल स्टॉक देता देता है देता है प्लस एक्स्ट्रा तो जो फिफ्थ स्टूडेंट रहा होगा उसको कितनी टॉफी मिली होंगी भाई उसको टोटल टू टॉफी मिली होंगी कैसे मैंने बोला टू टॉफी मिली होंगी क्यों क्योंकि जब टू टॉफी होंगी तभी इसने टू की हाफ मतलब वन प्लस वन एक्स्ट्रा फिफ्थ वाले को दी होगी और इसकी टॉफी जीरो हो गई एग्जॉस्ट हो गई ठीक है तो ये आपने टू वाली वैल्यू निकाल ली अब हमें क्या करना है अगर मैं फोर्थ किट की बात करूं तो फोर्थ किट के पास कितनी टॉफी रही होंगी भाई फोर्थ वाले के पास कितनी टॉफी रही होंगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा टू प्लस वन इंटू टू बिकॉज हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा टोटल टॉफी कितनी हो जाएगी सिक्स अब आप कॉमन सेंस लगाओ फोर्थ वाले के टाइम सिक्स रही होंगी तो फोर्थ वाले को सिक्स की हाफ मतलब थ्री प्लस वन टॉफी दे दी होगी एंड बची कितनी टू ट्रॉफी बच गई जो फिफ्थ वाले को दी अब मैं और रिवर्स चलूंगा तो थर्ड चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी रही होंगी तो आप बोलोगे सिक्स प्लस वन इंटू टू इंटू टू इसलिए हाफ दे रहे हैं और एक टॉफी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्लस वन कर दिया तो ये टोटल कितनी टॉफी हो गई सेवन इंटू टू फोर्टीन तो फोर्टीन टॉफी रही होंगी जब थर्ड वाला चिल्ड्रन को टॉफी मिली होंगी इसमें से इसकी हाफ दैट इज सेवन प्लस वन दे दी एट ट्रॉफी और सिक्स बच गई फोर्थ वाले पे तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी करते जा सकते हो ठीक है अब हम सेकंड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो सेकंड चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी रही होंगी इनके पास इनके पास रही होंगी तो थर्टी तो तो में 16 गई, 14 बच गई। अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट चिल्ड्रन पे तो फर्स्ट चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी बची होंगी तो आप बोलोगे थर्टी प्लस वन इंटू टू तो वो कितना आ गया वो आपका आ गया थर्टी वन इंटू टू सिक्सटी टॉफीस क्रॉस चेक करना है तो 62 की हाफ कितनी होती है 31 प्लस 1 32 टॉफी चली गई तो 62 32 आपका बच गया 30 तो इसका मतलब स्टार्टिंग में टोटल कितनी टॉफीस थी जेंटलमैन के पास 62 टॉफीस थी क्लियर है कहानी चलो जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए बी एंड सी बी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी एंड सी इज 5 इन एडिशन द सम ऑफ बी

दूसरी चीज मुझे क्या दे रखी है तो यहां से मेरी equation क्या बन गई? 2B plus A plus C is equal to 14. अब अगर हम इन दोनों को solve करें, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं और सेकेंड में से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूं तो सेकेंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई यहां से आप देख पा रहे हो ये आपका क्या बच गया बी माइनस ए इक्वल टू फोर क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी ठीक है अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन बी माइनस ए इक्वल टू फर्स्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सिट्यूट करता हूँ ये वैल्यूज है ना तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं डालूंगा तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है टू बी टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी तो यहाँ से आप देखोगे तो बी की वैल्यू क्या है प्लस फोर है टेक्निकली तो यहाँ पे आपने कहा टू ए प्लस बी की जगह दिया ए प्लस फोर प्लस सी इज इक्वल टू टेन से मेरा क्या गया? 3A C 6. अब यहां पे मुझे ये पता है कि बी प्लस क्या है तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी ए की वैल्यू क्या हो सकती है ए की वैल्यू वन हो सकती है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर ए की वैल्यू आप कोई भी और रख लोगे तो अगर आप ए की वैल्यू लेट से टू रखिए क्योंकि पॉजिटिव रखनी है वन के अलावा आप टू रखोगे तो अगर आप यहाँ टू रखोगे तो थ्री इंटू टू कितना सिक्स हो, हो जाएगा और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने जरूरी है तो ए की वैल्यू आपकी वन होगी अगर ए की वैल्यू आपकी वन होगी तो आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है बी माइनस ए इक्वल टू फोर है यहाँ पे बी माइनस वन इक्वल टू फोर तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बी की वैल्यू मेरी आ गई फाइव अब मुझसे पूछा गया मुझसे पूछा ए प्लस बी का सम कितना है तो वन प्लस क्या हो गया मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ठीक है चलो आपसे बोला का सोल्यूशन है जिसमें डाई है और वॉटर है इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू इंस टू थ्री वॉटर को एड किया गया सोल्यूशन में टू चेंज द प्रोपोर्शन टू टू इंस टू फाइव इफ वन फोर्थ ऑफ दिसन इज टेकन आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड to the remaining solution to bring the proportion back to 2 is to 3 ठीक है अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो भाई इनिशियली मुझे पता है जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितने लीटर का है 40 लीटर का है तो मेरा 40 लीटर का ये सॉल्यूशन हो गया अब 40 लीटर का जो सॉल्यूशन है वो किस रेशो में है डाई और वाटर तो आपकी डाई और वाटर टू इज टू थ्री के रेशो में है तो टू इज टू थ्री के रेशो में है तो कितना हो जाएगा टू बाई फाइव इंटू फोर्टी दिस इज इक्वल टू लीटर एंड दिस इज थ्री बाई फाइव इन टू फोर्टी दिस इज इक्वल टू 24 फोर लीटर अब आपने कहा आपने वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करके आपने जो प्रपोर्शन है वो टू इजू फाइव बना दिया मतलब अब जो डाई और वाटर का नया प्रोपोर्शन है वो कितना हो गया टू इज टू फाइव मतलब पहले आपकी डाई सिक्सटीन लीटर थी अभी भी सिक्सटीन लीटर ही है क्योंकि ये वाला रेशो टू ही है लेकिन आपका जो वाटर है वो ऐड हो गया है और वो वाटर एड होके फाइव पे पहुंच गया है तो आप क्या बोलोगे भाई आप ये बोलोगे कि अगर ये सिक्सटीन लीटर पहले था अभी भी सिक्सटीन लीटर है तो ये फाइव की वैल्यू कितनी रही होगी तो भाई अगर टू की वैल्यू सिक्सटीन है तो वन की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन बाई टू और फाइव की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन बाई टू इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू फोर्टी लीटर तो अब जो आपका वाटर है फोर्टी लीटर है पहले वाटर कितना था पहले वाटर था ट्वेंटी फोर लीटर तो कितना आपने वाटर ऐड किया है New water added कितना हो गया तो आप बोलोगे न्यू वाटर एडेड हो गया लीटर लीटर क्योंकि 24 तो पहले से डायल्यूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट अब आपने इसमें से वन फोर्थ आउट कर दिया तो वन फोर्थ आउट कर दिया वन फोर्थ रिमूव्ड तो मेरा टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का है फोर्टी लीटर प्लस सिक्सटीन लीटर फिफ्टी सिक्स लीटर का तो 56 का वन फोर्थ कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे फिफ्टी सिक्स का वन फोर्थ हो गया आपका फोर्टीन लीटर तो फोर्टीन लीटर आपने निकाल लिया अब ये जो फोर्टीन लीटर निकला होगा ये इसी रेशो में निकला होगा जिस रेशो में प्रेजेंट था भाई किस रेशो में प्रेजेंट था ये टू इंस टू फाइव के रेशो में प्रेजेंट था तो टू इंस टू फाइव के रेशो में ही आपका डाई निकला होगा तो आपका डाई कितना निकल गया और वाटर कितना निकल गया भाई टू इंस टू फाइव करोगे तो कितना हो जाएगा भाई फोर लीटर आपका डाई हो गया और टेन लीटर आपका वाटर हो गया इतना आपका सॉल्यूशन निकल चुका है तो अब जो आपका सॉल्यूशन बचा उसमें आपका कितना डाई बचा और कितना वाटर बचा रिमेनिंग सॉल्यूशन में डाई इज टू वाटर कितना रह गया आपका सिक्सटीन लीटर था उसमें से फोर लीटर डाई चला गया तो ट्वेल्व लीटर बचा फोर्टी लीटर आपका वाटर था उसमें से टेन लीटर चला गया तो थर्टी लीटर बचा अब आप चाहते क्या हो आप चाहते हो कि ये रेशो आपका टू इज थ्री में चेंज हो जाए आप क्या चाहते हो टू इंस टू थ्री में चेंज हो जाए और आप एड क्या करोगे आप डाई एड करोगे तो डाई एड करोगे इसका मतलब वाटर जितना था उतना ही रहेगा तो वॉटर आपका थर्टी लीटर था थर्टी रहेगा और आप चाहते हो टू इंस टू थ्री हो जाए तो टू इंस टू थ्री हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू इंस टू थ्री बनाने के लिए भाई अगर ये थ्री है और ये टू है तो ये भाई अगर थ्री है और थ्री की वैल्यू थर्टी है तो टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी लीटर तो इसका मतलब आपको फाइनल ट्वेंटी लीटर की डाई चाहिए अभी कितनी है ट्वेल्व लीटर तो नई डाई कितनी एड करनी पड़ेगी एट लीटर तो आप क्या बोलोगे जो आपने नई डाई एड करी वो कितनी करी करी वो आपने लीटर लीटर ऑफ डाई हैज़ बी क्लियर है कहानी तो अच्छा क्वेश्चन था लॉजिकल क्वेश्चन था लेकिन अगर आपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है इन मार्च टू ई एफ पब्लिक लाइब्रेरी परचेज द टोटल बुक्स ऑफ

नहीं कुछ नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एकदम से आसानी से हो जाएगा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हमें दे रखा है टोटल 15 न्यू बुक्स है जो पब्लिश हुई और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 4500 लगा तो एवरेज निकाल सकते हो एवरेज ऑफ 15 बुक्स का एवरेज कितना है भाई 4500 टोटल बुक्स खर्च हुए पैसा खर्च हुआ और 15 बुक्स आई तो हर बुक का एवरेज निकल के आ गया 300 ठीक है अब वो ये कह रहा है कि एम वाली जो बुक्स है और जो यूवी वाली बुक्स है ठीक है वो उसपे कुछ रिलेशनशिप दे रखा है तो एज्यूम कर लेते हैं हम क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई अब ये मान लेते हैं कि जो एवरेज प्राइस था लेट एवरेज प्राइस ऑफ थर्टीन बुक्स फ्रॉम एम एन जो हमने एम एन से बुक्स ली है वो मान लो एवरेज कितना है वो मान लो ए एवरेज फॉर एग्जाम्पल तो अगर ए एवरेज है तो हमारे सामने रिलेशन क्या दिया रिलेशन समझो

तो का वैल्यू टू फिफ्टी निकल गया एक बुक का वैल्यू टू फिफ्टी है तो टोटल टोटल प्राइस कितना हो गया टोटल प्राइस और बुक्स कितना हो गया? भाई एवरेज टू फिफ्टी टोटल बुक्स ली थी तो टोटल आ गया टू फिफ्टी टू थर्टीन तो टू फिफ्टी टू थर्टीन कितना आ गया थ्री टू फाइव जीरो रूपीज थ्री टू फाइव जीरो की बुक्स है और हमसे बोला है कि ये बताओ कि यूवी वाली बुक्स तो मतलब थर्टीन बुक्स का प्राइस आ गया थ्री टू फाइव जीरो तो रिमेनिंग प्राइस जो बच्चा वो किसका होगा वो वही वाली दो बुक्स होंगी जो हमने यूबी से लिए तो रिमेनिंग प्राइस ऑफ टू बुक्स फ्रॉम यूवी पब्लिशर तो ये कितना होगा फाइव थाउजेंड कितना फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस थ्री टू फाइव जीरो तो फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस थ्री टू फाइव जीरो किया तो ये कितना आ गया रुपीज वन टू फाइव जीरो तो इन दोनों बुक्स की जो वॉल्यूम जो कॉस्ट होगी वो मिला के वन टू फाइव जीरो होगी अब आप ऑप्शन देखो ऑप्शन में क्या कोई भी सेट हो रहा है 900, 600, 600, 4000 सिक्स हाँ ये वाला ऑप्शन सेट हो रहा है 750 और 500 ठीक है मैं चाहूं तो यहां टिक कर सकता हूं लेकिन मुझे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है हो सकता है भाई कोई और वैल्यू हो 750 फिफ्टी और फाइव ना हो नन ऑफ दीज तो इसको मैं देख लेता हूं आगे क्या कह रहा है आगे वो ये कह रहा है कि ऑफ द टू बुक्स ऑफ भाई अब जो दो बुक्स है इन दोनों का प्राइस मान लो एक्स और वाई लेट द प्राइज ऑफ बुक्स फ्रॉम यूवी बी एक्स एंड वाई तो एक्स और वाई मैंने दोनों बुक का प्राइस मान लिया और हमें रिलेशनशिप दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कि वन थर्ड इज इक्वल टू एक बुक का हाफ एक तो एक्स बाय थ्रीवल टू वाई बाई टू ये मुझे रिलेशनशिप दिया हुआ है और साथ में मुझे ये भी पता है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा वन टू फाइव जीरो है और ये दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन में जब मैंने सोल्व किया तो भाई मेरी जो एक्स तो मेरी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई तो मेरी एक्स की वैल्यू यहां से बन के आ गई है सेवन फिफ्टी और वाई की वैल्यू बन के आ गई है फाइव हंड्रेड तो इसका मतलब मेरा ये ये जो मैं मैं सोच रहा था सही था सही तो ऑप्शन से मैं टिक कर देता अगर मान लो मेरे पास चौथा ऑप्शन और होता उनका सम वन टू फाइव जीरो नहीं होता भाई मुझे ये पता है कि यूवी की जो दोनों बुक्स थी उनका जो सम है डेट इज वन टू फाइव जीरो तो भाई ये मुझे दे रखा है और साथ में मुझे दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि एक बुक का जो प्राइस है उसका वन थर्ड इक्वल टू है दूसरी बुक के एक्स बाई थ्री इक्वल टू वाई बाई टू रख दिया दो वेरिएबल हैं दो इक्वेशन हैं इन दोनों को सॉल्व करा तो भाई मेरी एस की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई तो एक बुक की ली थी से और दूसरी बुक फाइव हंड्रेड की थी ठीक है भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन इसको एक बार और देख लेना भाई क्वेश्चन की लेंथ देख के क्वेश्चन से नहीं डरना है क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर सिन्हा रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बाय विनिंग अ लॉटरी कंटेस्टेंट उसके बाद वो तो कह रहा है उन्होंने 40 परसेंट से व्हीकल ले लिया फिर उसने 20 परसेंट जो था रिमेनिंग अमाउंट का वो अपने बच्चों को दे दिया दो बच्चे थे उसके और ऐसे ऐसे करके तो ठीक है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करेंगे टोटल मान लो जो भाई इनको पैसा मिला था वो मिला था हंड्रेड एक्स में से इन्होंने फोर्टी एक्स तो करो तो वीकल ले लिया 40X का व्हीकल ले लिया तो बच्चा कितना इनके पास इनके पास बच्चा 60X. इस 60X में से इन्होंने 20, 20 अपने दो बच्चों को दे दिया लिखा हुआ है ईच ऑफ सन तो 60 का 20 परसेंट कितना होगा 12x तो 12x एक सन को दे दिया और 12x एक सन को दे दिया तो बच्चा कितना इनके पास 60 24x बच्चा इनके पास 36x इसके बाद दे रखा है कि जो इनके पास पैसा बचा उसका हाफ जो पैसा उन्होंने रेनोवेशन में लगा दिया तो भाई 36x का 18x जो है वो इन्होंने किस में लगा दिया रेनोवेशन में तो बच्चा कितना 18x और इस 18x में से 1/4 जो है इनका वो उसका एलसीडी टीवी ले लिया तो 1, कितना होगा होगा का half हो 9 और half का 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 होगा होगा कितना होता है 18 का by हो तो इन्होंने इन्होंने क्या ले लिया? LCD ले लिया लिया और बाकी जो तो बचा कितना बचा थर्टीन पॉइंटिट कर दिया बैंक तो हमारे हिसाब से है इस की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी देखिए थाउजेंड तो आपको निकालनी किसकी है हंड्रेड एक्स टोटल जो इन्होंने पैसा जीता तो हंड्रेड एक्स कितना बच्चों 10 आंसर हो गया ठीक है क्लियर हुआ क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम भाई पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जा रहा है ठीक है भाई आओ अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा था एमआरपी ऑफ अ प्रोडक्ट इज सिक्सेंट अब इट्स कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय अ रिटेलर हु हुई ऑन हिज परचेज प्राइस व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मैनुफेक्चर रिटेलर और रिटेलर जो आपको डिस्काउंट देता है वो देता है दस परसेंट का ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हंड्रेड है? है तो एमआरपी तो कितना हो जाएगा भाई सिक्सटी परसेंट अब एमआरपी लगाता है तो एमआरपी हो जाएगा रुपीज वन सिक्सटी वन सिक्सटी का एमआरपी हो जाएगा और वो टेन परसेंट का जो है रिटेलर को डिस्काउंट देता है तो टेन परसेंट का डिस्काउंट अगर देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा रिटेलर का सेलिंग प्राइस कितना जाएगा सेलिंग प्राइस रिटेलर आपका आ गया 160 में से 10% परसेंट माइनस हो गया तो आपका आ गया 144 अब ये जो 144 है इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% परसेंट का प्रॉफिट हो, तो हो रहा है तो 100% परसेंट अगर सीपी है 20% परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी की वैल्यू दे है आपको 144 तो 144 दे रखे तो 120 ट्वेंटी परसेंट इक्वल टू वन दे रखा है तो 100 परसेंट इक्वल टू कितना आ हंड्रेड परसेंट आपका आ गया वन टूपीज तो इसका मतलब सीपी फॉर रिटेलर जो है वो कितना आ गया 120 अब अच्छा एक चीज समझो जिस प्राइस पे रिटेलर ने खरीदा होगा उसी प्राइस पे तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा होगा तो इसका मतलब सीपी फॉर रिटेलर इक्वल टू एसपी फॉर मैन्युफैक्चरर हुआ कि नहीं हुआ भाई आप जिस प्राइस पर किसी से खरीद रहे हो वो आपके लिए कितना, हो गया? 120 हो गया। अच्छा, सेलिंग, प्राइस कितना माना था, 100 माना था तो परसेंटेज कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज फॉर मैन्युफेक्चर कितना हो गया भाई 120 सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चर के लिए 100 कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट हो गया 20 का एजम्सन थी हमारी सीपी 100 मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दिया परसेंट निकालने के लिए कितना आ गया ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट तो आई होप भाई आपको ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन रीड करो भाई अब ये क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंपोर्ट्स टू कंपोनेंट दो कंपोनेंट इंपोर्ट करती है ए और बी ताइवान और चाइना से और असेंबल करती है एक नया टॉय बनाने के लिए उसके बाद वो कह रही है कि यार एक कंपोनेंट ए कॉन्ट्रीब्यूट टेन परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपोनेंट बी कॉन्ट्रीब्यूट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यूजुअली जो कंपनी है वो बीस परसेंट का मार्जिन लेके बेचती है अपना सामान लेकिन अब जो है रॉ मेटेरियल लेबर कॉस्ट वो इंक्रीज हो गई है ट्वेंटी परसेंट से और फोर्टी परसेंट से और आपको बोला कि जो रीजन है इस वजह से इन्होंने सेलिंग प्राइस फिफ्टी परसेंट से इंक्रीज कर दी बाकी सारे कंपोनेंट का जो प्राइस है वो सेम है तो आपको बताना है नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा तो इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी टोटल वो हंड्रेड है तो अगर टोटल कॉस्ट हंड्रेड है तो इसका मतलब

जो आपका कॉस्ट प्राइस है हंड्रेड रुपीज इसमें से आपका ए है टेन रुपीज का बी है ट्वेंटी रुपीज का तो जो रिमेनिंग बचा रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट है उनका कॉस्ट कितना हो गया हंड्रेड माइनस टेन माइनस ट्वेंटी तो आ गया सेवेंटी रुपीज ठीक है अच्छा अब क्या कह रहा है इसके बाद इसके बाद न्यू कॉस्ट कितनी है ए की ए की न्यू कॉस्ट कितनी है न्यू कॉस्ट ऑफ ए ए जो है कितने से कॉस्टली हो गया ट्वेंटी परसेंट कॉस्टली हो गया पहले था टेन रुपीज टेन रुपीज में अगर आप ट्वेंटी परसेंट एड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व न्यू कॉस्ट ऑफ बी कितना है बी फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज हुआ है पहले इसका कॉस्ट ट्वेंटी रुपीज अगर आप इसमें नहीं बी इंक्रीज हुआ आपका फोर्टी परसेंट है तो पहले इसका कॉस्ट था ट्वेंटी तो आप फोर्टी परसेंट एड कर दोगे कि तो कितना ट्वेंटी एट रुपीज तो नया कॉस्ट हो गया ट्वेंटी एट रुपीज बाकी सब आपका सेम था तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना हो गया नया न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल कितनी हो गई ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एट प्लस जो रेस्ट वाला था रिमेनिंग कितना था सेवेंटी रुपीज था तो 70 यहां पर आ गया तो नया प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया नया प्रोडक्शन कॉस्ट आपका हो गया वन हंड्रेड टेन रुपीज ठीक है अब वन हंड्रेड टेन रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस कितना है न्यू सेलिंग प्राइस पहले ये 120 में सेल करते थे अब इन्होंने बोला कि फिफ्टीन परसेंट से इंक्रीज कर दिया तो वन ट्वेंटी में अगर आप फिफ्टीन परसेंट एड कर दोगे तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी तो यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा वन थर्टी एट ठीक है आपसे पूछा गया आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है नया आपके पास सीपी आ गया है नया आपके पास एसपी आ गया है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी प्रॉफिट कितना है 138 थर्टी एट माइनस वन हंड्रेड टेन कितना हो गया ये हो गया आपका 28 एट अपॉन वन जो आपका नया सीपी है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दिया तो अप्रोक्सीमेट आ गया किसके ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट के तो ये मेरा आंसर हो गया तो बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन बड़ा है इस बात से डरना नहीं है भाई बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ अप्रोच तो वही रहेगा ना भाई प्रॉफिट और लॉस तो वही रहेगा प्रॉफिट वही सीपी पे निकलेगा वही एसपी है वही डिस्काउंट होता है वही एमआरपी है तो क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ना नहीं है बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन बड़ा है छोड़ देते हैं छोड़ना नहीं है आप क्वेश्चन देखो तो सही क्वेश्चन कह रहा कह रहा है भाई कह अमरेंद्र और धर्मेंद्र जो है दोनों भाई भाई हैं और कह रहा है कि भाई एक दिन ये क्या करते हैं घर से सेम टाइम पे निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और इस रेलवे स्टेशन है कितनी दूर भाई रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है फिफ्टीन किलोमीटर अपनी अपनी गाड़ी में निकलता है और फिर दे रखा है कि जो अमरिंदर है वो ट्वेंटी फाइव मिनट में स्टेशन पहुंच जाता है और जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई जो उसका भाई है धर्मेंद्र वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर अवे है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर का मतलब क्या हो गया टू पॉइंट फाइव किलोमीटर अवे है अब नेक्स्ट डे क्या होता है धर्मेंद्र कहता है मैं सात मिनट जल्दी निकलूंगा अब वो सात मिनट जल्दी निकलेगा तो आपसे पूछा है कि अब लास्ट डे के कंपेरिजन में वो कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाएगा तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं भाई डिस्टेंस हमें करते थे तो अमरिंदर की स्पीड के के 25 में, वो फिफ्टीन किलोमीटर चलता है तो इसका मतलब सिक्सटी मिनट्स में वो कितना चलेगा सिक्सटी मिनट में वो चलेगा मल्टीप्लाई बाई सी तो कितना हो गया थर्टी सिक्स किलोमीटर तो थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई किसकी अमरिंदर की ठीक है अब आपको दे रखा जब अमरिंदर स्टेशन पहुंचता है तो धर्मेंद्र जो है वो 2.5 किलोमीटर अवे होता है तो इसका मतलब धर्मेंद्र ने 12.5 किलोमीटर चला है भाई तो टोटल डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अभी तक वो अवे है तो इसका मतलब 12.5 किलोमीटर चला है कितनी देर में चला है 25 मिनट्स में भाई सेम टाइम में तो 25 मिनट्स में 12.5 किलोमीटर चला है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई तो 60 मिनट में कितना चलेगा 12.5 अपॉन किलोमीटर पर आर तो थर्टी तो किलोमीटर की, की तो अब हमें भाई दोनों के पर की स्पीड पता चल गई है अमरिंदर और धर्मेंद्र की अमरिंदर की स्पीड है थर्टी सिक्स धर्मेंद्र की स्पीड है थर्टी किलोमीटर पर आर अब आपसे क्या बोला है कि अगले दिन धर्मेंद्र सात मिनट पहले स्टार्ट करता है तो धर्मेंद्र सात मिनट पहले स्टार्ट करता है अब भाई नेक्स्ट डे क्या हुआ नेक्स्ट डे धर्मेंद्र सात मिनट जल्दी निकल गया सात मिनट जल्दी निकल गया और किलोमीटर किलोमीटर पर कि स्पीड है है डिस्टेंस कितना तो ये कितनी देर में पहुंच जाएगा मान लो भाई ये टी बजे निकला तो टी बजे निकला तो भाई ये कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाएगा टी प्लस थर्टी मिनट्स में टी प्लस थर्टी मिनट्स कैसे भाई थर्टी किलोमीटर पर घंटे चलता है स्टेशन सिर्फ फिफ्टीन किलोमीटर दूर है तो आधा टाइम ही तो लगेगा तो हाफ एन आवर में ये चल जाएगा तो मान लो ये घर से निकला नौ बजे तो साढ़े नौ बजे भाई ये स्टेशन पहुंच जाएगा कौन पहुंच जाएगा धर्मेंद्र अच्छा अमरेंद्र जो है वो इसके सात मिनट बाद निकलेगा भाई ये तो टी बजे निकला तो ये कब निकलेगा ये टी प्लस सात में निकलेगा अगर ये नौ बजे निकला था तो ये सात मिनट जल्दी निकला था तो अमरिंदर जो है वो नौ बज के सात मिनट में निकला होगा प्लस उसे कितना टाइम लगेगा स्टेशन पहुंचने में ट्वेंटी फाइव मिनट लगते हैं उसे स्टेशन पहुंचने तो तो इसका मतलब इसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा टी प्लस थर्टी टू मिनट समझो बात को अगर धर्मेंद्र नौ बजे निकला तो वो कितने बजे स्टेशन पहुंच गया साढ़े नौ बजे पहुंच गया और ये सात मिनट जल्दी निकला था तो इसका मतलब अमरिंदर कितने बजे निकला होगा अमरिंदर निकला होगा नौ बजे सात मिनट पे तो अमरिंदर अगर नौ बज के सात मिनट पर निकला होगा और ट्वेंटी फाइव मिनट स्टेशन पहुंचने में लगते हैं तो कितने बजे वो स्टेशन पहुंचा होगा वो पहुंचा होगा नौ बज के बत्तीस मिनट पे नाइन थर्टी टू पर स्टेशन पहुंचा होगा आपसे यही पूछा है अमरिंदर कितनी लेट पहुंचेगा तो अमरिंदर धर्मेंद्र से दो मिनट लेट स्टेशन पहुंचेगा तो 120 मिनट्स लेटर समझ में क्वेश्चन भाई पूरा का पूरा भाई अच्छा क्वेश्चन था समझो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना भाई लॉजिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप टीएसडी क्वेश्चन कर जाओगे अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते आर थ्री पीसेज ऑफ केक वे नाइन बाय टू एलबीएस ट्वेंटी सेवन बाई फोर एलबीएस एंड पीसेज ऑफ केक्स आर इक्विडी डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए मैनर ट एवरी गेस्ट जो है सबको एक सिंगल पीस ऑफ केक मिल जाना चाहिए फिर बोला हुआ फर्दर द वेट ऑफ द पीस शुड बी एज हैवी एज पॉसिबल उसका देखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट जिनको आप केक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ठीक है तो हमें क्या करना है अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल पीस निकालना है केक का ठीक है क्योंकि हमें हैवी रखना है तो उसमें क्या होगा हैवी अगर रखना है तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए एस सी एफ चाहिए हाइस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है तो एस सी एफ मुझे निकालना पड़ेगा किसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ केक है नाइन बाई टू ट्वेंटी सेवन फोर और थर्टी सिक्स बाई फाइव अगर फ्रैक्शन में दे रखा तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको फंडा बताया हुआ है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो एचसीएफ सी ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा नाइन ट्वेंटी सेवन और थर्टी सिक्स में कॉमन क्या है नाइन कॉमन है अपॉन टू फोर और फाइव का एलसीएम क्या होगा ट्वेंटी तो ये होना चाहिए क्या ये होना चाहिए तुम्हारा केक का साइज तो साइज ऑफ केक टू बी गिवन टू ईच गेस्ट आपका निकल गया कितना LBS. है। आपको निकालना क्या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ देख लेते हैं है। एक पीस का मेरे पास एक एक इस साइज का है एक एक इस साइज का और एक एक इस साइज का है तो मैं तीनों को डिवाइड कर दूंगा जो मेरा एस है तो फिर मेरे मैक्सिमम गेस्ट निकल जाएंगे तो इसका मतलब मेरा नाइन बाई टू वाला जो केक है उसके कितने पीसेज हो जाएंगे वो निकाल लेता हूं प्लस जो मेरा ट्वेंटी सेवन बाई फोर है उसके मेरे कितने पीसेजे नाइन बाय ट्वेंटी के वो निकाल लेता हूं एंड थर्टी सिक्स बाय फाइव के कितने पीसेजेंगे नाइन बाई ट्वेंटी के फॉर्म में वो निकाल लेता हूं तो वो मेरा टोटल निकल जाएगा तो टोटल निकल जाएगा कितना आ गया ये आगे टेन प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन तो इसका मतलब फोर्टी वन फोर्टी वन लोगों को आप मैक्सिमम जो है ये केक दे सकते हो तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया यहां पे आंसर नहीं है द आंसर विल बी नन ऑफ दीज

वॉटर एंड मार्बल्स आर फुल्ली समर्ज फिर था डायमीटर ऑफ द बीकर इज सेंटीमीटर फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द मनी मार्बल राइज पॉइंट सेंटीमीटर आपको यह बोला हुआ है कि एक भाई आपके पास सिलेंडर बीकर आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी है क्रो वाली जिसमें भाई क्रो होता है वो भाई पानी पीने जाता है मटके में से लेकिन वो मटके में पानी नहीं पी पाता तो क्या करता है वो वो उसमें पत्थर डालता है पत्थर डालता है और पत्थर डालने की वजह से जो पानी का लेवल है वो कहा जाता है वो ऊपर आ जाता है तो सिमिलरली उसी फैशन में भाई ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें कुछ पानी था लेकिन पानी थोड़ा नीचे था तो क्या करा किसी ने इसमें मार्बल डाले तो मार्बल डाले होंगे तो पानी का लेवल बढ़ गया होगा तो पानी का जो लेवल है वो कितना बढ़ गया वो बढ़ गया फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर से तो पानी अब यहां पहुंच गया पहले यहां था तो क्या इसकी हाइट बढ़ गई इसकी हाइट बढ़ गई फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो आपको बोला है भाई कितने इसमें मार्बल डाले हैं कि इतनी हाइट बढ़ जाए तो आपको करना क्या है आप सोचो भाई आपका जो हाइट बढ़ रहा है वो हाइट किसकी वजह से बढ़ रहा है इनके वॉल्यूम की वजह से बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ जो मार्बल है तो अगर आप पूरे बीकर का वॉल्यूम निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल तो आपके नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने टाइल्स वाला किया था याद करो कि सर कितनी टाइल लगेंगी तो टाइल उतनी तो लगेगी जो टोटल एरिया होगा दीवार का डिवाइडेड बाय टोटल एरिया था किसका टाइल का यहां पर क्योंकि वॉल्यूम का गेम है तो यहां पर वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा सिंपल सी बात है तो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फोर बाई पाई आर क्यूब बाई मार्बल जो होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है ठीक है तो फोर बाई थ्री पाई आर कितना दिया हुआ है आर आपको दिया है सेवन सेंटीमीटर तो आर आपको सेवन सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा ये अच्छा ये जो आपको दिया हुआ है ये तो बीकर का दिया हुआ है भाई मार्बल का कितना दिया हुआ है डायमी डायमीटर दायमे, दिया हुआ है मार्बल का 1.4 सेंटीमीटर तो डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टू का होल क्यूब ठीक है और अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आ गया आपका ये रहा और आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू भाई डायमीटर दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर तो आर कितना सेवन बाई टू सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी बड़ी है फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर से तो आपको बताना क्या है आपको बताना है नंबर ऑफ मार्बल जो इसमें डाले गए हैं तो नंबर ऑफ मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है यहाँ से यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई सेवन बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव पॉइंट सिक्स अपॉन फोर बाई थ्री पाई मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट फोर अपॉन टू का होल क्यू इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा वन फिफ्टी मार्बल तो इसका मतलब वन फिफ्टी मार्बल डालने से आपकी जो हाइट है बीकर की जो पानी का राइज़ है वो कितने से हो गया फाइव पॉइंट

एंड आपको ये वाला एंगल दे रखा है सिक्सटी और आपको बोला है ये जो मैंने एरिया बनाया एनक्लोज करा है ये लाइन टच करके पीएस की तो ये एरिया कितना है तो ठीक है किसी तरह से भाई मुझे अगर पूरे टीएस की लेंथ पता चल जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा कैसे हो जाएगा अभी पता चलेगा तो सबसे पहले तो सोचो क्या मैं यहां से टीआर निकाल सकता हूं टीआर को मैंने मान लिया एक्स है तो अगर टी आर एक्स है तो अकॉर्डिंग टू माई प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी एट इन टू एटीन एटीन क्यू भाई ये पूरी लेंथ एटीन होगी ये वाली पूरी लेंथ एक्स प्लस सेवन होगी एट इन टू विल बी इक्वल टू एक्स इन टू एक्स प्लस सेवन ठीक है फर्दर फैक्टराइज करा तो एक्स तो की दो वैल्यूज आ गई नाइन और माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन हो नहीं सकता तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू कितनी है वो नाइन है तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नाइन आ गई अब भाई मुझे निकालना है एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस अब आप सोचोगे निकाले तो निकाले कैसे हमें तो तो पता नहीं। तो याद करो भाई अगर हमें एक एंगल साइड इन टू साइड का सम 18 इंटू इधर वाली नी, जो नीचे वाली साइड है वो कितनी हो गई नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा तो साइन सिक्सटी हो गया तो भाई ये हो गया वन बाय टू मल्टीप्लाई बाईटीन मल्टीप्लाई बाई स और साइन तो इसको मैंने लग रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन एक बार इसका डायग्राम बन गया तो भाई दो मिनट का सॉल्यूशन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें दे रखा दो सर्कल्स है सी वन और सी टू इनका रेडियस जो है वो कितना है वो है थ्री और एट तो ये एक सर्कल हो गया ये एक सर्कल हो गया ठीक है इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है थ्री और इसका रेडियस दे रखा है आपको एट फिर आपको दे रखा है कॉमन इंटरनल टेंजेंट टी टच इज द सर्कल ठीक है तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट कैसे बनेगी कॉमन इंटरनल टेंजेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से और आपको दे रखा है पी वन और पी टू पे ये लोग टच होता है तो ये पी वन हो गया ये पी टू हो गया ठीक है ये इसको सेंटर को ए मान लो इसको आप बी मान लो फिर आपको दे रखा द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट एक्स ठीक है तो अगर एक लाइन है वो सेंटर ऑफ सर्कल को दोनों कनेक्ट करती है तो वो कहां इंटरसेक्ट होती है वो इंटरसेक्ट होती है एक्स पे ठीक है और टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पे और द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज फाइव तो स्मॉलर सर्कल ये वाला है तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दे रखा है फाइव ठीक है अब आपसे पूछा है भाई इस पूरी टेंजेंट की लेंथ बताओ एक तो भाई अगर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी होता तो हम क्या करते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कौन सा फॉर्मूला अगर मेरे पास एक्स भी का डिस्टेंस होता तो मैं लेंथ ऑफ तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाता आंसर आ जाता लेकिन मेरे पास ये नहीं है अब नहीं है तो क्या करूं नहीं है तो भाई कुछ दिमाग लगाओ दिमाग ये लगाओ कि सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ये टेंजेंट पे तो वो नाइन्टी डिग्री एंगल बनाती है ये आपको पता है सिमिलरली अगर ये यहां पे बनाएगी तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना डिस्टेंस फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो ए एक्स जो है आपका फाइव है ए पी वन की जो लेंथ है वो है थ्री तो आपका भाई जो पी वन एक्स होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा फोर कैसे पाथक और तो ट्रिपलेट है दोनों ठीक तो है पाथक और ट्रिपलेट है थ्री फोर फाइव तो इसका मतलब पी वन एक्स जो है वो क्या हो गया वो फोर हो गया अब अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल देखोगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है ठीक है तो ट्राइंगल ए पी वन एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी टू भाई देखने में तुम्हें सिमिलर पता चल रहा है चलना डिग्री एंगल है ये वाले एंगल है साथ में ठीक है तो ये तुम्हारा कितना हो गया ये तुम्हारा हो गया सिमिलर ट्राइंगल तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है वो एक दूसरे का इक्वल होता है तो ए पी वन अपॉन बी पी टू इक्वल टू पी वन एक्स अपॉन पी टू एक्स तो अब आप यहां वैल्यूज पुट कर दो पुट तो करोगे तो कितना हो थ्री बाई एट विल इक्वल टू फोर बाई पी टू एक्स तो पीटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पीटू एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी तो आपको निकालना क्या आपको पी वन पी टू की तो पी वन पी टू की लेंथ किसके बराबर होगी पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स तो पी वन एक्स की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी फोर पी टू एक्स की हमने अभी निकाली टेन पॉइंट सिक्स सिक्स तो पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई length हो गई फोर्टीन पॉइंट

जिसकी लेंथ है एट्टी मीटर तो ये पूरा पूरा जो डिस्टेंस है वो आपका निकल के आ गया कितना एट्टी मीटर का फिर आपको देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर सिक्सटी एंड थर्टी रिस्पेक्टिवली जो एक पॉइंट है बीच में ये रहा पॉइंट उसमें अगर दोनों तरफ आप एंगल देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दीज आर थर्टी एंड सिक्सटी तो ये आप थर्टी ले लो ये सिक्सटी ले लो या वो थर्टी ले लो वो सिक्सटी ले लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब आपको आगे क्या दिया हुआ है आपको दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ठीक है अब देखो ये थर्ट इसको ध्यान से समझना है इस वाले ट्राइंगल में इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई e. तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी डी तो ट्राइंगल ए बी डी में बात करूं तो भाई सिक्सटी का अपोजिट वाली वैल्यू क्या होती है ये थर्टी होगा ठीक है तो थर्टी का अपोजिट वाली ये वाली वैल्यू क्या हो गई ये अगर एक्स हो गई तो सिक्सटी का अपोजिट वाली वैल्यू क्या होगी रूट थ्री एक्स ठीक है सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में ये वाली वैल्यू लो अगर तुम y है तो यह वैल्यू अगर y है तो यह वैल्यू तो कितनी हो गई रूट थ्री वाई क्योंकि यह एंगल 60 होगा ठीक है तो पहले वाले ट्राइंगल और दूसरे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं ठीक है तो पूरा का पूरा या तो एक्स की टर्म में चेंज कर लो या वाई की टर्म में चेंज कर लो तो अगर हमने ट्राइंगल एबीडी एबीडी देखा तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई बीडी की बी डी की वैल्यू आ गई एक्स ठीक है अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ट्राइंगल डी सी तो डीसी ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों टावर की हाइट इक्वल है दोनों टावर की हाइट इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई होगा ठीक तो है तो DC की. DC की रूट थ्री एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो डीसी की वैल्यू कितनी होगी डीसी की डीसी की वैल्यू रूट थ्री वाई है तो इसका मतलब रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री एक्स दिस इज इक्वल टू कितना दिस विल बी इक्वल टू थ्री एक्स तो हो गया DC आपका 3X हो गया इक्वल टू आ गया एट्टी मीटर ठीक है तो फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर एक्स की वैल्यू आ गई एट्टी मीटर तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है D ये एक तरफ से 20 मीटर है और दूसरी तरफ से ये एट्टी माइनस ट्वेंटी सिक्सटी मीटर अवे हो गया तो ये तो मेरी आ गई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पोल ठीक है अब मुझे निकालना हाइट ऑफ पोल तो हाइट ऑफ पोल कितना है रूट थ्री एक्स है तो रूट थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी रूट थ्री तो ट्वेंटी रूट थ्री मीटर का पोल हो गया और भाई दोनों के बीच में जो पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है दैट इज ट्वेंटी मीटर फ्रॉम पॉइंट बी एंड सिक्सटी मीटर फ्रॉम पॉइंट सी तो ये मेरा आंसर हो गया इज इट क्लियर

फिर आपको क्या बोल रखा है आपको बोल रखा है इट इज ऑब्जर्व दैट वन थर्ड ऑफ द सेविंग्स मेड बाय एनिमेशन पीपीएफ इज इक्वल टू वन ऑफ ऑफ इज सेविंग इन एनएससी तो मैंने कहा कई काम करते हैं सबसे पहले हम अनिमेश की बात करते हैं ये हमने अनिमेश की बात करी अनिमेश ने दो चीजों में पैसा लगाया एक लगाया है पीपीएफ में और एक लगाया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एनएससी लिख देता हूं तो मान लेते हैं पीपीएफ में जो पैसा लगाया वो लगाया ए और एनएससी में जो पैसा लगाया वो लगाया बी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है वन थर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ मतलब NAC. है, वो इन्हीं दो प्रोजेक्ट में लगाया आपको दे रखा एंटायर सेविंग इन पीपीएफ एन एनएससी तो आप बोलोगे ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया इक्वल टू आपको हो गया वन लैखी ठीक है जी तो अब आपके सामने एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है. यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री बी बाई टू यहा आप पुट करोगे तो आपकी ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज निकल के आ जाएगी तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ए और बी की वैल्यूज कितनी आ गई आपकी भाई बी की वैल्यू आ गई सिक्सटी थाउजेंड एंड ए की वैल्यू कितनी आ गई ए की वैल्यू आ गई नाइन ये चीज आपको पता चल गई सेकेंड चीज आपसे क्या कह रहा है वो आपसे बात कर रहा है अनिकेत की अनिकेत ने क्या करा अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से करा इसने तीन जगह पैसा लगाया है इसने पैसा लगाया है कहां कहां पे शेयर मार्केट में एनएससी में और पीपीएफ में ठीक है जी अब मान लो इसने पीपीएफ ये शेयर मार्केट ये रहा एंड एनएससी ये रहा पीपीएफ में मान लो इसने एक्स पैसा लगाया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इट इज ऑब्जर्व डेट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एक्सीड हिज सेविंग्स इन एनएससी एंड पीपीएफ बाई ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली पीपीएफ में जितना पैसा लगाया था उससे चालीस हजार रुपया ज्यादा इसने शेयर मार्केट में लगाया मैंने कहा मैंने माना है पीपीएफ में पैसा लगाया तो शेयर मार्केट में कितना लगाया होगा भाई एक्स प्लस फोर्टी थाउजेंड लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा इसी तरह से वो ये कह रहा है जितना पैसा इसने एन में लगाया है उससे बीस हजार रुपया ज्यादा इसने शेयर मार्केट में लगाया है तो अगर शेयर मार्केट में एक्स प्लस चालीस हजार है तो एनएससी में इससे बीस हजार कम होगा तो एक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड हो गया भाई बात को समझो लाइन को रीड करो क्या कर इट इज ऑब्जर्व दैट हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एक्सिड हिज सेविंग इन एन एस सी बाई ट्वेंटी में अगर इसने एक्स प्लस पैसा लगाया तो शेयर मार्केट में एक्स चालीस हजार हुआ कि नहीं हुआ इसी तरह से पीपीएफ में बोला है चालीस हजार ज्यादा है तो पीपीएफ में अगर आपने एक्स माना है तो शेयर मार्केट में एक्स प्लस चालीस हजार हो गया क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया बिल्कुल अब हमें यह पता है टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू मन तो आप क्या बोलोगे एक्स प्लस एक्स प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल टू कितना तो यहाँ से आपकी वैल्यूज निकल के आ गई कितनी वैल्यू निकल के आ गई थ्री एक्स थाउजेंड इक्वल टू वन फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया थ्री एक्स इक्वल टू थाउजेंड और एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक्स का वैल्यू आ गया थर्टी थाउजेंड इसका मतलब अनिकेत ने पीपीएफ में कितना पैसा लगाया पीपीएफ में इसने लगाया कितना पैसा 30, तो NAC में कितना पैसा लगाया एनएससी में एक्स प्लस ट्वेंटी में जो पैसा लगाया वो लगाया थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी तो वैल्यू कितनी आ गई value आ फिफ्टी थाउजेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है डिफरेंस बताओ जो अनिमेश और अनिकेत के एनएससी में है एनएससी में अनिमेश ने लगाए थे आपके सिक्सटी थाउजेंड अनिकेत के आपने लगाए फिफ्टी डिफरेंस कितना हो गया सिक्सटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड So, right बात क्लियर तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो लेकिन अगर हमारी अप्रोच क्लियर है किस तरह से सोल्व करना है तो में कुछ नहीं बचा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं राज ट्रेवल्स है वो चार्ज करता है अगर दो सौ लोग हैं तो वो बीस हजार रुपए चार्ज करता है और फिर उसके बाद जितने जितने लोग आते रहते हैं वो भाई पचास रुपए का डिस्काउंट देता है हर मेंबर को तो जितने लोग ऐड हो रहे हैं उतने लोगों को पचास पचास रुपए का डिस्काउंट मिलता रहता है मैक्सिमम वो इनकम कितनी ले सकता है तो मान लो टू हंड्रेड तक लोग हैं पहले खुद ट्राई करना टू हंड्रेड तक लोग हैं ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है जिसे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में चेंज कर दिया है ध्यान से समझो तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं अगर दो लोग हैं तो वो कितने रुपए चार्ज करेंगे वो पर पर्सन ट्वेंटी थाउजेंड चार्ज करेंगे अगर मैं आपसे बोलूंगी वो एक बंदा एक्स्ट्रा आ जाता है तो अगर एक बंदा एक्स्ट्रा जाता है तो वो सब लोगों को क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे तो पर पर्सन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी टू वन एक बंदा एक्स्ट्रा है मैंने कहा अगर दो लोग एक्स्ट्रा आते तो क्या होता तो भाई पर बंदे को जो पैसे देने पड़ते वो कितने देने ट्वेंटी थाउजेंड माइनस क्योंकि आपको लिखा फॉर एवरी एडिशनल ट्रेवल वो पचास रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है तो अब दो लोग एक्स्ट्रा है तो दो लोगों के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया तो हर बंदा अब देगा नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इसी तरह से अगर मैं बोलू दो सौ पांच लोग होते तो क्या होता तो आप बोलते दो सौ पांच लोग होते तो पर पर्सन कितने रुपए देता ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी इंटू फाइव क्योंकि पांच लोग आए एडिशनल तो हर बंदे का पचास रुपए डिस्काउंट सब लोगों को मिलेगा तो पर पर्सन जो पैसा देता वो देता नाइनटीन सेवनटीन फिफ्टी ठीक है तो ये बात समझ में आई तो यहां से मुझे क्या पता चला यहां से मुझे ये पता चला अगर मान लो जो नंबर ऑफ लोग हैं वो टू हंड्रेड प्लस एन आए ठीक है टू हंड्रेड प्लस एन तो पर per पर्सन जो रिवेन्यू होगा वो कितना होगा पर per पर्सन जो रिवेन्यू है पर per पर्सन जो रेवेन्यू होगा वो होगा ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी एन ठीक है तो अगर मैं आपसे ये जो ओनर है इसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय प्राइस पेड बाय पर पर्सन तो आप बोलोगे 200 हंड्रेड प्लस एन मल्टीप्लाई कर दोगे सर आप किससे 20,000 ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी एन से तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या चीज निकल के आ जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी माइनस फिफ्टी एन स्क्वायर प्लस टेन थाउजेंड एन माइनस प्लस कितना फोर्टी लाख ,00 तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमें क्या निकालना है

और ये B है, तो बी स्क्वायर इस टेन थाउजेंड का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फोर्टी लाख अपॉन फोर ए फोर इंटू माइनस फिफ्टी तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है आपका आंसर निकल के आ रहा है कितना आंसर निकल के आ रहा है हमारा फोर्टी फाइव ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया ज हाउ यू आर कैल्कुलेटिंग कि जो राज ट्रेवल्स है वो मैक्सिमम जो पैसा जनरेट कर सकता है वो फोर्टी फाइव लैक जनरेट कर सकता है बात समझ में आपको को करने हैं तो सारे क्वेश्चन में इसी तरह के अगर अप्रोच रखोगे तो आंसर निकलते रहेंगे अदरवाइज कंफ्यूजन होता रहेगा ठीक है चलो भाई लेट सी क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल 30 परसेंट ड्रिंक कॉफी ट्वेंटी परसेंट ड्रिंक ओनली टी ट्वेंटी ओनली सूप 60 ऑफ देम ड्रिंक नन ऑफ दीज ड्रिंक्स ऑल्सो ट्वेंटी फाइव ड्रिंक कॉफी एंड टी बट नॉट सूप थर्टी ड्रिंक कॉफी एंड सूप बट नॉट टी वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ऑल द थ्री ड्रिंक्स पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मैक्सिमम का देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये मेरा कॉफी हो गया ये मेरा टी हो गया और ये मेरा सूप हो गया तो यहां पे लिख लो कॉफी टी एंड थर्टी परसेंट ओनली कॉफी है तो सिक्स हंड्रेड का थर्टी परसेंट कितना हो गया सिक्स हंड्रेड का थर्टी परसेंट हो गया आपका वन एट्टी फिर ट्वेंटी परसेंट ओनली टी है तो हो गया वन ट्वेंटी और आपको देखा ट्वेंटी सूप तो ये आपको हो गया वन फिफ्टी फिर आपको दे रखा है ट्वेंटी फाइव ड्रिंक कॉफी एंड टी बट नॉट सूप तो ट्वेंटी फाइव यहां पर आ गया फिर आपको देखा थर्टी ड्रिंक कॉफी एंड सूप बट नॉट टी तो थर्टी यहां पे आ गया ये दोनों वैल्यूज अपने को नहीं पता है ठीक है? अच्छा सिक्सटी पीपल जो है एक्स तो मतलब तो, तो की वैल्यू और ये वाई लिख दिया मैंने तो एक्स की वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करनी है ठीक है पहले तो सारी वैल्यूज प्लस कर लो जितनी भी आपको दे रखी है तो वन एट्टी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन फिफ्टी प्लस एक्स प्लस वाईक्वल टू कितना होना चाहिए फाइव फोर्टी जो एटलीस्ट एक ड्रिंक पीते हैं ठीक है इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई मेरी वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई की फाइव फोर्टी माइनस फाइव जीरो फाइव तो एक्स प्लस वाई आ गया आपका थर्टी फाइव यह चीज समझ में आ गई अब आपसे बोला है कि आपको ये बताओ ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक बात को समझो अगर आप और मैं है हम दोनों के पास मिला के हंड्रेड रुपीज है मैं चाहता हूं आपके पास मैक्सिमम पैसे आ जाए तो आपके पास मैक्सिमम आ जाए इसका मतलब ये हुआ मेरे पास मिनिमम आ जाए अगर मान लो आपके पास ए e रुपीज है मेरे पास बी और दोनों का मिला के 100 है मैंने कहा ए को मैक्सिमम कर दो तो ए मैक्सिमम कब होगा जब बी मिनिमम होगा मतलब बी की वैल्यू जीरो कर दो तो ए मैक्सिमम हो, हो जाएगा तो इसका मतलब अगर आपको एक्स को मैक्सिमम करना है तो आप वाई को क्या कर दो वाई को आप जीरो कर दो तो अगर आप वाई को जीरो कर दोगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा तो लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम थ्री ड्रिंक पी सकते हैं हो सकता है यहां पर कुछ वैल्यू हो फाइव हो टेन हो इलेवन हो ठीक है लेकिन हमसे पूछा मैक्सिमम क्या हो सकता है तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा मिनिमम करना पड़ेगा चलो भाई लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन कह रहा है टेनिस बॉल इन इनिशियली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 180 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रीबाउंड थ्री फिफ्थ ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको दे रखा है भाई टेनिस बॉल है एक बिल्डिंग है आपने यहाँ पे इस यहाँ से बॉल को थ्रो किया बॉल को थ्रो करा तो ये बॉल कितनी नीचे गई ये 180 मीटर नीचे गई तो 180 मीटर नीचे गई आपको ये बोल रहा है जितना नीचे गई उसका थ्री फिफ्थ इसने रिबाउंड करा तो वन का थ्री फिफ्थ कितना होगा वन का थ्री फिफ्थ होगा आपका वन एट्टी मल्टीप्लाई बाय थ्री बाई फाइव ये आपको हो जाएगा वन जीरो एट मीटर तो इसका मतलब जो बॉल है ये वन जीरो एट मीटर क्या गई ऊपर गई ये आपका वन जीरो एट मीटर तक आई वन जीरो एट तक ऊपर आई तो वन जीरो एट ही नीचे गई होगी तो ये वन जीरो नीचे चली गई अब यह वन जीरो वापस हुई तो वन जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फाइव करोगे तो दिस विल कम डाउन टू बी सिक्सटी फोर पॉइंट एट तो ये सिक्सटी फोर पॉइंट एट ऊपर जाएगी फिर सिक्सटी फोर पॉइंट एट नीचे जाएगी तो कहने का मतलब यार ये एक तरह से क्या बन गई है इनफाइनाइट सीरीज बन गई है क्योंकि जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाएगी तब तक ये ऐसी डिस्टेंस ट्रैवल करती रहेगी और इनफाइनाइट जीपी कुछ इस तरह से बनी है कि पहले ये 180 मीटर चल रही है प्लस फिर 108 ऊपर जा रही है और 108 नीचे आ रही है प्लस फिर 64 मीटर ऊपर जा रही है फिर 64.8 मीटर नीचे जा रही है टिल इंफिनिटी ठीक है तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं आप इन दोनों को प्लस कर दो तो वन प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा टू प्लस इन दोनों को करोगे सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर कितना वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स टिल इंफिनिटी अब आप इसको इसको सॉल्व कर लो क्योंकि दिस इज इनफाइनाइट जीपी यहां पर इसलिए सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि जितनी बॉल ऊपर से नीचे फेंकी है है ना तो एक बार तो इसने सिर्फ 180 मीटर ही ट्रैवल करा है उसके बाद ये दो दो के पेर में ट्रैवल कर रहा है तो आप इसको एंड में ऐड कर देना अलग से तो 180 प्लस अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये ए अपॉन वन माइनस आर तो ए कितना है टू वन सिक्स अपॉन वन माइनस आर आर की वैल्यू कितनी है थ्री बाई तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल कम डाउन टू बी कितना वन एटी प्लस फाइव फोर्टी ठीक है तो टोटल तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा फाइव फोर्टी तो ये वाले डिस्टेंस ट्रैवल करा वन एट्टी स्टार्टिंग में किया था द तो तो आंसर विल बी सेवन ट्वेंटी मीटर तो जो बॉल ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा वो करा से मीटर ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यार ऑगस्ट फिफ्टीन को फ्लैग हॉस्टिंग सेरेमनी होती है स्कूल की और किस तरह से भाई स्वीट्स मिलती हैं सब बच्चों को पहले वाले रोल नंबर को वन मिलता है बॉक्स दूसरे वाले रोल नंबर को टू बॉक्स स्वीट मिलती है जिसका रोल नंबर थ्री है उसको थ्री बॉक्सिस ऑफ स्वीट मिलती है इस तरह से मिलती रहती है और कह रखा है कि क्लास थ्री में टोटल जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ट्वेल्व हंड्रेड होती है लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे को जो उसका रोल नंबर होता है उसकी डबल स्वीट्स मिल जाती हैं तो आपको पता लगाना है कि, कि किसकी डबल स्वीट मिली तो मान लो कि उस बच्चे का रोल नंबर है एक्स एक्स इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ट्वाइस स्वीट्स ठीक है तो उसका रोल नंबर एक्स है तो उसे एक्स की जगह कितनी मिल गई टू एक्स स्वीट मिल गई ठीक है अब एक चीज समझो कि वन पहले वाले को वन मिली दूसरे वाले को टू मिली तीसरे वाले को थ्री मिली फोर मिली टिल सबको कितनी मिली जितने बच्चे हैं एन बच्चे हैं माइनस इसमें करूंगा एक्स इक्वल टू तो कितना होना चाहिए ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है माइनस एक्स इसलिए कर आप क्योंकि उसे क्या हुआ डबल स्वीट्स मिल गई अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा ये समझो बात नहीं माइनस क्या करूंगा प्लस करूंगा क्योंकि उसे डबल मिली है तो भाई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी उतनी और उसे मिल गई एक्स तो टोटल कितना हो गया टोटल ट्वेल्व हंड्रेड हो गया भाई मान लो किसी को मिलनी 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 थी 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 इसको इसको और इन सबका समय लेकिन आपको पता है 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 जो ये टू वाला इसको कितनी मिल गई मिली है। तो आप क्या करोगे वन प्लस टू और कर दोगे जो उसे एक्स्ट्रा मिली है इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो सिमिलर फैशन में मैंने क्या करा जिस बच्चे को जितनी मिलनी चाहिए थी टिल एन एथ बच्चा प्लस जिसका एक्स रोल नंबर था उसको एक्स एक्स्ट्रा मिली और टोटल जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो ही ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो क्या आ गया ये आ गया आपका एन एन प्लस वन बाय टू और ये X इस तरफ चला गया ट्वेल्व हंड्रेड माइनस एक्स हो गया ठीक है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमारा एन एन प्लस वन बाय टू होता है तो अब आपने ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया एन एन प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस टू एक्स ठीक है

टू इंटू ट्वेंटी टू तो यह आ गया फोर्टी फोर तो यहां से वैल्यू क्या एन एन प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड में से फोर्टी फोर गया तो कितना बचा 2, 3, 5, 6, है? क्या ये आपका बचा टू थ्री फाइव सिक्स दो consecutive number का product है ये प्रोडक्ट नहीं है ठीक है तो इसका मतलब दिस इज नॉट द आंसर फिर आपने वैल्यू पुट करी ट्वेंटी फोर ठीक है तो एन एन प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस टू एक्स है तो आपने कहा एन एन प्लस वन इक्वल टू आप रख दो फोर हंड्रेड माइनस फोर्टी एट एन एन प्लस वन जो हो गया वो क्या हो गया ये आपका हो गया टू थ्री फाइव टू ठीक है ये आपकी वैल्यू हो गई क्या ये किसी दो का सम है आई I मीन mean, है तो भाई देखो फोर्टी एट इंटू फोर्टी नाइन आपका कितना आएगा टू थ्री फाइव टू आएगा ठीक है तो क्या बात पता चल गई कि ये वाली वैल्यू जो इसमें फिट हो रही है तो एन की वैल्यू आपकी फोर्टी एट हो गई और एन प्लस वन की वैल्यू कितनी हो गई फोर्टी हो गई तो इसका मतलब जो वो बच्चा है जिसको डबल चॉकलेट मिली है उसका रोल नंबर क्या है उसका ट्वेंटी है तो ट्वेंटी की जगह उसे कितनी चॉकलेट मिल गई उसे मिल गई फोर्टी ए चॉकलेट्स आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन की लेंथ पे जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा लेकिन अगर आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सो आई होप भाई ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी आपके प्रिपरेशन में इसने काफी ज्यादा ग्रोथ करी होगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आपको इससे कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक like जरूर कर देना सो so, दैट भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसके साथ ही अगर आप हमारा पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो भाई डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल सेवन जीरो फाइव इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो आप पूछ सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हो स्टडी बस डॉट को डॉट इन यहां से आप परचेज कर सकते हो साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन इसको भी फॉलो कर लेना सो so दैट आपको कॉन्टिन्यूस नोट्स भी मिलते रहे तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर गुड लक